चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू दी फोर्थ डे ऑफ दिस C5-1 वर्कशॉप फॉर दी अपकमिंग दिसंबर 2024 अटेम्प्ट। आज हमारी C5-1 की वर्कशॉप का 14 दिन है और आज ही हमारे एजेंडा में, जो कि प्री डिसाइडेड था, कि हमने IFRS 2, शेयर बेस्ड पेमेंट, और IS 12, इनकम टैक्सेस, इन दो स्टैंडर्ड्स को कवर करना है। अच्छा, इनकम टैक्सेस का स्टैंडर्ड लास्ट अटेम्प्ट में एक तगड़ा 21-21 का सवाल टेस्ट किया गया है, लेकिन IS 12 का स्टैंडर्ड किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये नहीं कर सकते कि यार चूंकि लास्ट अटेम्प्ट में पूछा गया तो इस अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जिसको छोड़कर जाया जाए। रीजन बीन के इसकी टेस्टिंग 7-8 मार्क की, 10 मार्क की नहीं होती। इस पर सवाल आता है तो वो आपका 20 मार्क तक का, 18 मार्क तक का आता है, और ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि इस एक स्टैंडर्ड के साथ आपके बाकी 3-4 स्टैंडर्ड मिला जुला कर टेस्ट हो जाते। लाइक वो आपको IS 12 के ही स्टैंडर्ड में IFRS 9 के एडजस्टमेंट दे सकता है, IAS 19 के एडजस्टमेंट दे सकता है, इवन किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एडजस्टमेंट IAS 12 के साथ मिला जुला कर देख सकता है। तो IAS 12 को कभी भी छोड़ने की गलती इस अजम्पशन में मत कीजिएगा कि लास्ट अटेम्प्ट में आया तो इस अटेम्प्ट में नहीं, वो कहीं ना कहीं आपका कवर कर देगा। IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट का स्टैंडर्ड, जो कि एक ऐसा स्टैंडर्ड जो कि कैफ लेवल पे नहीं पड़ता है, डायरेक्टली फाइनल लेवल पे पड़ता है, जिस वजह से इसकी एक इंपॉर्टेंस, इसकी एक रेलिवेंस बन जाती है। आज के सेशन के अंदर हम IFRS 2 के कोई 8 से 10 सवाल और IAS 12 के हम 2 से 3 सवाल सॉल्व कर रहे होंगे इनशाला, ताकि हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन हो IFRS 2 और IAS 12 का। तो सर, अगर मैं क्विकली रिकैप करूं कि IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट के स्टैंडर्ड में हमने क्या इंपॉर्टेंट, क्या मेजर कॉन्सेप्ट कवर किए थे। सर, IFRS 2 का स्टैंडर्ड, जिसका टाइटल ही है शेयर बेस्ड पेमेंट, तो ये स्टैंडर्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन पे अप्लाई होगा। ये स्टैंडर्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन पे अप्लाई होगा। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन होती क्या है? तो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन का मतलब है कि एक कंपनी किसी काउंटर पार्टी से गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर करे, एक कंपनी किसी काउंटर पार्टी से गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर करे, ये गुड्स एंड सर्विस, ये काउंटर पार्टी कंपनी का अपना एम्प्लॉय भी हो सकता है, एम्प्लॉय के अलावा कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कंपनी अपने एम्प्लॉय से एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ले रही होती है और अपने एम्प्लॉय के अलावा बाकी काउंटर पार्टी से कोई और गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर कर रही होती है। अगर एक कंपनी अपने काउंटर पार्टी से गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर करे और बदले में उन्हें शेयर बेस्ड पेमेंट ग्रांट करे, बदले में उन्हें शेयर बेस्ड पेमेंट की फॉर्म में रेमुनरेट करे, कंसिडरेशन पे करे, तो यहाँ पर हमारा IFRS 2 का स्टैंडर्ड अप्लाई हो जाता है। शेयर बेस्ड पेमेंट इटसेल्फ क्या है, इसको समझने के लिए हमारे पास 3 तरह के शेयर बेस्ड पेमेंट का जिक्र हम IFRS 2 में कवर करते हैं। नंबर 1, कंपनी ने किसी काउंटर पार्टी से गुड्स एंड सर्विसेज ली, बदले में अपनी कंपनी के या अपनी किसी ग्रुप कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांट करने का प्रॉमिस किया या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ग्रांट किए, तो ये इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट कहलाया जाएगा। सर, जब मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ ना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इटसेल्फ 2 चीजें हो सकती है, या तो इशुइंग कंपनी अपना शेयर इशू कर दे, या तो इशुइंग कंपनी अपना शेयर इशू कर दे, या इशुइंग कंपनी अपने शेयर्स को किसी ना किसी डिसाइडेड एक्सरसाइज प्राइस पे बाय करने का ऑप्शन इशू कर दे। तो मैं अपनी कंपनी के डायरेक्टली शेयर इशू करूं या अपनी कंपनी के शेयर्स बाय करने का इख्तियार राइट आपको दूं, ये दोनों को ही हम इक्विटी ऑप्शंस, इन दोनों को ही हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कह रहे होंगे। तो अगर एक कंपनी किसी काउंटर पार्टी से गुड्स एंड सर्विसेज ले रही है, बदले में अपनी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर रही है, किसी ग्रुप कंपनी का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है, ये इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट कहलाया जाएगा। सेकंड इज कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट। सर, कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में एक कंपनी काउंटर पार्टी से गुड्स एंड सर्विसेज ले रही है, बदले में कैश पे कर रही है, बदले में कैश पे कर रही है, लेकिन कैश का जो अमाउंट है ना वो गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं है, वो गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं है, बल्कि कंपनी के अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यूएशन की बेसिस पे, कंपनी के अपने इक्विटी शेयर्स की बेसिस पे डिटरमाइन की जा रही है, तो वहां पे हमारे पास कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट कराया जाएगा। और तीसरा हमारे पास है सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव। सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव में क्या होगा सर? सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव में कंपनी काउंटर पार्टी से गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर कर रही है, बदले में या तो कंपनी अपने पास या सामने वाली काउंटर पार्टी के पास, इन दोनों में से किसी एक के पास ये ऑप्शन रख रही है कि आदर टू डिसाइड बिटवीन इक्विटी सेटलमेंट और आदर टू डिसाइड बिटवीन कैश सेटलमेंट, तो ये हमारा सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव का कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो रहा होगा। यानी मैंने आपसे गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर किए और आपको ये ऑप्शन दिया कि भाई एक सर्टेन टाइम के बाद या तो आप मेरी कंपनी के एक्स नंबर ऑफ शेयर्स ले लीजिएगा या आप मेरी कंपनी के वाई नंबर ऑफ शेयर्स की इक्वल मुझसे कैश पेमेंट ले लीजिएगा, तो ये सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव है। मैंने आपसे गुड्स एंड सर्विस एक्वायर किए, मेरी मर्जी मैंने अपने पास रखी,
कि मैं आपको कुछ अर्से बाद या तो अपनी कंपनी के कुछ शेयर इशू कर दूं, या मेरी मर्जी की मैं कुछ अर्से बाद एक एक्स नंबर ऑफ शेयर्स के इक्विवेलेंट आपको पेमेंट रिलीज कर दूं, सर ये सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव बन जाएगा। जब हम बात करते हैं इक्विटी सर्टिफिकेट शेयर बेस पेमेंट की, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कॉन्सेप्ट है ग्रांट डेट का, वेस्टिंग डेट का, वेस्टिंग पीरियड का, वेस्टिंग कंडीशंस का। लेकिन अगर हम कंक्लूसिवली शॉर्ट में अगर रिकैप करें इक्विटी सर्टिफिकेट शेयर बेस पेमेंट के केस में, जब तक आप शेयर इशू नहीं करते थे तब तक आप अपने पास हर ईयर एंड पे एक रिजर्व मेंटेन कर रहे होते, हर ईयर एंड पे कुछ ना कुछ एक एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करके एक रिजर्व रिकॉर्ड कर रहे होते। और ये जो इक्विटी सर्टिफिकेट शेयर बेस पेमेंट का रिजर्व है, ये तीन कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है। नंबर वन, फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट द ग्रांट डेट। नंबर वन, फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट द ग्रांट डेट। जिस वक्त इक्विटी सर्टिफिकेट शेयर बेस पेमेंट अरेंजमेंट एग्री हो रहा है, जिस वक्त इक्विटी सर्टिफिकेट शेयर बेस पेमेंट अप्रूव्ड हो रहा है, दैट डेट इज कॉल्ड ग्रांट डेट। ग्रांट डेट पे हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। ग्रांट डेट पे हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हो, बेसिकली हम नहीं, कंपनी का एक्चुअली ग्रांट डेट पे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर रहा होगा। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की ग्रांट डेट पे जो फेयर वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी, इस फेयर वैल्यू के अंदर दो चीजें इनकॉर्पोरेट कर दी जाएगी, इस फेयर वैल्यू के अंदर दो चीजें इनकॉर्पोरेट कर दी जाएगी। नंबर वन, मार्केट कंडीशंस, एंड नंबर टू, नॉन वेस्टिंग कंडीशंस। नंबर वन मार्केट कंडीशन, एंड नंबर टू नॉन वेस्टिंग कंडीशंस। कंपनी के एक्चुअरी की जिम्मेदारी है कि जब वो ग्रांट डेट पे इक्विटी सर्टिफिकेट शेयर बेस पेमेंट की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेगा, तो हमारे इक्विटी सर्टिफिकेट शेयर बेस पेमेंट में जो भी मार्केट कंडीशंस है, जो भी नॉन वेस्टिंग कंडीशंस है, इन दोनों कंडीशंस को वो ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू में इंकॉर्पोरेट कर देगा। और फिर इक्विटी सर्टिफिकेट शेयर बेस पेमेंट की ये जो फेयर वैल्यू आपने ग्रांट डेट पे डिटरमाइन की, ये फेयर वैल्यू लॉक हो जाएगी, यानी आगे जाके इस फेयर वैल्यू को हम चेंज नहीं कर रहे होंगे, आगे जाके इस फेयर वैल्यू को हम रीमेजर नहीं कर रहे होंगे। और चूंकि मार्केट कंडीशन और नॉन वेस्टिंग कंडीशन, इन दोनों का हर तरह का इंपैक्ट इस ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू में इंकॉर्पोरेट हो गया है, तो इक्विटी सर्टिफिकेट शेयर बेस पेमेंट के केस में आगे जाकर मार्केट कंडीशन या आगे जाकर नॉन वेस्टिंग कंडीशन को आपको देखने की या कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। आगे जाकर मार्केट कंडीशन पूरी हो, आगे जाके मार्केट कंडीशन पूरी ना हो, आगे जाके मार्केट कंडीशन हमारी एक्सपेक्टेड टाइम की बेसिस पे पूरी हो या हमारी एक्सपेक्टेड टाइम की बेसिस पे पूरी ना हो, हमने आगे जाके मार्केट कंडीशंस को देखना ही नहीं है, क्योंकि उन सारी चीजों का इंपैक्ट ग्रांट डेट के फेयर वैल्यू के अंदर इंकॉर्पोरेट हो चुका है। दूसरा मेजर कंपोनेंट है नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर लाइकली टू बी वेस्टेड, कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली वेस्ट हो रहे होंगे, कितने नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली सामने वाली काउंटर पार्टीज की एंटरटेनमेंट बन रही होगी। ये नंबर हम हर ईयर एंड पे एस्टिमेट करेंगे, ये नंबर हम हर ईयर एंड पे एस्टिमेट करेंगे। और जब मैं बात करता हूं ना कि हम हर ईयर एंड पे एस्टिमेट करेंगे, तो यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट इसे हर ईयर एंड पे एस्टिमेट करेगी। कंपनी की मैनेजमेंट जब इस नंबर को हर ईयर एंड पे एस्टिमेट करेगी, तो दो चीजों को देखते हुए वो एस्टिमेट करेगी। नंबर वन, सर्विस कंडीशन, एंड नंबर टू, नॉन मार्केट वेस्टिंग कंडीशन या नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन। यानी कि हर ईयर एंड पे कंपनी की मैनेजमेंट ये एस्टिमेट, ये जजमेंट कॉल लेगी कि कितनी काउंटर पार्टीज सर्विस कंडीशंस को पूरा करेंगे, कितने काउंटर पार्टीज या किस हद तक नॉन मार्केट वेस्टिंग कंडीशंस पूरी होंगी, और इन दो कंडीशंस को अकाउंट फॉर करते हुए नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर लाइकली टू बी वेस्टेड एस्टिमेट किया जा रहा हो। और तीसरा हमारे पास जो कंपोनेंट होगा वो टाइम फैक्टर का होगा। अगर मैं शेयर बेस्ड पेमेंट पास सर्विसेज के केस में पास सर्विसेज के अगेंस्ट ग्रांट कर रहा हूं, यानी कि आज ही शेयर बेस्ड पेमेंट वेस्ट कर दिए, तो फिर टाइम फैक्टर की रेलेवेंट नहीं होगी, सारा का सारा एक्सपेंस आज रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं शेयर बेस्ड पेमेंट सब्जेक्ट टू सम फ्यूचर कंडीशन, सब्जेक्ट टू सम फ्यूचर परफॉर्मेंस इश्यू कर रहा हूं, तो अकॉर्डिंगली हम सर्विस पीरियड के हिसाब से टाइम फैक्टर्स को एडजस्ट कर रहे होंगे। तो ये तो पहले हमारे साथ एक क्विक सा रिकैप था रिगार्डिंग इक्विटी सर्टिफिकेट शेयर बेस्ड पेमेंट। एक सवाल देखते हैं, सवाल बड़ा आसान सा है, लेकिन आईकेम ने बड़ा खूबसूरती से इसे टेस्ट किया था समर 2022 के अटेम्प्ट में। समर 2022 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, 5 मार्क की वेटेज से सवाल की। कहता है, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द फ्यू ट्रांजैक्शन ऑफ पिजन लिमिटेड। कहता है फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द फ्यू ट्रांजेक्शन ऑफ पिजन लिमिटेड।
On 1st January 2021, PL approved a share-based payment scheme for its employee who have completed 5 years of service in PL. Under the scheme, each employee will be issued 1,000 shares having par value of 50 each at the end of each year for 3 consecutive years. There are no conditions attached other than continuous service till the date of issuance of shares. On the grant date of 1st January 2021, total eligible employees for the scheme were 100. कहते हैं कंपनी पेंशन लिमिटेड 1st January 2021 पे कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम अप्रूव की, और ये शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम उन एम्प्लॉयज को मिलेगी जो 5 साल की सर्विसेज कंपनी को पास में दे चुके, यानी कि 5 साल से कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में। उन एम्प्लॉयज को ये स्कीम दी जाएगी जिन्होंने 5 साल कंपनी में गुजार लिए हैं। दैट 5 साल इज नॉट द सर्विस कंडीशन, दैट 5 साल इज द एंटाइटलमेंट टू डिटरमाइन कि किनको ये शेयर स्कीम दी जाएगी। अभी शेयर स्कीम के लिए आगे भी कुछ करना पड़ेगा। कहता है स्कीम के तहत 1,000 शेयर इशू होंगे हर 3 साल में, हर साल के आखिर में 1,000 शेयर इशू होंगे एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द 3 कंसेक्टिव ईयर, यानी कि 1 साल बाद 1,000, दूसरे साल बाद 1,000 और तीसरे साल बाद मजीद 1,000। कहता है कोई और कंडीशन नहीं है सिवाय इसके कि आपको कंटिन्यूस सर्विस प्रोवाइड करनी है जब तक शेयर इशू किए जा रहे हैं, यानी कि अगर आप पहले साल के आखिर तक होंगे तो आपको 1,000 शेयर पहले साल के आखिर में दे देंगे, अगर आप दूसरे साल के आखिर में होंगे तो पहले साल के आखिर में भी 1,000 शेयर देंगे, दूसरे साल के आखिर में भी 1,000 शेयर देंगे, और अगर आप तीसरे साल के आखिर में होंगे तो आपको पहले साल भी 1,000 शेयर, दूसरे साल भी 1,000 शेयर और तीसरे साल भी 1,000 शेयर देंगे। और ग्रांट डेट पे टोटल एम्प्लॉयज हमारे पास 100 है जो कि इस स्कीम के लिए इंटाइटल्ड है। फिर कहता है इनिशियली पीएल एक्सपेक्टेड दैट नन ऑफ द एलिजिबल एम्प्लॉयज विल लीव ड्यूरिंग द 3 इयर्स, हाउएवर 5 एलिजिबल एम्प्लॉय लेफ्ट पीएल ड्यूरिंग 2021 एंड पीएल नाउ एक्सपेक्ट दैट फर्दर 4 एंड 3 एम्प्लॉयज विल लीव ड्यूरिंग द ईयर 2022 एंड 23 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है इनिशियली तो हमें लग रहा था कि कोई भी इंप्लॉय 100 में से हमें अगले 3 सालों में छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन पहले साल के आखिर में क्या हुआ कि 5 लोग कंपनी को छोड़कर चले गए, 100 में से 5 लोग चले गए। जब 100 में से 5 लोग चले गए पहले साल के आखिर में, अब कंपनी को लगता है कि 4 लोग दूसरे साल में और 3 लोग तीसरे साल में कंपनी को छोड़कर जा रहे होंगे। फिर कहता है फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर एट द ग्रांट डेट वाज ₹240 पर शेयर व्हिच हैज इंक्रीज टू 265 ऑन 31st December 2021। हमारे पास ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर 240 है जो कि साल के आखिर में बढ़कर 265 हो गई है। सर हम ये बात जानते हैं कि इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में हमें फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट कंसिडर करनी है, यानी कि ईयर एंड पे जो फेयर वैल्यू दी हुई है वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट में कहता है prepare the extracts including comparative figure relevant to the above transaction from the PL statement of financial position and statement of profit and loss and other comprehensive income for the year ended 31st December 2021। अच्छा ये कॉम्प्रिहेंसिव सवाल की एक एडजस्टमेंट थी, तो मैंने सिर्फ IFRS 2 की एक एडजस्टमेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट की है। IFRS 2 में एज सच को इतने ज्यादा खतरनाक एक्सट्रैक्ट होते नहीं है। अगर इक्विटी से शेयर बेस्ड पेमेंट है तो हमारी इक्विटी में शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व आ जाएगा, अगर शेयर एक्चुअली इशू हो गए तो हमारी इक्विटी में शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम आ जाएगा, अगर कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट है तो हमारी बैलेंस शीट के ऊपर लाइबिलिटीज में लाइबिलिटी प्रेजेंट हो रही होगी। देखिए बजायर इस तरह का सवाल बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये क्या कह रहा है कि हर 3 साल के आखिर में 1,000 1,000 शेयर के इशू करूंगा तो इसे कैसे अकाउंट फॉर करूं। एक्चुअली ना आपको इसने आपने आपको इस ट्रांजेक्शन को ऐसे देखना था कि ये 3 शेयर बेस्ड पेमेंट ग्रांट की जा रही है। एक शेयर बेस्ड पेमेंट ऐसी है जिसका सर्विस कंडीशन, जिसका वेस्टिंग पीरियड 1 साल है, एक सर्विस कंडीशन ऐसी है जिसका सर्विस कंडीशन वेस्टिंग पीरियड 2 साल है, और एक शेयर बेस्ड पेमेंट ऐसी है जिसका वेस्टिंग पीरियड सर्विस कंडीशन 3 साल है। और फिर हम अपने एस्टिमेट की बेसिस पे कि जितने लोग पहले साल की सर्विसेज पूरी करेंगे उनको पहले वाली शेयर बेस्ड पेमेंट ग्रांट होगी, जितने लोग हमारे एस्टिमेट की बेसिस पे 2 साल की सर्विस कंडीशन पूरी करेंगे उनको वो अकॉर्डिंगली ग्रांट होगी, और अकॉर्डिंगली फिर जितने लोग 3 साल की सर्विस पूरी कंप्लीट करेंगे उनको 3 साल बाद शेयर इशू करेंगे। किस तरीके से देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1
ऑफ समर 2022। अगर मैं इस एक सिंगल इक्विटी सडन शेयर बेस पेमेंट को अरेंजमेंट को तीन कैटेगरीज में बफरकेट करूं, एक 1 ईयर सर्विस कंडीशन के साथ है, एक 2 ईयर सर्विस कंडीशन के साथ है और एक 3 ईयर सर्विस कंडीशन के साथ। तीनों केसेस में हम एक्सपेंस या हम रिजर्व का नंबर डिटरमाइन करेंगे 31 दिसंबर 2021 पे, 31 दिसंबर 2021। सर, ओरिजिनली हमें लग रहा था क्या इस स्कीम के तहत 1,000 शेयर इशू की जाएंगे पहले, दूसरे, तीसरे साल में, और शेयर की जो फेयर वैल्यू थी वो कितनी थी? 240। तो हमारे पास 240 की फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट, 1,000 शेयर्स का वादा किया गया है, कितने कितने एम्प्लॉयज को? 100 एम्प्लॉयज को। इनिशियली मुझे लग रहा था कि कोई एम्प्लॉय छोड़कर जाएगा नहीं, लेकिन पहले साल के आखिर में 5 लोग छोड़कर चले गए। यानी कि पहले साल के आखिर में 100 में से 95 लोग रहे और पहले साल के आखिर में उन 95 लोगों की 1,000 1,000 शेयर्स की इंटाइटलमेंट हुई और उन 95 लोगों को 1,000 1,000 शेयर्स इशू कर दिए गए। तो यानी कि जो पहले शेयर बेस्ड पेमेंट, यानी कि 1 साल की शेयर बेस्ड पेमेंट का नंबर ऑफ एम्प्लॉय होगा, दैट वुड बी 95, या दैट वुड बी 100 माइनस 5। और पहले साल के आखिर में जो 1,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं उसके लिए कंडीशन क्या थी कि आपको 1 साल तक कंपनी के साथ रहना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे टाइम पीरियड वुड बी 1/1। फिर इसी तरीके से मैं मजीद 1,000 शेयर इशू करूंगा उन लोगों को जो 2 साल तक कंपनी के साथ रहेंगे, जो 2 साल तक कंपनी के साथ रहेंगे। अब 100 में से पहले 5 लोग तो पहले ही साल चले गए थे और मुझे लगता है पहले साल के आखिर में, मैं पहले साल के आखिर में हूं कि यार मजीद 4 लोग ऐसे हैं जो दूसरे साल में छोड़कर चले जाएंगे। यानी कि जब दूसरे साल का आखिर आएगा तो 100 में से 5 लोग तो पहले साल में चले गए और मेरा एस्टिमेट है कि मजीद 4 लोग दूसरे साल में चले जाएंगे, यानी दूसरे साल के आखिर में 91 एम्प्लॉयज होंगे जिनको ये 1,000 शेयर इशू किए जाएंगे। और फिर 3 ईयर सर्विस कंडीशन के साथ अगेन 100 लोगों को ये शेयर बेस पेमेंट ग्रांट किया था, 5 लोग तो पहले साल के चले साल में चले गए, मुझे लगता है कि 4 लोग दूसरे साल में जाएंगे और मुझे लगता है कि 3 लोग तीसरे साल में भी जाएंगे। यानी कि कोई 88 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे जो कि 3 साल की सर्विस कंडीशन पूरा करके तीसरे साल के आखिर में भी 1,000 शेयर हासिल कर रहे होंगे। सही है। अब 1 साल की सर्विस कंडीशन के लिए सिर्फ आपको 1 साल कंपनी के साथ रुकना था, टाइम फैक्टर इज 1:1। 2 साल के सर्विस कंडीशन के लिए आपको 2 साल कंपनी के सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और हम 31 दिसंबर 2021 पे है, तो 2 साल में से 1 साल गुजर गया 1/2। और 3 साल के सर्विस कंडीशन में आपको 3 साल कंपनी को सर्व करना है, हम 31 दिसंबर 21 पे हैं, यानी कि 3 साल में से 1 साल गुजर गया तो 1/3 कितना आ रहा है अगर हम इसे कैलकुलेट करें? 22.8 मिलियन, 10.92, 7.04। ये हमारे पास शेयर बेस पेमेंट का, ये हमारे पास शेयर बेस पेमेंट का एक्सपेंस या पहले साल के आखिर में रिजर्व का नंबर आ रहा होगा। इन्होंने डिस्क्लोजर्स मांगे लेकिन डिस्क्लोजर्स इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, मैं आपको जनरल एंट्रीज बताता हूं। देखो, पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 2021 पे पहले साल के आखिर में 95 एम्प्लॉयज तो कंपनी में है जिनको हम 1,000 शेयर ग्रांट कर रहे होंगे। जब इनको 1,000 शेयर ग्रांट हो रहे होंगे तो इनके अगेंस्ट मुझे 22.8 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। हमारे पास जनरल एंट्री बन जाएगी शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस, पीएनएल में डेबिट 22.8, और इनको मैं शेयर इशू कर रहा हूं तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट कितने से? सर, 95 लोगों को 1,000 शेयर इशू किए जा रहे हैं,
जिनकी पावर वैल्यू 50 है। 95 लोगों को 1000 शेयर इशू किए जा रहे हैं जिनकी पावर वैल्यू 50 है, 4.75, और बाकी जो बैलेंसिंग है वो आपका शेयर प्रीमियम में आ जाएगा 18.05। और जो शेयर दूसरे और तीसरे साल के आखिर में इशू होंगे, जिनका पहले साल के आखिर तक का एक्सपेंस और रिजर्व का नंबर है, वो कितना है, 10.92 और 7.04। इसके अगेंस्ट हम सिर्फ रिजर्व क्रिएट कर देंगे फॉर द टाइम बीइंग। शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कितने से, 10.92 प्लस 7.04, 17.96, 17.96। सिंपल सा सवाल था, कॉपी करें इसे जब तक मैं ऑनलाइन वालों का कुछ रिपीट कर सवालों के जवाब दे दूं। कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन ये सर्विस कंडीशन नहीं। अगर ये होता कि जिन लोगों ने 5 साल की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं उनको हम आज शेयर इशू कर दें, तो फिर मैं पूरा का पूरा एक्सपेंस आज ही रिकॉर्ड कर दूं। लेकिन ये कह रहा है जिन लोगों ने 5 साल की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है उनके साथ ये प्रॉमिस, यानी उनके साथ ये एग्रीमेंट किया जा रहा है कि अगर आप मजीद अगले 1, 2 या 3 साल तक रहते हो तो पहले दूसरे तीसरे साल के आखिर में आपको 1000 1000 शेयर दिए जाएंगे। सर ये वेस्टिंग पीरियड वापस से बता दें, सर इसके एक्सट्रैक्ट क्या होंगे, सर 1/2 3, 1/3 समझा दें, सर ये टाइम पीरियड आपने कैसे लिया है ये एक्सप्लेन कर दें, 1/2, 1/3, सर टाइम पीरियड वाली बात रिपीट कर दे, हाउ डू यू नो कि देयर आर थ्री कंडीशंस, सर फर्स्ट ईयर में ये भी तो आ रहा है कि 2021 में जी, जो ऑनलाइन वालों के सवाल थे मैं रिपीट करता हूं। देखो ऐसा एम्प्लॉयर ऐसा कंपनी सोचो, आप अपनी कंपनी के 100 लोगों को बुलाते हो और आप उन 100 लोगों को कहते हो कि भाई आप 100 लोगों में से जो बंदा मेरे साथ अगले 3 सालों तक रहेगा मैं उनको 1000 1000 शेयर्स अगले 3 सालों में हर ईयर के एंड पे दूंगा, यानी पहले साल के आखिर में 1000 दूंगा, दूसरे साल के आखिर में 1000 दूंगा, तीसरे साल के आखिर में 1000 दूंगा। अब दूसरे अल्फाजों में मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 100 लोग मेरी कंपनी के साथ 1 साल तक रहेंगे तो पहले साल के आखिर में मैं 1000 शेयर दूंगा, मजीद 1 साल तक रहेंगे तो दूसरे साल के आखिर में मजीद 1000 शेयर दूंगा, और मजीद 1 साल रहेंगे तो तीसरे साल के आखिर में मजीद 1000 शेयर दूंगा। तो दोनों बातें एक ही है, बस कहने का ढंग अलग है। मैं आपसे कह रहा हूं 1 साल तक रुकोगे तो 1 साल बाद 1000 शेयर दूंगा, 2 साल रुकोगे तो दूसरे साल के आखिर में मजीद 1000 शेयर दूंगा, और 3 साल तक रुकोगे तो तीसरे साल के आखिर में मजीद 1000 शेयर दूंगा। यानी कि यहां पे एक ही अरेंजमेंट में मैं इटसेल्फ 3 इक्विटी सेट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट का प्रॉमिस कर रहा हूं, और तीनों का वेस्टिंग पीरियड, तीनों का सर्विस कंडीशन अलग है। जितने लोग 1 साल तक मेरे साथ रहेंगे उनको पहले साल के आखिर में 1000 शेयर दूंगा, जितने लोग 2 साल तक मेरे साथ रहेंगे उनको पहले साल के आखिर में 1000, दूसरे साल के आखिर में 1000 शेयर दूंगा, और जितने लोग 3 साल तक मेरे साथ रहेंगे उनको पहले दूसरे तीसरे हर साल के आखिर में 1000 1000 शेयर दूंगा। तो मैंने इसे 3 शेयर बेस्ड पेमेंट अलग अलग कंसिडर कर लिया, 1 विद 1 ईयर सर्विस कंडीशन, 2 विद 2 ईयर सर्विस कंडीशन, एंड 3 विद 3 ईयर सर्विस कंडीशन। पहले साल का आखिर आया, 5 लोग चले गए, 95 लोग रह गए, तो वो 95 लोग मेरे पास आएंगे, सर आपने प्रॉमिस किया था कि आपके साथ 1 साथ रहे 1 साल रहेंगे तो आप 1000 शेयर्स दोगे, तो उन 95 लोगों को मुझे 1000 शेयर्स देने, उन 95 लोगों के अगेंस्ट मैंने 1000 शेयर का एक्सपेंस और उनको शेयर इशू कर दिया। अब पहले साल के आखिर में इन 95 लोगों को 1000 शेयर इशू कर दिए, एक्सपेंस और शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन मैंने ये भी वादा कर रखा है कि दूसरे तीसरे साल के आखिर में मजीद 1000 1000 शेयर दूंगा, यानी दूसरे साल के आखिर में जो मजीद 1000 शेयर दिए जाएंगे वो उन लोगों को दिए जाएंगे जो पहले साल भी मेरे साथ थे और दूसरे साल भी मेरे साथ होंगे। मुझे लगता है कि 4 लोग ऐसे होंगे जो दूसरे साल कंपनी को छोड़कर चले जाएंगे,
तो इसका मतलब है कि जब दूसरे साल का आखिर आएगा तो मेरे पास आउट ऑफ 191 एम्प्लॉयज रह गए होंगे, यानी कि वो 91 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो 2 साल की सर्विस कंडीशन को पूरा करेंगे, और इन 2 साल की सर्विस कंडीशन में से 31 दिसंबर पे 1 साल गुजर चुका है, तो मैंने 1/2 करके इनके अगेंस्ट एक्सपेंस और रिजर्व रिकॉर्ड कर दिए। और पहले साल के आखिर में 5 लोग चले गए हैं, 4 लोग मुझे लगता है कि दूसरे साल में जाएंगे और 3 लोग मुझे लगता है कि तीसरे साल में जाएंगे, यानी कि 88 ऐसे लोग होंगे जो तीसरे साल के आखिर तक मेरे साथ रहेंगे, जिनको तुझे तीसरे साल के आखिर में भी 1,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे, यानी कि 88 ऐसे लोग होंगे जो 3 साल की सर्विस कंडीशन को भी पूरा करेंगे, और इन 3 सालों में से 31 दिसंबर में 1 साल गुजर चुका है, तो मैंने 1/3 एक्सपेंस और रिजर्व रिकॉर्ड कर दिया। आई होप कि चीजें क्लियर होंगी। सर ग्रांट डेट पे कोई एंट्री बनाएंगे? नहीं सर, ग्रांट डेट पे कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। ग्रांट डेट पे इक्विटी सर शेयर बेस पेमेंट में आप एंट्री उस वक्त बनाते हो व्हेन द शेयर्स आर इशूड अगेंस्ट पास सर्विसेज, व्हेन द शेयर्स आर इशूड विद इमीडिएट वेस्टिंग। अब अगर इक्विटी शेयर्स इमीडिएटली वेस्ट कर रहे हो अगेंस्ट द पास सर्विसेज के, आपने आज ही शेयर इशू कर दिए, तो फिर वहां पे हमारे पास ग्रांट डेट पे एंट्री बनती है इस असम्पशन पे कि अगर इमीडिएट वेस्टिंग हो रही है तो ये अगेंस्ट पास सर्विसेज है, और हम A1 पे ही ग्रांट डेट पे ही एक्सपेंस डेबिट रिजर्व या शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर है? हंड्रेड माइनस फाइव इसलिए किया है क्योंकि इनिशियली तो कल बात भी शेयर कर लेंगे हम करवा। इनिशियली यानी कि 1 जनवरी 2021 पे हमें लग रहा था कि कोई छोड़ कर नहीं जाएगा, लेकिन 5 लोग पहले साल में ही चले गए, तो पहले साल के आखिर में 95 लोग मेरे साथ थे, तो पहले साल के आखिर में मैंने 100 माइनस 5 किया, 95 लोगों ने पहले साल की सर्विस कंडीशन पूरी की। इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट था कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट। अब कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट और इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के दरमियान कॉन्सेप्ट्स को मिक्स मत कीजिएगा, गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। हमारे पास शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में वेस्टिंग कंडीशन हो सकती है, नॉन वेस्टिंग कंडीशन हो सकती है। वेस्टिंग कंडीशन में हमारे पास मार्केट कंडीशन हो सकती है, नॉन मार्केट कंडीशन हो सकती है। नॉन मार्केट कंडीशन में हमारी परफॉर्म सॉरी वेस्टिंग कंडीशन में हमारे पास सर्विस कंडीशन या परफॉर्मेंस कंडीशन हो सकती है। परफॉर्मेंस कंडीशन में हमारे पास मार्केट कंडीशन या नॉन मार्केट कंडीशन हो सकती है। जब हम बात करते हैं ना इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट की, तो इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट की केस में हम ग्रांट डेट पे एक फेयर वैल्यू डिटरमाइन करता है, और इस फेयर वैल्यू में मार्केट कंडीशन और नॉन वेस्टिंग कंडीशंस को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। आगे जाके मार्केट कंडीशन पूरी हो या ना हो, आगे जाके मार्केट कंडीशन को एस्टिमेट करते हुए हम ये कहें कि ये पूरी नहीं होगी, ये दोनों बातें मैटर नहीं करती, क्योंकि हमने इसे ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। आगे जाके मार्केट कंडीशन के हवाले से हमारी प्रोबेबिलिटी चेंज हो या एक्चुअली मार्केट कंडीशन मीट ना हो, इन एनी केस वी हैव टू रिकॉग्नाइज द एक्सपेंस इफ वी आर डीलिंग विद इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट। लेकिन कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में मामला थोड़ा डिफरेंट है। कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में जो आपने अमाउंट कैश का पे करना है वो शेयर्स की वो इक्विटी की बेसिस पे डिटरमाइन हो रहा है, लेकिन पे आपने कैश ही करना है। और जब आपने पे कैश ही करना है ना, तो इसका मतलब है कि आप सामने वाले को अपना एक वेंडर कंसिडर कर रहे हो, ना कि अपनी कंपनी का शेयर होल्डर कंसिडर कर रहे हो। इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में तो क्या होता है कि हम इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट में सामने वाले को अपनी कंपनी का इक्विटी होल्डर मान लेते हैं, और उसके साथ एक तरीके से इक्विटी होल्डर वाली बार्गेनिंग या निगोशिएशन या अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट है ना, तो आपने भले अमाउंट जो है कैश का वो शेयर्स की वैल्यूएशन की बेसिस पर डिटरमाइन करना है, लेकिन इवेंचुअली देने सामने वाले को पैसा ही है, यानी सामने वाला आपका एक वेंडर है जिसके अगेंस्ट आपकी एक ऑब्लिगेशन है टू पे इन कैश। एंड व्हेन यू आर
डीलिंग विद अ वेंडर अगेंस्ट होम आपको कैश पे करना है, तो आप अपने पास एक लाइबिलिटी मेंटेन कर रहे होंगे। अब लाइबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारे पास लाइबिलिटी के रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया है, या I-37 में हम प्रोविजंस वगैरह डिस्कस करते हैं, वही सारी बातें आपके लिए यहाँ पे रेलिवेंट है, एप्लीकेबल है। हम लाइबिलिटी कब रिकॉर्ड करते हैं? जब भी हमारे पास कोई पास्ट इवेंट हो जिसके अगेंस्ट, जब हमारे पास कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो अगेंस्ट अ पास्ट इवेंट जिसके नतीजे में फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो प्रोबेबल बन जाए। तो यानी कि बताना ही चाह रहा हूं कि जब हम कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट से डील कर रहे होंगे, तो हर ईयर एंड पे एक्सपेंस और लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करते वक्त सारी वेस्टिंग कंडीशंस को कंसिडर किया जाएगा। यानी कि अगर कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट में सर्विस कंडीशन है, कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट में मार्केट कंडीशन है, कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट में नॉन मार्केट कंडीशन है, तो हम ईयर एंड पे सारी वेस्टिंग कंडीशंस यानी कि सर्विस कंडीशन को भी, नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन को भी, एज वेल एज मार्केट कंडीशन को भी देख रहे होंगे कि अगर ये पूरी होती हुई नजर आ रही है तो एक्सपेंस और लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज एक्सपेंस और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं हो रही होगी। तो मेजर फर्क क्या है सर? इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट में अगर मार्केट कंडीशंस हो तो हम उसे आगे देखते ही नहीं है, लेकिन कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट में मार्केट कंडीशन है तो इससे आप ईयर एंड पे जरूर असेस करोगे कि क्या ये मार्केट कंडीशन पूरी होगी तो हमें पे करना पड़ेगा ना। अगर मार्केट कंडीशन पूरी नहीं होगी तो भी हमें कोई कैश पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में आप हर ईयर एंड पे सारी वेस्टिंग कंडीशंस को असेस करोगे, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो नॉन मार्केट हो, चाहे वो मार्केट कंडीशन, और अकॉर्डिंगली फिर हम अपने पास कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के अगेंस्ट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में याद रखनी है, एक कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में हमारे पास शेयर एप्रिसिएशन राइट हो सकता है या फैंटम शेयर हो सकता है। ये शेयर एप्रिसिएशन राइट या फैंटम शेयर्स कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट की एग्जाम्पल्स हैं। शेयर एप्रिसिएशन राइट में ये होता है कि हम काउंटर पार्टी को ये कहते हैं कि आज शेयर 100 रुपए का है, फ्यूचर में जिस दिन आपको पे करूंगा उस दिन तक शेयर्स की वैल्यू में जो इंक्रीज आया होगा इतना कैश पे कर दिया जाएगा। यानी शेयर एप्रिसिएशन राइट नाम में ही छुपा हुआ है कि जितना शेयर्स की वैल्यू में एप्रिसिएशन आएगी फ्रॉम द ग्रांट डेट टू द पेमेंट डेट वो एप्रिसिएशन पे की जाएगी। फैंटम शेयर्स में क्या होता है कि जो शेयर्स की इक्विवेलेंट वैल्यू होती है वही आपको दी जा रही होती है। कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में एक चीज समझिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि हर साल के आखिर में जो आप अपने पास लाइबिलिटी मेंटेन करते हो वो लाइबिलिटी फेयर वैल्यू पे मेंटेन की जाती है, लेकिन जब इसकी सेटलमेंट के वक्त पे किया जाता है तो वो पेमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे हो रही होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है कि मैं आज कितना पे कर रहा हूं उसकी बेसिस पे मैं एक्चुअल पेमेंट कर रहा हूँ। फेयर वैल्यू के अंदर मैं ये देखता हूं कि मुझे फ्यूचर में कितना पे करना है और उसके अंदर कोई ना कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी इंपैक्ट आ जाता है क्योंकि वो फ्यूचर में पे करना है ना। तो कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में आपकी लायबिलिटी फेयर वैल्यू पे मेंटेन की जाएगी, लेकिन जो एक्चुअल पेमेंट्स हो रही होगी वो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे हो रही होगी। एक सवाल देखते हैं इससे पर्टेनिंग भी, विंटर 22 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 की एक एडजस्टमेंट आई है, जरा रीड करें इसे खुद से। विंटर 22 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 रीड करता है, कहता है द ईयर एंड ऑफ आर्चरी लिमिटेड इज 31 दिसंबर 21। ऑन 1 जनवरी 20 कंपनी ग्रांटेड 100,000 1 लाख कैश सेटल शेयर एप्रिसिएशन राइट टू ईच ऑफ इट्स 50 एम्प्लॉइज ऑन द कंडीशन दैट दे विल रिमेन इन द एएल फेयर एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 इयर्स एंड अचीव द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 20% इन रेवेन्यू ड्यूरिंग द 3 ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। सर फिलहाल हमारी कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर 2021 है, 2 साल पहले 1 जनवरी 2020 पे हमने 50 एम्प्लॉयज को 1 लाख शेयर एप्रिसिएशन राइट का वादा किया इस कंडीशन पे कि 3 साल तक मेरे साथ रहना है, यानी कि यहाँ पे 3 साल की सर्विस कंडीशन है, और 3 सालों में रेवेन्यू के अंदर ऑन एन एवरेज 20% की एनुअल ग्रोथ होनी चाहिए, यानी कि ये हमारे पास नॉन मार्केट कंडीशन है। फिर कहता है रेलिवेंट डिटेल ऑन वेरियस डेट आर एज फॉलो, 1 जनवरी 2020 पे, 31 दिसंबर 2020 पे और 31 दिसंबर 2021 पे, 2 साल का हमें डाटा दिया है। हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर एप्रिसिएशन राइट है
हमारे पास इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ ईच शेयर एप्रिसिएशन राइट है, हमारे पास कंपनीज एक्सपेक्टेशन टू मीट द ग्रोथ टारगेट, यानी जब हमने ये ग्रांट किया ना तब हमें लग रहा है कि ग्रोथ टारगेट मीट होगा, लेकिन जब पहले साल का आखिर आया ना, सॉरी 31 दिसंबर 2020 पहले साल का आखिर आया, अब मुझे लगता है कि ये ग्रोथ टारगेट मीट नहीं होगा। जब दूसरे साल का आखिर आया अब मुझे लगता है कि ये ग्रोथ टारगेट मीट होगा। फिर कहता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी लेफ्ट टिल डेट, कितने लोग छोड़कर जा चुके हैं टिल डेट। जब ग्रांट किया तब तो 50 पूरे लोग ही थे, लेकिन पहले साल के आखिर में 2 लोग चले गए, दूसरे साल के आखिर में 6 लोग चले गए। फर्दर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दैट आर एक्सपेक्टेड टू लीव, कितने लोग मुझे लगता है कि फ्यूचर में जाएंगे। डे वन पे मुझे लग रहा था कि 50 में से 8 लोग जाएंगे, पहले साल के आखिर में 2 लोग जा चुके हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी भी दूसरे और तीसरे साल में 7 लोग जाएंगे, और दूसरे साल के आखिर तक 6 लोग जा चुके हैं, और मुझे अभी भी लग रहा है कि तीसरे साल में मजीद 5 लोग जा रहे होंगे। इस तरह के अगर शेयर बेस पेमेंट है तो एक टेबुलर फॉर्मेट बना के हम इसको जो है वो सॉल्व कर रहे होता है। मैं अपने पास एक फॉर्मेट बनाता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ विंटर 2022। याद है क्या, इन्होंने 1 जनवरी 2020 पे ये कैसा शेयर इन्वेस्टमेंट ग्रांट किया, 3 साल की सर्विस कंडीशन के साथ ग्रांट किया, यानी कि 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2021 और 31 दिसंबर 2022। 22 का वैसे डेटा मेरे पास है नहीं सामान। अब कैश सर्विस शेयर इन्वेस्टमेंट के केस में, कैश सर्विस शेयर इन्वेस्टमेंट के केस में अपने हर ईयर एंड पे एक लायबिलिटी मेंटेन करनी होती है, और वो जो लाइबिलिटी मेंटेन होगी वो फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड, वो फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड की बेसिस पे होगी। तो हमारे पास फेयर वैल्यू एट ईच ईयर एंड कितना है सर, 31 दिसंबर 2020 पे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर रिप्रेजेंटेशन राइट है 21, और 31 दिसंबर 2021 पे फेयर वैल्यू एट द ऑफ द शेयर रिप्रेजेंटेशन राइट है 25। तो जो मैं लाइबिलिटी मेंटेन करूंगा वो 21 और 25 पहले और दूसरे साल के आखिर की फेयर वैल्यू के बेसिस पे रिकॉर्ड करो। फिर नंबर ऑफ शेयर एप्रिसिएशन राइट कितना है सर, नंबर ऑफ शेयर एप्रिसिएशन राइट है 1 लाख, इस कंडीशन पे कि आप 3 साल तक कंपनी के साथ भी रहोगे और एनुअल ग्रोथ टारगेट मीट करोगे। जब मैं पहले साल के आखिर में आया ना तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि ग्रोथ टारगेट मीट होगा, जब मुझे लगता ही नहीं है कि ग्रोथ टारगेट मीट होगा तो पहले साल के आखिर में नो शेयर अप्रोजेक्शन राइट आर एक्सपेक्टेड टू बी इंटाइटल्ड। लेकिन जब मैं दूसरे साल के आखिर में आया तो अब मुझे लगता है कि ये मीट होगी कंडीशंस, तो हमारे पास 1 लाख। 3 साल की सर्विस कंडीशन के हिसाब से अगर टाइम फैक्टर तोड़ रहे तो 1/3, 2/3 और तीसरे साल 3/3। नंबर एम्प्लॉयज कैसे लेंगे, देखिए जब आप पहले साल के आखिर में हैं तो 50 में से 2 लोग जा चुके हैं, और आपको लग रहा है कि मजीद 7 लोग दूसरे और तीसरे साल में जाएंगे, तो कितने लोग 3 साल तक हमारे साथ रहेंगे, 50 माइनस 2 माइनस 7। और जब आप दूसरे साल के आखिर में हैं तो 50 में से 6 लोग जा चुके हैं और मजीद 5 लोग आपको लगता है कि तीसरे साल में जाएंगे, तो दूसरे साल के आखिर में 50 माइनस 6 माइनस 5।
पहले साल के आखिर में तो कोई लाइब्रेरी रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि नॉन मार्केट कंडीशन पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन दूसरे साल के आखिर में 25 × 100,000 × 39 × 2 over 3 65 या 61 65 65 65 मिलियन एग्जैक्ट यस 65 मिलियन। अब हमारे पास 31 दिसंबर 2020 पे पहले साल के आखिर में कोई एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज हैं, कुछ जा चुके, कुछ जाएंगे, 3 साल में से 1 साल गुजार भी लिया, लेकिन नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन मीट होती भी नजर नहीं आ रही, तो हमें कुछ पे नहीं करना, कुछ पे नहीं करना, तो कोई एक्सपेंस, कोई लाइब्रेरी रिकॉर्ड नहीं हुई। लेकिन जब दूसरे साल का आखिर आया, हमारे एस्टिमेट में चेंज आया, हमारे एस्टिमेट में चेंज आया सर। एस्टिमेट के चेंज को हम प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, अफेक्टिवली। मैं दोनों साल का एक्सपेंस दूसरे ही साल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं दोनों साल का एक्सपेंस दूसरे साल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि चेंज इन एस्टिमेट को हम प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंस डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी 65 मिलियन सर। अब इस सवाल में तो वेस्टिंग पीरियड पूरा नहीं हुआ और सवाल खत्म हो गया, 31 दिसंबर 2021 पे सवाल खत्म हो गया। लेकिन अगर ये सवाल 31 दिसंबर 2022 तक जाता, तो 31 दिसंबर 2022 तक जितने लोग मेरे साथ होते उनको पे करना है अगर टारगेट मीट हो रहा है। 31 दिसंबर 2022 में जब आप एक्चुअल पेमेंट लोगे ना कि कितनी पेमेंट करनी है, वो फिर फेयर वैल्यू के बेसिस पे नहीं होगी, वो पेमेंट इंट्रेंसिक वैल्यू के बेसिस पे। तो कैश और शेयर बेस्ड पेमेंट में पेमेंट इंट्रेंसिक वैल्यू पे होगी, लाइबिलिटी जो भी रिकॉग्नाइज होगी वो आपकी फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज हो रही होगी। सिंपल सा सवाल था ये, कॉपी कर लें इसे। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर अगर आप तीसरे साल की कुछ नंबर्स अज्यूम करके हमें तीसरे साल भी ये सवाल सॉल्व करवा दें, तो यस यहां देखिए मैं इसको अगर तीसरे साल भी सवाल को एक्सपेंड करूं, अज्यूम करते हैं कि 31 दिसंबर 2022 पे, 31 दिसंबर 2022 पे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एप्रिसिएशन राइट है लेट से 28 और इंट्रिंसिक वैल्यू भी है 28। सर आप दोनों सेम क्यों अज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं यहां पे दोनों डिफरेंट प्राइस अज्यूम करूंगा ना, तो मैं टेक्निकली एरर कर रहा हूं, क्योंकि अब ये पेमेंट का वक्त आ गया इस शेयर एप्रिसिएशन राइट का। तो जब पेमेंट का वक्त आ गया शेयर एप्रिसिएशन राइट का, अब इसकी फेयर वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू सेम हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई टाइम वैल्यू का फैक्टर रहेगा ही नहीं। लेकिन मैं पेमेंट करते वक्त जो 28 लूंगा वो ये वाला 28 नहीं होगा, वो ये वाला 28 होगा, वो ये वाला 28 नहीं होगा फेयर वैल्यू वाला, वो इंट्रेंसिक वैल्यू वाला 28 होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमने क्लास में एक सवाल सॉल्व किया है कैसे रशियर बेस पेमेंट का, जो मैंने खाली आईफर्स टू की इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल ही है, जिसमें 3 साल की वेस्टिंग पीरियड के बाद एम्प्लॉय को 7 साल का टाइम दिया गया था कि जब तुम्हारा दिल करे अगले 7 सालों में आगे हमसे पेमेंट ले लो। तो हर साल के आखिर में जो पेमेंट लेते जा रहे थे उनको इंट्रेंसिक वैल्यू पे किया जाएगा, लेकिन हर साल के आखिर में जो पेमेंट नहीं ले रहे थे उनकी लाइबिलिटी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रही थी, और वहां पे फेयर वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू डिफरेंट थी, क्योंकि जो पेमेंट आज नहीं ले रहे वो फ्यूचर के 7 सालों में कभी भी लेंगे, तो उसके अंदर टाइम वैल्यू का इंपैक्ट था। इस सवाल में ऐसा नहीं है, इस सवाल में जो भी पेमेंट है वो सारी की सारी तीसरे साल के आखिर में हो जानी है, तो टाइम वैल्यू का फैक्टर खत्म हो गया, तीसरे साल के आखिर में इंट्रेंसिक वैल्यू फेयर वैल्यू बराबर हो गई। लेकिन मैं इस 28 से पेमेंट नहीं करूंगा, मैं इस वाले 28 से पेमेंट करूंगा, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेशन टू मीट द ग्रोथ टारगेट, सर एक एक्सपेक्टेशन यस वाली लेते हैं, एक एक्सपेक्टेशन नो वाली लेते हैं। दोनों केसेस में बताता हूं क्या एंट्री बनेगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑलरेडी लेफ्ट टिल डेट, ये भी मैं अज्यूम कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल के नो एम्प्लॉयज चले गए और फर्दर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू डेट 0, क्योंकि अब तो खत्म हो गया ना। देखिए अगर ऐसा होता तो फिर हमारा सवाल किस डायरेक्शन में जाता, 31 दिसंबर 2022 पे, 31 दिसंबर 2022 पे अगर मैं समझता हूं कि ग्रोथ टारगेट मीट हो गया और अब मुझे पेमेंट कितनी करनी है 28 के हिसाब से, मुझे पेमेंट कितनी करनी है 28 के हिसाब से, कितने लोगों को सर, 41 लोगों को,
50 में से टू डेट 9 लोग चले गए, तो फिर मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? इकतीस दिसंबर 2022 टारगेट मेट। तो हमारे पास जो लाइबिलिटी हमने पिछले साल रिकॉर्ड की थी उसे डेबिट कर देंगे, वो कितनी थी 65। जो पेमेंट करनी है उससे कैश क्रेडिट कर देंगे। पेमेंट कितनी करनी है सर? पेमेंट करनी है 1,00,000 शेयर एप्रिसिएशन राइट, 50 में से इस साल के आखिर में मैंने अज्यूम किया कि 9 लोग चले गए, अब पेमेंट कितनी करनी है 28 रुपए के हिसाब से। तो 28 रुपए पर शेयर रिप्रेजेंटेशन राइट की पेमेंट, 1,00,000 शेयर रिप्रेजेंटेशन राइट थे और मैंने अज्यूम किया था कि 9 लोग छोड़कर चले गए, यानी 50 में से माइनस 9 41 लोगों को पेमेंट होगी। कितना आ रहा है? 4.8 मिलियन, 114 मिलियन। और जो भी यहां पे फिर बैलेंसिंग एक्सपेंस बनेगा ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। और सर व्हाट इफ 31 दिसंबर 2022 पे जो एनुअल रेवेन्यू की ग्रोथ का टारगेट था वो मेट ना होता? और जब वो मेट नहीं हुआ तो भले 41 एम्प्लॉय हमारे पास है लेकिन हमें उनको पेमेंट नहीं करनी, तो जो मैंने पहले साल के आगे मैं लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी इस लाइबिलिटी को मैं रिवर्स कर दूंगा और हमारा एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा थ्रू पीएनएल। तो अगर तो मैं समझता हूं कि टारगेट मीट होगा तो जितनी लाइबिलिटी पहले साल मतलब 21 तक रिकॉर्ड की थी वो रिवर्स कर दी, जो भी एक्चुअल पेमेंट करनी है 28 रुपए की हमने इंट्रिंसिक वैल्यू अज्यूम की, 41 लोग हमारे साथ थे, 1,00,000 के अगेंस्ट इतनी पेमेंट कर दी, बाकी एक्सपेंस आ गया। और अगर 31 दिसंबर 2022 पे टारगेट मीट नहीं हुआ तो कोई पेमेंट करनी नहीं है, जो पिछले साल के आखिर में लाइब्रेरी रिकॉर्ड की थी वो लाइब्रेरी रिवर्स कर दी। चले जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास विंटर 2009 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी पुरानी अटेम्प्ट का सवाल है लेकिन सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव का कॉन्सेप्ट और सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपलेस्ट वे में सवाल के अंदर टेस्ट किया गया है, तो इसे भी देख लेते हैं। कहता है रहमान लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर शूज, इट्स फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 30 जून। इन अ मीटिंग हेल्ड ऑन 1 जुलाई 2009 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्नॉलेज द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड इन रिकॉग्निशन थereof डिसाइडेड टू अलाउ हिम आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू ऑप्शन। ऑप्शन 1 टू रिसीव कैश पेमेंट इक्वल टू द करंट वैल्यू ऑफ 64,000 शेयर्स ऑफ आरएल एंड ऑप्शन 2 रिसीव 80,000 शेयर्स ऑफ आरएल। 1 जनवरी 2009 पे रहमान लिमिटेड ने अपने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स को 2 ऑप्शन दिए कि या तो कंपनी के 64,000 शेयर्स के इक्विवेलेंट कैश पेमेंट ले लें या कंपनी के 80,000 शेयर्स ले लें। हाउएवर द अबव ऑफर वाज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, दीज कंडीशन एंड द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आर एज फॉलो। The right is conditional upon completion of 3-year service from the date the right was granted and the decision to select the option will also be exercised on the completion of the said period. हम 1 जुलाई 2009 पे right दे रहे हैं कि 64,000 shares के बदले payment या 80,000 shares, लेकिन ये right exercise करने के लिए 3 साल तक company को serve करना पड़ेगा, 3 साल की service condition पूरी करनी पड़ेगी और 3 साल के बाद decide करना है कि आइदर हमें 64,000 शेयर्स के इक्विवेलेंट पेमेंट हासिल करनी है या 80,000 शेयर्स हासिल करना है। फिर कहता है द शेयर प्राइस ऑफ आरएल ऑन 1 जुलाई 2009 इज 125 पर शेयर एंड द एस्टिमेटेड द शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 2010 11 एंड 12 वुड बी 130 138 एंड 150 रिस्पेक्टिवली। If the chief operating officer chooses option 2, यानी कि वो कंपनी के 80,000 शेयर्स लेता है, he have to retain the shares for a period of 2 years, यानी कि up to 30 June 2014 before being eligible to sell them। कह रहा है अगर ये 80,000 शेयर्स लेता है, तो 2 साल तक शेयर्स को होल्ड करना पड़ेगा,
यानी कि 2 साल का रिस्ट्रिक्शन पीरियड, 2 साल की नॉन वेस्टिंग कंडीशन है यहां। द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ पोस्ट वेस्टिंग ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉन वेस्टिंग कंडीशन इज एस्टिमेटेड एट 110 पर शेयर। RL does not expect to pay any dividend during the next 3 years. Prepare the journal entries to record the above transactions in the book of Rahman for the year ended 30 June 2020, 10, 11 or 12 and to record the settlement of the right on 30 June 2012 under option 1 and option 2. Phir hamare paas ek settlement alternative ka question hai jisme humne counter party ko ye right diya hai ki ya to wo humse 64,000 shares ki payment le ये 80,000 शेयर्स ले आज से 3 साल के बाद 3 साल की सर्विस कंडीशन पूरी होने। तो ये सॉर्ट ऑफ हमारा बन जाता है कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि हमें नहीं पता कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर 3 साल के बाद कैश मांगेगा या शेयर्स मांगेगा, वो दोनों में से कोई एक चीज मांगेगा तो हमारे लिए ये कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है। और चूंकि हमारे लिए कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है तो यहाँ पे हमें स्प्लिट अकाउंटिंग करनी पड़ती है। सेम वही स्प्लिट अकाउंटिंग है जो हमने IFRS 9 में देखी है कि हम पहले टोटल वैल्यूएशन करते हैं और टोटल वैल्यूएशन में से लायबिलिटी कंपोनेंट माइनस करते हैं तो हमारे पास इक्विटी कंपोनेंट आ जाता है और फिर लायबिलिटी कंपोनेंट को हर ईयर एंड पे ओवर द पीरियड रीमेजर करते हुए रिकॉर्ड करते हैं, इक्विटी कंपोनेंट को हर ईयर एंड पे अलोकेट करके रिकॉर्ड करते हैं विदाउट रीमेजरमेंट। कैसे, यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ऑफ विंटर 2009। देखिए ग्रांट डेट यानी के 1 जुलाई 2009 पे मैं स्प्लिट कर दूंगा लायबिलिटी और इक्विटी को, लायबिलिटी और इक्विटी को किस तरीके से, फेयर वैल्यू ऑफ कंपाउंड पेमेंट या फेयर वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट लेस फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट, तो डिफरेंशियल हमारे पास इक्विटी कंपोनेंट आ जाएगा। अब फेयर वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट कैसे कैलकुलेट होगा कि हमारे पास इन दोनों ऑप्शंस में से, इन दोनों ऑप्शंस में से जो इक्विटी वाला ऑप्शन था उनके नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 80,000 और इनकी फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट, हमारे पास 1 जुलाई 2009 पे शेयर प्राइस 125, ये 1 जुलाई 2009 पे फेयर वैल्यू शेयर प्राइस है, फेयर वैल्यू नहीं है। फेयर वैल्यू तो 110 है, फेयर वैल्यू 110 क्यों है, क्योंकि यहां पे 2 साल की पोस्ट वेस्टिंग ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन थी, पोस्ट वेस्टिंग कंडीशंस थी, तो 80,000 शेयर्स की फेयर वैल्यू 110 के हिसाब से, इससे हम लेस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी कंपोनेंट। लायबिलिटी के केस में, कैश पेमेंट के केस में 64,000 शेयर्स की पेमेंट की जाएगी और कितनी पेमेंट की जाएगी सर, शेयर प्राइस के इक्विवेलेंट, तो 1 जुलाई 2009 पे शेयर प्राइस कितनी है 125, तो 80,000 इंटू 110 8.8 और ये आ गया 0.8। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझें, 1 जुलाई 2009 पे कंपनी का जो नॉर्मल शेयर लेना वो 125 रुपए का है, यानी कि 125 रुपए में मार्केट में बिक सकता है सेल परचेस द्वारा होता है, लेकिन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को जो शेयर्स का वादा किया जा रहा है वो इस शर्त पे किया जा रहा है कि वो 2 साल तक बेच नहीं सकता, तो ये शेयर फ्रीली ट्रेडेबल शेयर नहीं होगा, तो इस वजह से इसकी वैल्यू मार्केट से थोड़ी कम होगी। इसीलिए जो शेयर मार्केट में 125 का है वही शेयर की फेयर वैल्यू कितनी है 110, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा शेयर है जो मिलने के बाद भी 2 साल तक बेच नहीं सकेगा। तो हमने फेयर वैल्यू ली शेयर्स की, इसमें से कैश सेटलमेंट लायबिलिटी कंपोनेंट की वैल्यू माइनस की, कैसे 64,000 शेयर्स की पेमेंट करनी थी शेयर प्राइस के इक्विवेलेंट इनटू 125, तो ये हमारे पास इक्विटी कंपोनेंट आ गया। अब इक्विटी कंपोनेंट आ गया तो हमारे पास एक्सपेंस
per year against equity component कितना होगा 0.8 डिवाइड बाय 3 0.26। और हर साल के आखिर में लायबिलिटी कंपोनेंट के अगेंस्ट कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, इसके लिए मुझे वो वर्किंग बनानी पड़ेगी। इसके अंदर नॉन वाटर कंडीशन होती तभी भी इक्विटी कंपोनेंट जो लॉक ही रहेगा अकाउंट एक्सपेंस एवरी ईयर, या इसको भी मैं जो एवरी ईयर हम ये सारे लोग गौर से सुने, क्योंकि जो बात किसी ने सवाल में पूछी है वो आज तक आईकेएफ के किसी पास पेपर में टेस्ट नहीं हुई, ना ऐसा कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हमने अपने करिकुलम में कवर किया है। सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव में हमने डे वन पे स्प्लिट अकाउंटिंग की, लायबिलिटी कंपोनेंट अलग कर दिया, लायबिलिटी कंपोनेंट अलग कर दिया, इक्विटी कंपोनेंट अलग कर दिया। अगर ये इक्विटी कंपोनेंट है तो हर साल का एक्सपेंस इतना होना चाहिए, और लायबिलिटी कंपोनेंट के अगेंस्ट हम लायबिलिटी का नंबर कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस एट द ईयर एंड। इस सवाल में कोई मार्केट या नॉन मार्केट कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर इस सवाल के अंदर नॉन मार्केट कंडीशन भी होती तो हर साल के आखिर में मैं नॉन मार्केट कंडीशन को देखता इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द एक्सपेंस अगेंस्ट बोथ लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट। यानी कि कॉन्सेप्ट वही अप्लाई हो रहे हैं, इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट वाले कैसे सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट वाले। अगर यहां पे भी नॉन मार्केट कंडीशन होती ना तो मैं हर साल के आखिर में देखता कि क्या नॉन मार्केट कंडीशन पूरी होगी या नहीं। अगर तो मुझे लगता है कि नॉन मार्केट कंडीशन पूरी होगी तो मैं लायबिलिटी कंपोनेंट के अगेंस्ट भी लायबिलिटी के अगेंस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करता, इक्विटी कंपोनेंट के अगेंस्ट भी इक्विटी कंपोनेंट के अगेंस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करता। और अगर मुझे लग रहा है कि नॉन मार्केट कंडीशन पूरी नहीं होगी, और अगर मुझे लग रहा है कि नॉन मार्केट कंडीशन पूरी नहीं होगी तो ना लायबिलिटी कंपोनेंट के अगेंस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होता ना इक्विटी कंपोनेंट के अगेंस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होता। लेकिन अगर सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव में कोई मार्केट कंडीशन रख दी जाती, और से सुनो बहुत यूनिक बात है, अगर सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव में कोई मार्केट कंडीशन रखी जाती तो हर ईयर एंड पे इक्विटी कंपोनेंट के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए मार्केट कंडीशन को नहीं देखता, लेकिन हर ईयर एंड पे मैं लायबिलिटी कंपोनेंट के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए भी मार्केट कंडीशन को देख रहा होता। सर बहुत सारी बातें बता रहा हूं, लेकिन ये सारी बातें नई नहीं है, बस पीछे से जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो अप्लाई कर रहे हैं आप। देखो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि अगर आपके पास इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट हो तो मार्केट कंडीशंस को नहीं देखना, नॉन मार्केट कंडीशंस को ईयर एंड पे देखना है। अगर आपके पास कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट हो तो हर साल के आखिर में मार्केट कंडीशन एज वेल एज नॉन मार्केट कंडीशन दोनों को देखना है। अगर सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव है तो सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव में इक्विटी कंपोनेंट भी होता है, लायबिलिटी कंपोनेंट भी होता है। अगर सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव में वो नॉन मार्केट कंडीशन डालते हैं तो इक्विटी के अगेंस्ट भी एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हुए नॉन मार्केट कंडीशन को देखोगे, अगर मीट हो रही है तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, नहीं हो रही तो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करोगे और रिवर्स भी कर देंगे। और लायबिलिटी कंपोनेंट के अगेंस्ट भी नॉन मार्केट कंडीशन को देखेंगे, अगर मीट हो रही है तो एक्सपेंस और लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी, मीट नहीं हो रही तो एक्सपेंस और लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होगी, पुरानी कोई लायबिलिटी वो रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव में मार्केट कंडीशंस होती तो इक्विटी कंपोनेंट के अगेंस्ट हम मार्केट कंडीशंस को नहीं देखते, हम यहां भी नहीं देखते, लेकिन लायबिलिटी कंपोनेंट के एक्सपेंस और लायबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए मार्केट कंडीशन को देख रहे होते। सर फर्स्ट के लिए बहुत बड़ा ट्रेडिशन थी, एक साल मीट की मैंने बुक किया, सेकंड में इसको तो मैंने ये बुक की कर दोबारा भी बस कर दिया उस साल को, और फिर थर्ड ईयर दोबारा भी कर दी, फिर उस दिन फिर मैं कैसे अपनी कॉम्पेन उस डेट में निकालूंगी? पूरा नहीं जो डे वन पे डिटरमाइन किया हुआ, क्योंकि इक्विटी हम रिमेजर करते हैं। तो ये सवाल पूछने पूछने में बहुत एक अच्छा सिनेरियो बन गया था, कॉन्सेप्चुअली अगर हमें चीजें क्लियर हो और इस तरह की चीज आ जाए तो हमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल है नहीं, बस आपने कंपोज रहना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, समेटना है। देखो जब आपने सेटलमेंट ऑलरेडी में स्प्लिट अकाउंटिंग की ना तो ये कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट बन गया, ये इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट बन गया। अब यहाँ पे कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के सारे कैश सेटल वाले रूल अप्लाई करो, या इक्विटी सेटल के सारे इक्विटी सेटलमेंट वाले रूल अप्लाई करो। अगर नॉन मार्केट कंडीशन पूरी नहीं हो रही एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अगर मार्केट कंडीशन पूरी नहीं हो रही कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, अगर मार्केट कंडीशन पूरी नहीं हो रही एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा, अगर नॉन मार्केट कंडीशन पूरी नहीं हो रही इसके अगेंस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड
नहीं किया जाएगा। अब यहां देखिए लाइबिलिटी कंपोनेंट के अगेंस्ट हम अगर 3 साल की लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करें तो वो नंबर क्या होगा, ईयर एंड शेयर प्राइस एट ईयर एंड, नंबर ऑफ शेयर्स, टाइम फैक्टर, लाइबिलिटी 2010, 2011, 2012, 64,000 शेयर्स का वादा था और 3 साल में ये लाइबिलिटी मेंटेन करनी है, तो 1/3, 2/3 और 3/3। पहले साल के आखिर में शेयर प्राइस है 130, फिर 138 और 150 तीसरे साल के आखिर में, तो 130, 138 और 150। सर ये लाइबिलिटी का नंबर कैलकुलेट करें, 0.77, 5.89, 9.6, 9.6 और इंक्रीज कितना आ रहा है 2.77 से 5.89, 3.11, 3.11 और 5.8 से 9 से 9.6 का 0.7, 3.7। अब हमारी एंट्रीज क्या होंगी यहाँ पे, इस सवाल में कोई मार्केट नॉन मार्केट कंडीशन नहीं है, तो हर साल के आखिर में लायबिलिटी के अगेंस्ट भी और इक्विटी कंपोनेंट के अगेंस्ट भी एक्समेस रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले पहले साल के आखिर में 30 जून 2010 इक्विटी कंपोनेंट के अगेंस्ट एक्सपेंस है पर ईयर 0.26, तो शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कितने से 0.26, और पहले साल के आखिर में लायबिलिटी कितनी रिकॉर्ड करनी है 2.77, तो लायबिलिटी क्रेडिट 2.77, इन दोनों का टोटल हमारा शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस पहले साल का आ जाएगा 0.04। फिर 30 जून 2011 अगेन शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट होगा, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट होगा और लायबिलिटी क्रेडिट होगी। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व के अगेंस्ट जो एक्सपेंस है वो हर साल का सेम है 0.26, और दूसरे साल के आखिर में आपको 2.77 की लायबिलिटी को बढ़ाकर 5.89 करना है, यानी कि 3.11 से मजीद लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है 3.11 किया जाएगा 3.37। इसी तरीके से 30 जून 12 पे शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट और लायबिलिटी कंपोनेंट क्रेडिट कितने से, सॉरी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व के अगेंस्ट 0.26, 0.26 और तीसरे साल के आखिर में लायबिलिटी को 5.89 से बढ़ाकर 9.6 पे लाने, यानी कि 3.71 से लायबिलिटी बढ़ानी है, कितना आ गया ये 3.97। 3 साल तक आपका ये एक्सपेंस, ये रिजर्व और ये लाइब्रेरी रिकॉर्ड होगा, 3 साल तक आपका ये एक्सपेंस, ये रिजर्व और ये लाइब्रेरी रिकॉर्ड होगा। 3 साल के बाद वो कहता है कि हमें सेटलमेंट ऑफ राइट की भी एंट्री बना के दें अंडर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, दोनों ऑप्शन के तहत हमें सेटलमेंट ऑफ राइट की एंट्री भी बना के दें। देखिए अगर वो हमसे कैश पेमेंट डिमांड करता है तो हम क्या करेंगे, कैश सेटलमेंट के नतीजे में लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट कितने 64,000 शेयर्स की पेमेंट करनी है और तीसरे साल के आखिर में शेयर्स की वैल्यू कितनी है 150, शेयर की प्राइस कितनी 150 कितना 9.6, और 9.6 की हमारे पास लायबिलिटी भी है 2.77, 3.11 और 3.71, हमारी लायबिलिटी में कितनी है 9.6, तो 9.6 से लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट, और जो भी आपका शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व था इसे आप इक्विटी में क्लोज कर दें, तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट और इक्विटी क्रेडिट 0.6।
एट का रिजर्व का। अगर कैश सेटलमेंट नहीं होती, इक्विटी सेटलमेंट होती है, तो हम क्या करेंगे, तो भी हम अपनी लायबिलिटी को खत्म कर देंगे 9.6, और इसके अगेंस्ट शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर देंगे 9.6। और यहां भी हमारे पास जो रिजर्व था शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, इसे हम इक्विटी में क्लोज कर देंगे 0.8। तो कैश सेटलमेंट में लायबिलिटी के अगेंस्ट पेमेंट हो जाएगी, इक्विटी सेटलमेंट में लायबिलिटी के अगेंस्ट शेयर इश्यू हो जाएंगे। और जो रिजर्व हमने 3 सालों में रिकॉर्ड किया था 0.26 जो कि 0.8 था, इसे हमने इक्विटी में ट्रांसफर कर दिया। ये 9.6 को तुम शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में ब्रेक करोगे, लाइक 64,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए में पार वैल्यू अज्यूम कर लो, 64 × 10 6,40,000, तो 0.64 से शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। मैंने एक साथ ही कर दिया था, दोनों कर देता हूं, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 64,000 × 10 0.64, और बाकी बैलेंसिंग शेयर प्रीमियम में कितना है 8.06, 8.9, ठीक है। कॉपी करें इसे। एक चीज ये सुनिएगा कि जब हम इक्विटी सेटलमेंट कर रहे हैं तो फिर हम जो शेयर इश्यू कर रहे हैं वो 80,000 है ना, तो यहाँ 64,000 नहीं आएगा। यहाँ पे जब हम शेयर सेटलमेंट कर रहे हैं तो हम 64,000 नहीं, हम 80,000 शेयर इश्यू करेंगे, तो 80,000 × 10 यानी कि 0.8, और 9.6 माइनस 0.8 कितना आ रहा है 8.8 से शेयर प्रीमियम क्रेडिट हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे सवाल पे बढ़ने से पहले, आगे किसी सवाल पे बढ़ने से पहले एक चीज जो एक स्टूडेंट ने भी कही और मेरे पास अक्सर आईफर्स टू में जब मैं अपने व्हाट्सएप वगैरह पे देखता हूं तो यही सवाल आ रहा होता है कि सर कब रिजर्व पीएनएल में रिवर्स होगा, कब रिजर्व इक्विटी में रिवर्स होगा, कब लायबिलिटी कहां रिवर्स करेंगे। थोड़ी इसकी कोई हमें समरी टाइप बना दें, हमें याद नहीं रहता कि कौन सी चीज किस वक्त रिवर्स होगी और कहां से रिवर्स होगी। देखो मैं थोड़ा सा इसको समराइज करने की कोशिश करता हूं। इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में जो आपके पास शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व है, अगर ब्रीच ऑफ सर्विस कंडीशन हो रही है, अगर ब्रीच ऑफ नॉन मार्केट कंडीशन हो रही है, इस केस में रिवर्सल थ्रू पीएनएल होगा। अगर शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व के केस में, इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व जो है सर्विस कंडीशन या नॉन मार्केट कंडीशन का ब्रीच हो रहा है, तो आपका जो रिवर्सल है वो थ्रू पीएनएल होगा। और अगर ब्रीच ऑफ मार्केट कंडीशन है या फिर वेस्टेड इंस्ट्रूमेंट नॉट एक्सरसाइज्ड या नॉट इश्यूड है, तो अब ये जो रिवर्सल है ये बेसिकली रिवर्सल नहीं कहेंगे इसको, इसको हम ट्रांसफर कहेंगे। ये रिवर्सल जो है ये रिवर्सल थ्रू इक्विटी होगा। इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में तुम हर साल के आखिर में सर्विस कंडीशन, हर साल के आखिर में नॉन मार्केट कंडीशन और एट द एंड वेस्टिंग डेट सर्विस कंडीशन नॉन मार्केट कंडीशन को देखोगे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें लगता है कि सर्विस कंडीशन पूरी नहीं होगी, तुम्हें लगता है कि नॉन मार्केट कंडीशन पूरी नहीं होगी, या सर्विस कंडीशन या नॉन मार्केट कंडीशन पूरी नहीं हुई,
आपने जितना भी रिजर्व रिकॉर्ड कर रखा है इसे थ्रू पीएनएल रिवर्स करेंगे और कोई मजीद एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर इक्विटी सर्टिफिकेट बेस्ड पेमेंट के केस में मार्केट कंडीशन है, आपको लगता है कि मार्केट कंडीशन का ब्रीच हो जाएगा या वाकई में मार्केट कंडीशन का ब्रीच हो गया, सर हम कोई एक्सपेंस पीएनएल के थ्रू रिवर्स नहीं करेंगे, रूटीन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते रहेंगे, क्योंकि इक्विटी सर्टिफिकेट बेस्ड पेमेंट के केस में तो आप मार्केट कंडीशन को देखते ही नहीं हो, आपके लिए ये फर्क ही नहीं पड़ता कि पूरी हो रही है नहीं हो रही, आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करते रहोगे। लेकिन ब्रीच हो गया तो इसको रिवर्स कर देंगे या ट्रांसफर कर देंगे थ्रू इक्विटी। एक और चीज मैंने यह लिखी है, वेस्टेड इंस्ट्रूमेंट नॉट एक्सरसाइज नॉट इश्यूड, इसका मतलब समझ आता है ये क्या बात हो रही है? सर सामने वाले की वेस्टिंग हो गई, यानी कि सामने वाले की इंटाइटलमेंट हो गई, अब इंटाइटलमेंट के बाद अगर वो शेयर्स हासिल ना करे तो फिर हम इक्विटी रिजर्व शेयर बेस पेमेंट रिजर्व को इक्विटी में ट्रांसफर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि भाई 3 साल तक मेरे साथ रहो, तीन सुनिएगा मेरी एग्जाम्पल, 3 साल तक मेरे साथ रहो, 3 साल के बाद आपके पास ये राइट है कि आप मेरी कंपनी का शेयर 5 रुपए का खरीद सकते हो जब भी तुम्हारा दिल करे। आप 3 साल मेरे साथ रहे, यानी कि आपकी इंटाइटलमेंट आ गई कि नाउ यू कैन बाय शेयर फॉर अ प्राइस ऑफ 5 रुपीज, आपकी वेस्टिंग हो गई कि आप शेयर बाय कर सकते हो 5 रुपए का, लेकिन आपके पास शेयर्स को बाय करने के लिए 5 रुपए भी नहीं थे एज अ एम्प्लॉय। कुछ अरसे बाद शेयर की मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गई, 5 रुपए कम हो गई, तो जब शेयर की प्राइस मार्केट से 5 रुपए से भी कम हो गई ना, तो अब आपके लिए वो फायदा ही नहीं है कि आप उसे बाय करो, जो चीज मार्केट में 5 से कम की मिल रही है आप 5 का बाय करके भी क्या फायदा लोगे, तो फिर आपने उसे एक्सरसाइज ही नहीं किया, वेस्ट हो गया था लेकिन आपने उसे एक्सरसाइज नहीं किया। तो इस केस में भी हम अपना एक्सपेंस रिवर्स नहीं करेंगे, हम इस रिजर्व को इक्विटी में ट्रांसफर कर देंगे। और कैश सर्टिफिकेट शेयर बेस्ड पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो सवाल ये पूछा कि सर कैश सर्टिफिकेट शेयर बेस्ड पेमेंट में रिजर्व कब रिवर्स करते हैं, कहां से रिवर्स करते हैं, तो ये सवाल ही गलत है, क्योंकि कैश सर्टिफिकेट शेयर बेस्ड पेमेंट में आपके पास रिजर्व नहीं आ रहा था, कैश सर्टिफिकेट शेयर बेस्ड पेमेंट के केस में आपके पास लायबिलिटी आ रही होती है, और लायबिलिटी के केस में जब भी हमारे पास ब्रीच होगा, चाहे वो ब्रीच सर्विस कंडीशन का हो, चाहे वो ब्रीच मार्केट कंडीशन का हो, चाहे वो ब्रीच नॉन मार्केट कंडीशन का हो, सर हमारा रिवर्सल हमेशा पीनल के थ्रू ही होगा, हम इसका रिवर्सल थ्रू पीएनएल ही कर रहे हो। तो आई होप कि मैंने कुछ समराइज करने की कोशिश की होगी, कॉपी कर लीजिएगा इसे। सर एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने इक्विटी सर्टिफिकेट बेस्ड पेमेंट में बता दिया, यहां ध्यान से सुने ऑनलाइन वाले भी और आप लोग भी, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने इक्विटी सर्टिफिकेट बेस्ड पेमेंट के केस में बता दिया कि शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में कब कब रिवर्सल कहां कहां से होगा, कैश सर्टिफिकेट बेस्ड पेमेंट में लायबिलिटी का रिवर्सल कब कहां से होगा, सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव में क्या करेंगे? देखिए सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव में कोई नए रूल नहीं है, सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव में जो इक्विटी कंपोनेंट है उस पर यह रूल अप्लाई होगा, जो लायबिलिटी कंपोनेंट है उस पर यह रूल अप्लाई होगा। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास वेरिएबल एक्सरसाइज प्राइस डिपेंडिंग अपॉन नॉन मार्केट कंडीशन है। अभी जो वेरिएबिलिटी वाला एलिमेंट है ना, इसमें हमारे पास बहुत सारे सिनेरियोस हो सकते हैं कंसीडरिंग द लिमिटेड टाइम। मैं आपको सवाल ही सॉल्व करवा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए, वेरिएबिलिटी की बेसिस में क्या होता है, कैसे होता है, इसमें हमारे पास बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन सवाल हम एक सॉल्व करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूं ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर हो। इक्विटी सर्टिफिकेट बेस्ड पेमेंट के केस में हमारे पास वेस्टिंग पीरियड वेरिएबल हो सकता है, हमारे पास एक्सरसाइज प्राइस वेरिएबल हो सकती है, और हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स वेरिएबल हो सकता है। वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज प्राइस या नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो वेरिएबल होंगे ना, तो या तो ये
वेरिएबल होंगे डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन, या ये वेरिएबल होंगे डिपेंडिंग अपॉन नॉन मार्केट कंडीशन, या ये वेरिएबल होंगे डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन, या ये वेरिएबल होंगे डिपेंडिंग अपॉन नॉन मार्केट कंडीशन। अब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर एक्सरसाइज प्राइस, नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और वेस्टिंग पीरियड, इन तीनों में से कोई भी एक चीज, इन तीनों में से कोई भी एक चीज वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन, इन तीनों में से कोई भी एक चीज वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन के केस में ग्रांट डेट पे एस्टिमेट कर लोगे, ग्रांट डेट पे ही एस्टिमेट कर लोगे कि यार वेरिएबल तो है लेकिन एस्टिमेट क्या कहता है कि वेस्टिंग पीरियड क्या है, वेरिएबल तो है लेकिन एस्टिमेट क्या कहता है कि एक्सरसाइज प्राइस क्या होगी, वेरिएबल तो है लेकिन एस्टिमेट क्या कहता है कि नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, और जो तुम्हारा ग्रांट डेट का एस्टिमेट है उस एस्टिमेट को लॉक कर दोगे, आगे जाके मार्केट कंडीशन को देखना ही नहीं, आगे जाके मार्केट कंडीशन को देखना ही नहीं है, जो ग्रांट डेट पे एस्टिमेट लॉक किया था उसी एस्टिमेट पे चलते हुए एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज प्राइस या नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ये तीन चीजों में से कोई एक चीज वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन नॉन मार्केट कंडीशन, तो अब नॉन मार्केट कंडीशन के केस में आप हर साल के देखो आखिर में देखोगे, और हर साल के आखिर में जो नॉन मार्केट कंडीशन का बेस्ट एस्टिमेट होगा, जो नॉन मार्केट कंडीशन का आपका प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट होगा, उसको कंसिडर करते हुए हम वेरिएबल, वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज प्राइस या नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को सेलेक्ट कर रहे होंगे। मैं रिपीट करता हूं, अगर ये चीजें वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन, आपने ग्रांट डेट पे एस्टिमेट करना है कि क्या होगा अल्टीमेटली, बस उस एस्टिमेट को लॉक कर दी, अब आगे जाके कुछ भी हो आप ग्रांट डेट के एस्टिमेट पे ही चलो। लेकिन अगर ये चीजें वेरिएबल है डिपेंडिंग अपॉन नॉन मार्केट कंडीशन, तो आप ग्रांट डेट पे नहीं, हर ईयर एंड के आखिर में एस्टिमेट देखोगे, और हर ईयर एंड के आखिर में जो बेस्ट एस्टिमेट होगा उसकी बेसिस पे वेरिएबल एक्सरसाइज पीरियड, वेरिएबल वेस्टिंग पीरियड, वेरिएबल एक्सरसाइज प्राइस और वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस एंड द रिजर्व। क्या ये समझ आता है? मैम सर एक सवाल देखते हैं, विंटर 19 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 की एडजस्टमेंट नंबर 1 है, कहता यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ देरम लिमिटेड, इन 2018 इट वाज डिस्कवर्ड दैट अ सीनियर एग्जीक्यूटिव वाज ग्रांटेड शेयर ऑप्शंस ऑन 1 जनवरी 2016 बट नथिंग वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज वेल एज इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। अच्छा ये कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, इसकी सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, तो मैं आपको शेयर बेस पेमेंट पे फोकस करवाऊंगा रादर देन कि इन्होंने जो एरर किया है उसको हम नहीं देखेंगे। कह रहा है मैं 2018 में आके पता चला कि 1 जनवरी 2016 पे एक शेयर ऑप्शन ग्रांट किया था, और 2016 और 2017 से और 2018 में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, 2018 में आगे जागे हैं कि यार एक चीज 2016 में प्रॉमिस कर दी थी। कहता है कंपनी हैड ग्रांटेड 120,000 शेयर ऑप्शंस टू द सीनियर एग्जीक्यूटिव कंडीशनल अपॉन द एग्जीक्यूटिव रिमेनिंग इन द कंपनीज एम्प्लॉयमेंट टिल 31 दिसंबर 2019। देखो 1 जनवरी 2019 पे ग्रांट किया था और एंटाइटलमेंट के लिए 31 दिसंबर 2019 तक कंपनी के साथ रहना है, यानी 2017, 2018, 2019, तो यहां पे हमारे पास सर्विस कंडीशन आ गई 4 इयर्स। ये सर्विस कंडीशन फिक्स्ड है। आगे कहता है द एक्सरसाइज प्राइस फॉर ऑप्शन इज 90, However, the exercise price drops to 50 if net profit increases by at least 8% in a year. थोड़ा सा समझिएगा कि हम जो fair value of equity instruments calculate करते हैं, हम नहीं calculate करते, कंपनी का actually बताता है, इसमें दो चीज आती है, intrinsic value और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस होती है, यानी कि जितनी एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा होगी उतना इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगा, उतनी फेयर वैल्यू कम होगी, जितनी एक्सरसाइज प्राइस कम होगी उतनी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगी, उतनी फेयर वैल्यू ज्यादा होगी। यानी कि मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि फेयर वैल्यू का एक्सरसाइज प्राइस के साथ
इनवर्स रिलेशनशिप है, सही है। अब यहां ये कहता है कि हमने जो आपको 1,20,000 शेयर ऑप्शन का वादा किया इस शर्त पे कि 4 साल तक हमारे साथ रहो, उसकी एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 90। ये फेयर वैल्यू नहीं है, ये एक्सरसाइज प्राइस है। लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट हर साल कम से कम 8% से बढ़ता रहा तो फिर एक्सरसाइज प्राइस 90 से कम होकर कितनी हो जाएगी? 50। अब एक्सरसाइज प्राइस 90 से कम होकर 50 हो जाएगी तो मैं अभी टेबल देकर बगैर ही आपको बताऊं कि अगर एक्सरसाइज प्राइस कम हो रही है तो फेयर वैल्यू बढ़ रही होगी। अब यहां पे हमारे पास एक्सरसाइज प्राइस वेरिएबल है, किस चीज की बेसिस पे? सब प्रॉफिट के इंक्रीज की बेसिस पे, यानी कि बेस्ड ऑन नॉन मार्केट कंडीशंस। अब जब एक्सरसाइज प्राइस वेरिएबल हो बेस्ड ऑन नॉन मार्केट कंडीशन तो फिर हर साल के आखिर के एस्टिमेट को देखा जाएगा, हर साल के आखिर की फेयर वैल्यू को नहीं देखा जाएगा। फेयर वैल्यू तो ग्रांटेड भी ली जाएगी, हर साल के आखिर के एस्टिमेट को लिया जाएगा, फेयर वैल्यू तो ग्रांटेड की होगी। क्या मतलब समझ आएगा अभी अगले जुमले में? एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन आर एस अंडर, इन्होंने हमें ग्रांटेड पे फेयर वैल्यू दिए, इन्होंने हमें 31 दिसंबर 2018 पे फेयर वैल्यू दिए। ग्रांटेड पे अगर एक्सरसाइज प्राइस 90 होती तो फेयर वैल्यू 150 होती, अगर एक्सरसाइज प्राइस 50 होती तो फेयर वैल्यू 177 होती, और 31 दिसंबर 2018 पे अगर एक्सरसाइज प्राइस 90 होती तो फेयर वैल्यू 190, अगर एक्सरसाइज प्राइस 50 होती तो फेयर वैल्यू 225। हमारे लिए ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू रेलेवेंट है, 31 दिसंबर 2018 की फेयर वैल्यू रेलेवेंट नहीं है। लेकिन ग्रांट डेट पे दो फेयर वैल्यूज हैं, अगर 90 के एक्सरसाइज प्राइस हो तो अलग, अगर 50 के एक्सरसाइज प्राइस हो तो अलग, और एक्सरसाइज प्राइस वेरिएबल है नॉन मार्केट कंडीशन को देखते हुए। तो हर साल के आखिर में नॉन मार्केट कंडीशन का जो बेस्ट एस्टिमेट होगा उसकी बेसिस पे 150 या 175 इन दोनों में से कोई एक फेयर वैल्यू सेलेक्ट की जाएगी। अब आगे क्या कहता है? द इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट बाय मोर देन 8% वॉज ऑलवेज एक्सपेक्टेड। हम हमेशा से समझते थे कि प्रॉफिट टारगेट मीट हो जाएगा, यानी कि हम हमेशा से समझते थे कि प्रॉफिट टारगेट मीट हो जाएगा तो एक्सरसाइज प्राइस 50 होगी, यानी हमारे लिए फेयर वैल्यू 175 रेलेवेंट होगी। लेकिन हाउएवर ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इकोनॉमिक कंडीशन कंपनी कुड नॉट अचीव द 8% इंक्रीज इन प्रॉफिट इन 2018। लेकिन 2018 में 8% प्रॉफिट टारगेट अचीव नहीं हुआ, तो 2018 में एस्टिमेट का चेंज हो गया और अब एक्सरसाइज प्राइस 50 से 90 हो गई, यानी कि हमारे लिए फेयर वैल्यू 175 से 150 रेलेवेंट हो गई 2018 में, 16-17 में नहीं। जनरलाइज द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, हम पूरी एंट्रीज बनाते हैं रेक्टिफिकेशन नहीं। यहां देखो विंटर 19 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, चार साल की सर्विस कंडीशन है लेकिन हमें डेटा सिर्फ 3 साल का ही दिया हुआ है। तुम्हारी दूसरी अटेम्प्ट है, तुम्हारा क्यों रुक गया? खैर याद नहीं आ रहा क्या बात हुई थी, पूरा नहीं हुआ था मतलब। याद देखिए सर, ईयर एंड फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट, नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस, टाइम फैक्टर, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व और एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब हमारे पास प्रॉफिट टारगेट, एक्सरसाइज प्राइस, 3 साल की मैं वर्किंग करूंगा यहां पे, 2016, 2017, 2018।
2016, 2017, 2018। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन फिक्स्ड है, दैट इज 1,20,000, तो ये तीनों सालों में सेम रहेंगे। यहाँ पे सर्विस पीरियड फिक्स्ड है 4 साल का, 1 जनवरी 16 से 31 दिसंबर 19, तो टाइम फैक्टर भी 1/4, 2/4 और 3/4। फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट, फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट वेरी करती है बेस्ड ऑन एक्सरसाइज प्राइस, और एक्सरसाइज प्राइस वेरी करता है बेस्ड ऑन कि हम प्रॉफिट टारगेट मीट करेंगे या नहीं। हमें हमेशा से लगता था कि प्रॉफिट टारगेट मीट होगा, लेकिन 2018 में प्रॉफिट टारगेट मीट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि 2016 के आखिर में हमें लग रहा था कि प्रॉफिट टारगेट मीट होगा, 2017 के आखिर में हमें लग रहा था कि प्रॉफिट टारगेट मीट होगा, लेकिन 2018 में हमें लग रहा है कि प्रॉफिट टारगेट मीट नहीं होगा। अगर 2016 और 17 के आखिर में हमें लग रहा है कि प्रॉफिट टारगेट मीट होगा, तो रेलिवेंट एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 50 और 50। और अगर 2018 में प्रॉफिट टारगेट मीट नहीं हुआ, तो रेलिवेंट एक्सरसाइज प्राइस कितनी हो जाएगी? 90। अगर 50 की एक्सरसाइज प्राइस हो, तो ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू कितनी थी? 175। तो यहां आएगा 175, यहां आएगा 175। और अगर 90 की एक्सरसाइज प्राइस हो, तो फेयर वैल्यू कितनी होगी ग्रांट डेट पे? 150। तो यहां आ जाएगा हर साल के आगे में रिजर्व फॉर एक्सपेंस का नंबर 175 × 1,20,000 × 1/4 5.25, 10.5, 13.5। तो पहले साल का एक्सपेंस 5.25 हो जाएगा, दूसरे साल का एक्सपेंस 5.25। तुम्हारे पास हर साल इन इन नंबर से एक्सपेंस डेबिट रिजर्व क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। कॉपी करें इसे। अब तक मैंने आप लोगों को मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन नहीं बताया, अब तक मैंने जितने सवाल सॉल्व किए वो सिंपल शेयर बेस्ड पेमेंट के थे, या तो इक्विटी सेटल्ड या कैश सेटल्ड या सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव, और एक आधा हमने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट डाल दी। अब जब सवाल देखेंगे उसमें हमारे पास मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन वाले रूल्स अप्लाई होंगे। चले सर आगे बढ़ते हैं। अगला एरिया जो हमने IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट के स्टैंडर्ड में कवर करना है, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट। इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट की मॉडिफिकेशन को किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, ये इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है, इस बात के ऊपर कंटिंजेंट है कि वो जो मॉडिफिकेशन की जा रही है, क्या ये मॉडिफिकेशन काउंटर पार्टीज के लिए, एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिशियल है, क्या ये मॉडिफिकेशन काउंटर पार्टीज के लिए, एम्प्लॉयज के लिए नॉन बेनिफिशियल है। पहले तो हम आसान वाले ये देखते हैं कि अगर मॉडिफिकेशन नॉन बेनिफिशियल हो, यानी कि काउंटर पार्टीज को ओवरबर्डन किया जा रहा है मॉडिफिकेशन के नतीजे में, तो इसे हम नॉन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन कह रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को कम कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, क्या हम मार्केट कंडीशन या नॉन मार्केट कंडीशन को टफ कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, क्या हम सर्विस कंडीशन को बढ़ा रहे हो? तो वो सारी मॉडिफिकेशंस जो कि काउंटर पार्टी के पर्सपेक्टिव से नॉन बेनिफिशियल है, इसे तीन कैटेगरीज में बाइफरकेट कर दिया है कि या तो इक्विटी सर्विस शेयर बेस्ड पेमेंट की फेयर वैल्यू में कमी लाई जाएगी बाय इंक्रीजिंग द एक्सरसाइज प्राइस, बाय टफिंग द मार्केट कंडीशन, और बाय टाइटनिंग द नॉन वेस्टिंग कंडीशंस। अगर एक्सरसाइज प्राइस बढ़ा दी जाती है सब्सिक्वेंटली, मार्केट कंडीशंस को मुश्किल कर दिया जाता है या नॉन वेस्टिंग कंडीशंस को बढ़ा दिया जाता है, तो इसके नतीजे में आपके इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट की फेयर वैल्यू में कमी आ रही होगी, जो कि एक नॉन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन है, आप इसे सिंपली इग्नोर कर दोगे। अगर नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड को कम किया जा रहा है, नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड को कम किया जा रहा है, तो जितने नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कम किए गए, एक तरीके से उन्हें कैंसिल कर दिया गया, और यहां पर फिर हम कैंसिलेशन अकाउंटिंग का रूल अप्लाई कर रहे होंगे, यहां पर हम कैंसिलेशन अकाउंटिंग का रूल अप्लाई कर रहे होंगे। और अगर इसके अलावा कोई और नॉन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल कि सर्विस पीरियड को बढ़ा दिया गया या नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन को टफ कर दिया गया, तो इस सिचुएशन में भी हम नॉन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन को सिंपली इग्नोर कर देंगे। लेकिन जो मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग एक्चुअली अप्लाई होगी, वो उस वक्त अप्लाई होगी जब ये मॉडिफिकेशन सामने वाली काउंटर पार्टीज के लिए, एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिशियल होगी। अब यहां भी हमने तीन कैटेगरीज में इन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशंस को बाइफरकेट किया है। नंबर वन,
या तो मॉडिफिकेशन के नतीजे में इक्विटी सेटअप शेयर बेस पेमेंट की फेयर वैल्यू इंक्रीज करवा दी जाए, आइदर बाय डिक्रीजिंग द डिक्री एक्सरसाइज प्राइस, आइदर बाय रिलैक्सिंग द मार्केट कंडीशन और नॉन वेस्टिंग कंडीशन, या फिर नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्रीज कर दिया जाए, या फिर कोई और बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन हो, फॉर एग्जाम्पल के सर्विस कंडीशन को कम कर दिया जाए या नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन को कम कर दिया जाए। अब अगर इक्विटी सेटअप शेयर बेस पेमेंट की फेयर वैल्यू में इंक्रीज लाया जाता है एक्सरसाइज प्राइस को कम करके, मार्केट कंडीशन या नॉन वेस्टिंग कंडीशन को रिलैक्स करके, तो जो तुम्हारा ओरिजिनल फेयर वैल्यू के बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा था वो तो रिकॉर्ड होता ही रहेगा। जो तुम्हारा ओरिजिनल एक्सपेंस के बेसिस पे, ओरिजिनल फेयर वैल्यू के बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा था वो तो रिकॉर्ड होता ही रहेगा, भले हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। लेकिन इस मॉडिफिकेशन के नतीजे में जो हमने इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू वर्कआउट की, जो हमने इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू दी सामने वाले को, वो इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू क्या है कि जिस दिन हम मॉडिफाई कर रहे हैं उस दिन हमारी ओरिजिनल इक्विटी सेटअप शेयर बेस पेमेंट की फेयर वैल्यू और मॉडिफाइड शेयर बेस पेमेंट की फेयर वैल्यू, इन दोनों में क्या फर्क है। इस इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू को, इस इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू के अगेंस्ट हम एडिशनल एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ओवर द मॉडिफाइड वेस्टिंग पीरियड। इस इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू को मैं मॉडिफाइड रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में एक्सपेंस आउट कर रहा होगा। अगर मैं मॉडिफिकेशन के नतीजे में नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को बढ़ा देता हूं, तो जो ओरिजिनली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का वादा किया गया था उसके अगेंस्ट तो रूटीन एक्सपेंस रिकॉर्ड होता रहेगा, और जो हमने नए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का वादा किया एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, इन नए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को मॉडिफिकेशन डेट की फेयर वैल्यू के बेसिस पे रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड पे, रिमेनिंग मॉडिफाइड पीरियड पे ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट करो। रिकॉग्नाइज फेयर वैल्यू ऑफ एडिशनल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड मेजर्ड एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ओवर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन टू द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड ऑफ एडिशनल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। और अगर कोई और अदर बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन है, सर्विस कंडीशन को रिलैक्स कर दिया जाए या नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन को रिलैक्स कर दिया जाए, तो इस केस में आप एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हुए मॉडिफाइड रिलैक्स्ड सर्विस कंडीशन और नॉन मार्केट कंडीशन को कंसिडर करते हुए अपना एस्टिमेट क्रिएट करोगे। यानी कि आप ओरिजिनल सर्विस कंडीशन, ओरिजिनल नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन को भूल जाएंगे, जो मॉडिफाइड या रिलैक्स्ड सर्विस कंडीशन या नॉन मार्केट कंडीशन है इनको देखते हुए ईयर एंड के आखिर में एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट था इक्विटी सेटअप शेयर बेस पेमेंट का। हमने अपनी क्लासेस में, हमने अपने प्रैक्टिसेस में, हमने आईकेएफ के पास पेपर्स में कभी भी कैश सेटअप शेयर बेस पेमेंट की मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं देखा। क्या प्रैक्टिकली कैश सेटअप शेयर बेस पेमेंट मॉडिफाई नहीं हो सकती? यस, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन कैश सेटअप शेयर बेस पेमेंट के केस में मॉडिफिकेशन बहुत सिंपल है। कैश सेटअप शेयर बेस पेमेंट के केस में वी आर रिकॉर्डिंग द लायबिलिटी, हम अपनी एक ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड करते हैं, हम अपनी एक लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश सेटअप शेयर बेस पेमेंट के केस में कोई भी मॉडिफिकेशन हो, चाहे बेनिफिशियल चाहे नॉन बेनिफिशियल, चाहे बेनिफिशियल चाहे नॉन बेनिफिशियल, आप अपनी लायबिलिटी को रीमेजर करोगे एज पर द मॉडिफाइड टर्म्स, क्योंकि वहां पे लायबिलिटी है ना। तो चाहे वो बेनिफिशियल हो या नॉन बेनिफिशियल हो, अब हम ओरिजिनल को भूल जाएंगे, मॉडिफाइड टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए अपनी लायबिलिटी की वैल्यू, अपने लायबिलिटी के एस्टिमेट्स को प्रेडिक्ट कर रहे होंगे, अकॉर्डिंगली अपने पास लायबिलिटी मेंटेन रिकॉर्ड या डीरेकॉग्नाइज कर रहे होंगे। अब मॉडिफिकेशन आइसोलेशन में फिर भी मैनेज हो जाती है, लेकिन मॉडिफिकेशन में ही एक स्टेप आगे जाकर आता है गिव एंड टेक मॉडिफिकेशन का, कि कुछ बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन और कुछ नॉन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन हो, तो इसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसमें मैं बात करूंगा। पहले हम मॉडिफिकेशन से पटेंगे, एक थोड़ा सा आसान सवाल देखते हैं, ये थोड़ा सा रिलैक्स सवाल है, इसके बाद मुश्किल सवाल भी आएगा। विंटर 16 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है 10 मार्क्स, कहता है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्सवाईजेड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016 आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन एंड फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन। ऑन 1st July 2013 कंपनी ऑफर्ड 5,000 शेयर ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स 10 मार्केटिंग मैनेजर एंड 10 बैक ऑफिस मैनेजर। द ऑफर इज कंडीशनल अपॉन कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर ऑफ सर्विस फ्रॉम द डेट द ऑफर वॉज गिवेन। इट वॉज एस्टिमेटेड एट द टाइम ऑफ ऑफर दैट 2 मैनेजर्स फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट वुड लीव द कंपनी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर ऑन 1st July 2013 वॉज ₹50 पर शेयर।
फर्स्ट जुलाई 13 पे 10 मार्केटिंग मैनेजर्स 10 बैक ऑफिस मैनेजर्स को 5,000 शेयर ऑप्शन का वादा किया, 3 साल की सर्विस कंडीशन है और हमें लगता है कि दोनों डिपार्टमेंट से दो दो मैनेजर छोड़कर चले जाएंगे। फर्स्ट जुलाई 2013 पे कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू कितनी है? ₹50 पर शेयर। अदर कंडीशन एंड इन्फॉर्मेशन आर एज फॉलो। कंडीशन स्पेसिफिक टू मार्केटिंग मैनेजर, कंडीशन स्पेसिफिक टू मार्केट मैनेजर, यानी ये कंडीशन सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर के लिए, बैक ऑफिस मैनेजर्स के लिए नहीं है। मार्केटिंग मैनेजर कैन एक्सरसाइज द ऑफर इफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्रीजेस बाय 10% पर एनम ऑन एन एवरेज द नेक्स्ट 3 ईयर्स एंड द ऑफर कैन बी एक्सरसाइज एट 18 पर शेयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वेस्टिंग पीरियड। कह रहे मार्केटिंग मैनेजर के केस में, मार्केटिंग मैनेजर के केस में सर्विस कंडीशन के साथ साथ एक नॉन मार्केट कंडीशन भी है, एक नॉन मार्केट कंडीशन भी है, और वो नॉन मार्केट कंडीशन क्या है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 3 साल ऑन एन एवरेज 10% से बढ़ जाए। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर इंक्रीज बाय 12% एंड 18% रिस्पेक्टिवली। शुरू के 2 सालों में प्रॉफिट टारगेट मीट होता रहा, नॉन मार्केट कंडीशन मीट होती रही, बट प्रॉफिट फॉर द थर्ड ईयर हैज इंक्रीज बाय 3% ओनली। लेकिन तीसरे साल में प्रॉफिट इंक्रीज का टारगेट मीट नहीं हुआ। इसके बाद कंडीशन स्पेसिफिक टू बैक ऑफिस मैनेजर्स, यानी कि ये कंडीशन बैक ऑफिस मैनेजर्स के लिए, मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए नहीं है। बैक ऑफिस मैनेजर्स कैन एक्सरसाइज द ऑफर इफ द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी इंक्रीजेस बाय 10% पर एनम ऑन एन एवरेज ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। यानी कि बैक ऑफिस मैनेजर्स के लिए सर्विस कंडीशन के साथ साथ एक मार्केट कंडीशन भी रखी गई है कि कंपनी की शेयर प्राइस ऑन एन एवरेज 3 सालों में 10% से बढ़नी चाहिए। दिस ऑफर कैन बी एक्सरसाइज एट ₹23 आफ्टर कंप्लीटिंग द वेस्टिंग पीरियड। On 1st July 2013, fair value of these share option was ₹30 per option, taking into account the estimated probability that the necessary share price growth would be achieved. कह रहा है कि 1st July 2013 पे ₹30 की fair value determine की गई इस बात के ऊपर के market condition meet होगी या नहीं, उनके probability के impact को incorporate करते हुए। On 1st January 2016, यानी कि 1st जुलाई 13 से हमारा ईयर एंड 30 जून 16 है, मतलब 30 जून है, तो 1st जुलाई 13 से 30 जून 14 1 साल, 30 जून 15 2 साल, और 1st जुलाई 2016 ढाई साल के बाद On 1st January 2016 the share price declined. Considering the decline, XYZ modified the share option scheme for the back office managers by reducing the exercise price to ₹10 per share. The fair value of the option immediately before and after the reduction in exercise price was 5 and 14 respectively. देखिए अगर modification को ignore भी कर दे ना फिलहाल, तो यहाँ पर market condition है। Market condition meet हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, expense record होता रहेगा। लेकिन चूंकि share price बढ़ने ही रही थी, तो company ने अपनी terms and conditions को थोड़ा सा modify किया और exercise price को 23 से रिड्यूस करके 10 कर दिया, जिसके नतीजे में कोई इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू आई। और वो इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू क्या है कि सर जब आपने इसको मॉडिफाई किया ना, तो ओरिजिनल स्कीम की फेयर वैल्यू ₹5 थी, लेकिन मॉडिफाइड स्कीम की फेयर वैल्यू ₹14, तो 14 और 5 ₹9 की इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू आ गई। अप टू 30 जून 2015 देयर वॉज नो चेंज इन एस्टिमेट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैनेजर्स लीविंग द कंपनी। However, during the year ended 30 June 2016, 3 managers left the company, 2 from marketing and 1 from back office. Sir, 30 June 15 तक हमारा जो estimate था ना कि दोनों department से दो दो लोग छोड़कर जाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन 30 June 16 तक actual क्या हुआ कि 3 managers चले गए, 2 marketing department से as per our expectation, और 1 गया back office managers में से, 1 नहीं गया हमारी एस्टिमेशन के हिसाब से। रिक्वायरमेंट में कहता है इन अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS डिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अवर ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 2016। तो जरा इस सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पहले जरा खुद से सॉल्व करें इसे। यहां देखिए मैं सॉल्व करवा देता हूं इस सवाल को।
हमारे पास विंटर 16 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, मैंने फॉर्मेट पूरा ड्रॉ कर लिया है, मार्केटिंग मैनेजर्स और बैक ऑफिस मैनेजर्स। सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजर्स की बात करें तो मार्केटिंग मैनेजर्स के केस में हमारे पास सर्विस कंडीशन और नॉन मार्केट कंडीशन है, सर्विस कंडीशन और नॉन मार्केट कंडीशन है। 1 जुलाई 2013 पे ये ग्रांट हुआ, 3 साल की सर्विस कंडीशन थी, यानी कि 30 जून 2014, 30 जून 2015, 30 जून 2016। फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट कितनी है सर? शेयर प्राइस, शेयर्स की फेयर वैल्यू 50 रुपए, और जो शेयर ऑप्शन दिया गया उसमें 18 रुपए की एक्सरसाइज प्राइस भी है, तो 50 रुपए की फेयर वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि हम उसको शेयर ऑप्शन दे रहे हैं कि वो 18 का खरीद सकता है, तो बेनिफिट में 50 का नहीं दे रहा, बेनिफिट में उसको कितना दे रहा हूं, 50 माइनस 18 कितना, 32। फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट 32, टाइम फैक्टर 1/3, 2/3 एंड 3/3। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 10 लोग थे, हमें लग रहा था कि 2 लोग चले जाएंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में से। इन्होंने यहां पे कहा था कि हमारे एस्टिमेट में कोई चेंज नहीं आया नंबर ऑफ मैनेजर्स लीविंग द कंपनी, लेकिन 30 जून 2016 वाले साल में 3 मैनेजर्स छोड़कर गए जिसमें से 2 मार्केटिंग के थे, यानी कि मार्केटिंग के केस में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में केस में तो जो हमने सोचा था उतने ही लोग छोड़ के गए। तो हमारे पास 5,000 शेयर ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 2, 5,000 शेयर ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 2, और यहां भी 10 माइनस 2। लेकिन इन्होंने मैं बताया था कि 2014 और 15 में तो प्रॉफिट टारगेट अचीव हुआ, लेकिन 2016 में प्रॉफिट टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो 2016 में प्रॉफिट टारगेट अचीव नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि हम कोई शेयर ऑप्शंस ग्रांट नहीं कर रहे होंगे। तो पहले, दूसरे और तीसरे साल के आखिर में कितना कितना रिजर्व आ जाएगा? 4,2,667,853,333, यानी कि मार्केटिंग मैनेजर के केस में पहले साल आप 4,26,000 का रिजर्व और एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, दूसरे साल के आखिर में इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4,26,000 का एक्सपेंस और रिजर्व मजीद रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन तीसरे साल चूंकि मार्केट नॉन मार्केट कंडीशन पूरी नहीं हुई, नॉन मार्केट कंडीशन का ब्रीच हो गया, तो कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई रिजर्व रिकॉर्ड नहीं होगा, और जितना रिजर्व रिकॉर्डेड है वो थ्रू पीएनएल आपका रिवर्स हो जाएगा, वो थ्रू पीएनएल आपका रिवर्स हो जाएगा। इसके बाद बैक ऑफिस मैनेजर के केस में हमारे पास सर्विस कंडीशन है और मार्केट कंडीशन है। अगेन 3 साल है हमारे पास, ओरिजिनली 30 जून 2014, 30 जून 2015 और 30 जून 2016। अब यहां पे हमारे पास चूंकि मार्केट कंडीशन है तो मार्केट कंडीशन को इनकॉर्पोरेट करते हुए 1 जुलाई 2013 पे हमें ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू दी है 30 रुपए, तो ये 30 रुपए की फेयर वैल्यू हम लॉक कर देंगे। आगे जाके मार्केट कंडीशन पूरी हो ना हो, मार्केट प्राइस पूरी हो ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी कहता है कि हमारे नंबर ऑफ मैनेजर्स के छोड़ने में कोई इंपैक्ट नहीं आया 30 जून 2015 तक, लेकिन 2016 में बैक ऑफिस मैनेजर से बैक ऑफिस सिर्फ एक ही बंदा गया है। अब 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 2, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 2 और 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 क्योंकि एक्चुअली सिर्फ एक ही गया। टाइम फैक्टर 1/3, 2/3 और 3/3। हर साल के आखिर में आपका एक्सपेंस और रिजर्व रिकॉर्ड होगा, बावजूद इसके कि मार्केट कंडीशन पूरी हो ना हो, बावजूद इसके कि मार्केट कंडीशन का टारगेट मीट हो ना हो, हम एक्सपेंस और रिजर्व तो रिकॉर्ड करेंगे ही। कितना कितना? पहले साल का रिजर्व 4 लाख और 4 लाख का एक्सपेंस, दूसरे साल का एक्सपेंस 8 लाख और 4 लाख का एक्सपेंस, और तीसरे साल 1,350,000 और एक्सपेंस 5,50,000। लेकिन बैक ऑफिस के केस में एक मॉडिफिकेशन भी हुई।
और वो मॉडिफिकेशन बेनिफिशियल थी, बेनिफिशियल इस सेंस में कि एक्सरसाइज प्राइस को कम किया गया, जब एक्सरसाइज प्राइस को कम किया गया तो फेयर वैल्यू बढ़ गई। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू कैसे आएगी सर, मॉडिफिकेशन से पहले 1 जनवरी 2016 पे, 1 जनवरी 2016 पे मॉडिफिकेशन डेट पे फेयर वैल्यू थी 5 रुपए, और मॉडिफिकेशन के बाद फेयर वैल्यू हो गई 14 रुपए। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू आएगी 14 माइनस 5 9। अब इस 9 की फेयर वैल्यू के अगेंस्ट, इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू के अगेंस्ट 9 की इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5,000 शेयर ऑप्शंस मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 1 9, और ये एकॉर्ड कर रहे हैं हम 30 जून 2016 पे। मॉडिफिकेशन हमारी हुई है 1 जनवरी 16 पे, तो 1 जनवरी 16 से लेकर 30 जून 16 तक सिर्फ 6 महीने का टाइम बचा है, सिर्फ 6 महीने का टाइम बचा है। तो टाइम फैक्टर वुड बी 6 मंथ्स डिवाइडेड बाय 6 मंथ्स, या 0.5 भी कर सकते हैं, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5, ये आ जाएगा 4,05,000 का एडिशनल एक्सपेंस। ये एडिशनल एक्सपेंस है, ये एडिशनल एक्सपेंस, और ये 5.5 लाख का एक्सपेंस अपनी जगह रिकॉर्ड रहेगा। अभी सारे नंबर्स तो मैंने कैलकुलेट कर लिए, लेकिन इसने हमें सवाल में कहा था कि वी हैव टू डिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो इसका मैं आईकेएम का सॉल्यूशन आपके सामने रीड करता हूं। एक मिनट रुकिएगा, मैं खोलूं सॉल्यूशन को। आईकेएम का सॉल्यूशन रीड करता है, आईकेएम क्या कहता है, सिंस ऑप्शन ग्रांटेड टू द बैक ऑफिस मैनेजर्स आर ग्रांटेड अंडर द नॉन मार्केट कंडीशन, एनी सब्सिक्वेंट चेंज इन द नॉन मार्केट कंडीशन फ्रॉम द प्रीवियस एस्टिमेट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट इन एस्टिमेटिंग द एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। चूंकि हमने मार्केटिंग मैनेजर्स को जो शेयर ऑप्शन ग्रांट किए थे वो सब्जेक्ट टू नॉन मार्केट कंडीशन थे, तो नॉन मार्केट कंडीशन के एस्टिमेट में अगर कोई चेंज आता है तो उसे अकाउंट फॉर किया जाएगा। सिंस एक्सवाइजी इज नॉट एबल टू अचीव द एवरेज 10% प्रॉफिट ड्यूरिंग द 3 ईयर्स द एक्सपेंस बुक टिल द प्रीवियस ईयर एंड, टिल द प्रीवियस ईयर एंड यानी कि टिल द 30 जून 2015 शुड बी रिवर्स थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, शुड बी रिवर्स थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। और ये 8,53,000 का अमाउंट हमने भी कैलकुलेट किया था, 8 मैनेजर्स, 50 माइनस 18 फेयर वैल्यू, 5,000 शेयर ऑप्शन, 2/3। 30 जून 15 तक हमने इतना एक्सपेंस और रिजर्व रिकॉर्ड किया हुआ था, 30 जून 16 में हम सारा का सारा रिजर्व थ्रू पीएनएल रिवर्स कर देंगे। फिर ट्रीटमेंट ऑफ शेयर ऑप्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बैक ऑफिस मैनेजर्स, सिंस ऑप्शन ग्रांटेड टू बैक ऑफिस मैनेजर्स आर बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन अंडर विच प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग द कंडीशन वॉज टेकन इन टू अकाउंट इन डिटरमाइनिंग द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन एट द ग्रांट डेट, एनी सब्सिक्वेंट चेंज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग द मार्केट कंडीशन हैज नो अफेक्ट ऑन द एक्सपेंस रिकॉग्निशन। यहां पे चूंकि मार्केट कंडीशन थी और मार्केट कंडीशन को ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू में इनकॉर्पोरेट कर दिया था, आगे जाके प्रोबेबिलिटी में चेंज आता है तो उससे एक्सपेंस के रिकॉग्निशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्दर मोर व्हेन अ मॉडिफिकेशन अकर्स ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड द इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज रिकॉग्नाइज्ड ओवर द टाइम फ्रॉम द मॉडिफिकेशन डेट अंटिल द डेट व्हेन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वेस्ट। जो हमने मॉडिफिकेशन करके इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू दी उससे हम रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड पे, उसे हम रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड पे एक्सपेंस आउट करेंगे। कहता है बाय कंसीडरिंग द अबव एक्सवाइजेड लिमिटेड शुड रिकॉर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस एट 30 जून 2016 टेकिंग द क्रेडिट इफेक्ट ऑफ द इक्विटी इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द मॉडिफिकेशन द इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। 14 माइनस 5 9 रुपए, 5,000 शेयर ऑप्शंस, 9 मार्केटिंग मैनेजर्स, तो 4,05,000 हमने भी ये 4,05,000 वर्कआउट किया था। एंड व्हेन ऑप्शन इज सेटल्ड एक्स वाई जी शुड रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग एक्सपेंस, जो ओरिजिनल एक्सपेंस था 9 रुपए, सॉरी 9 मैनेजर्स 30 की फेयर वैल्यू, 5,000 शेयर ऑप्शंस, 9 मैनेजर्स 30 की फेयर वैल्यू, 5,000 शेयर ऑप्शंस, इनका टोटल एक्सपेंस बनता है 13,50,000 यानी टोटल रिजर्व।
पिछले साल तक हम 8 मैनेजर्स के अगेंस्ट 30 की फेयर वैल्यू के अगेंस्ट 2 सालों का रिजर्व बना चुके थे। हमारा टोटल 13,50,000 के रिजर्व में से 8 लाख का रिजर्व पिछले साल ही बन गया था। एडिशनल एक्सपेंस 2016 का कितना है? 5.5 लाख। 5.5 सिंपल है। तो ये हमारे पास बहुत मुनासिब सवाल था, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था मॉडिफिकेशन के हवाले से। लेकिन हमारे पास इसी एंडआउट में फिर जो अगले सवाल आ रहे हैं वो थोड़े तगड़े, वो थोड़े मुश्किल हैं, इनको भी हम सॉल्व करेंगे, फिर हम नमाज ब्रेक ले लेते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगले जो दो क्वेश्चंस हमने कवर करना है, एक समर 2023 के अटेम्प्ट का और एक विंटर 2018 के अटेम्प्ट का। इन दोनों सवालों में हमसे मॉडिफिकेशन और मॉडिफिकेशन में स्पेसिफिकली एक ही वक्त में मल्टीपल मॉडिफिकेशन, एक बेनिफिशियल एक नॉन बेनिफिशियल, या दूसरे अल्फाजों में गिव एंड टेक मॉडिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। गिव एंड टेक मॉडिफिकेशन के कॉन्सेप्ट में हमने ये बात डिस्कस की है कि अगर मल्टीपल मॉडिफिकेशन एक वक्त में की जा रही है, कुछ फेवरेबल है कुछ अनफेवरेबल है, कुछ बेनिफिशियल है कुछ नॉन बेनिफिशियल है, तो आप गिव एंड टेक मॉडिफिकेशन का नेट इफेक्ट देखोगे और जो भी नेट इफेक्ट आ रहा होगा वो इवेल्युएट करोगे कि आदर वो बेनिफिशियल है या नॉन बेनिफिशियल है। अगर गिव एंड टेक फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल मॉडिफिकेशन का नेट इफेक्ट काउंटर पार्टीज के लिए बेनिफिशियल है तो इसे अकाउंट फॉर किया जाएगा, इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर गिव एंड टेक फेवरेबल अनफेवरेबल बेनिफिशियल नॉन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन का नेट इफेक्ट नॉन बेनिफिशियल है, हम इसे सिंपली इग्नोर कर देंगे। लेकिन जब हम गिव एंड टेक मॉडिफिकेशन के इन दो सवालों को देखेंगे तो इन दोनों सवालों में आपको एक चीज ये नजर आएगी कि गिव एंड टेक मॉडिफिकेशन में एक चीज क्वांटिफाइबल होगी, दूसरी चीज क्वांटिफाइबल नहीं होगी। और फिर हम इस रूल के तहत कि हम नेट इफेक्ट कैलकुलेट करें और नेट इफेक्ट की बेसिस पे कंक्लूड करें, हम इतनी आसानी से इन सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि हमने गिव एंड टेक मॉडिफिकेशन के केस में करना क्या है। देखिए फॉर एग्जाम्पल के गिव एंड टेक मॉडिफिकेशन की केस में आपका एग्जामिनर ये करता है, लेट से कि वो नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्रीज कर देता है, नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्रीज कर देता है और फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को डिक्रीज कर देता है। लेट से कि गिव एंड टेक मॉडिफिकेशन में नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है जो कि बेनिफिशियल है, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को डिक्रीज कर दिया जाता है जो कि नॉन बेनिफिशियल है। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि क्वांटिफाइबल है। क्या मतलब क्वांटिफाइबल है? नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्रीज किया जाता है तो जो एडिशनल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी वैल्यू, फेयर वैल्यू को डिक्रीज किया जाता है तो जो फेयर वैल्यू में कमी आ रही है वो डिक्रीज इन फेयर वैल्यू। ये दोनों आप वर्कआउट कर सकते हो, अब फिर आप इनका नेट इंपैक्ट देखोगे। अगर नेट इंपैक्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेट इंपैक्ट नेगेटिव आ रहा है, अगर नेट इंपैक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये नेट बेनिफिशियल है, इसे हम काउंट फॉर करेंगे। और अगर इंपैक्ट नेट इंपैक्ट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये नेट नॉन बेनिफिशियल है, इसे हम इग्नोर कर देंगे। क्या ये बात समझ आती है मैम? लेकिन अब ये तो एक ऐसी गिव एंड टेक मॉडिफिकेशन थी कि जिसमें जो बेनिफिशियल पार्ट या नॉन बेनिफिशियल पार्ट था ये क्वांटिफाइबल था। आपने नेट इंपैक्ट देखा और नेट इंपैक्ट बेनिफिशियल था तो अकाउंट फॉर किया, नेट इंपैक्ट नॉन बेनिफिशियल था आपने इग्नोर कर दिया। लेकिन व्हाट इफ कि वो ये करे कि नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्रीज कर रहा हो या फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्रीज कर रहा हो, नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स या फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को अगर इंक्रीज किया जा रहा है तो उसका मतलब ये बेनिफिशियल पार्ट है। लेकिन साथ साथ सर्विस कंडीशन को, साथ साथ वेस्टिंग पीरियड को भी वो इंक्रीज कर दे। अब सर्विस कंडीशन या वेस्टिंग पीरियड को अगर इंक्रीज किया जा रहा है तो ये नॉन बेनिफिशियल है, अब
अगर इस तरह की गिव एंड टेक मॉडिफिकेशन है कि एक तरफ नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को बढ़ाया जा रहा है जो कि बेनिफिशियल पार्ट है, लेकिन सर्विस कंडीशन को भी बढ़ाया जा रहा है जो कि नॉन बेनिफिशियल पार्ट है, या फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑप्शंस को बढ़ाया जा रहा है जो कि बेनिफिशियल है लेकिन साथ साथ सर्विस पीरियड्स भी बढ़ाया जा रहा है जो कि नॉन बेनिफिशियल है। अब आप इसे तो क्वांटिफाई कर सकते हो, आप इसे तो क्वांटिफाई कर सकते हो, क्यों? क्योंकि जो भी नंबर ऑफ एडिशनल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है वो मॉनिटरी अमाउंट होगी, या जो भी फेयर वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू होगी। लेकिन सर्विस पीरियड को अगर इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाता है तो मेरा ओवरऑल एक्सपेंस या ओवरऑल अमाउंट ऑफ बेनिफिट स्प्रेड कम या ज्यादा अमाउंट पे हो रहा होगा, कोई इसमें एडिशनल वैल्यू नहीं आ रही होगी, कोई इसमें एडिशनल वैल्यू नहीं आ रही होगी। अगर सर्विस पीरियड बढ़ाया जा रहा है तो एक्सपेंस का नंबर वही रह जाकर रहेगा, बस वो ज्यादा पीरियड पे स्प्रेड हो जाएगा। तो यानी कि इसको मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज समथिंग नॉट क्वांटिफाइबल। कह सकता है, लेकिन हम बीन एन अकाउंटेंट या बीन हैविंग द जो भी हमारे डेटा अवेलेबल है उसमें हम वो कैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी मनी को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या इंपैक्ट है, क्या बेनिफिट या क्या नॉन बेनिफिट। तो अभी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम करेंगे ये कि अगर हमारे पास एक बेनिफिशियल एक नॉन बेनिफिशियल और सर्विस पीरियड का साथ साथ इंक्रीज आ रहा है जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो अब जो भी आपके पास एडिशनल बेनिफिट है, जो भी आपके पास एडिशनल बेनिफिट है इसे मॉडिफाइड सर्विस कंडीशन या वेस्टिंग कंडीशन पे एक्सपेंस आउट किया जाएगा। सिंपल, जो भी मॉडिफाइड सर्विस पीरियड या मॉडिफाइड वेस्टिंग पीरियड है जो कि इंक्रीज होगा, इस एडिशनल बेनिफिट को चाहे वो नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हो रही हो चाहे फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, इस एडिशनल बेनिफिट को हम इस मॉडिफाइड वेस्टिंग पीरियड में एक्सपेंस आउट कर रहे हो। और ये जो मैं दोनों आपको मैंने एग्जाम्पल्स दी ना, ये दोनों एडिशनल एक्सपेंसेस हैं। जो ओरिजिनली एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा था वो तो अपनी जगह रिकॉर्ड होता रहेगा, जो ओरिजिनली शेयर बेस्ड पेमेंट था उसका एक्सपेंस तो अपनी जगह ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ही हम काउंट फॉर कर रहे होंगे। ये दोनों बातें हो सकता है अगेन इस तरीके से इतनी अच्छी समझना है, लेकिन अगले दो सवाल आप देखेंगे दोनों सवाल में ये कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रीड करते हैं, कहता है ऑन 1 जनवरी 2021 एस्टेल लिमिटेड ग्रांटेड 10,000 शेयर ऑप्शंस टू ईच ऑफ इट्स सिटी मैनेजर्स टू परचेज कंपनी शेयर एट ₹40 पर शेयर। द शेयर ऑप्शन विल वेस्ट एंड बिकम एक्साइजेबल अपॉन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स प्रोवाइडेड दैट द मैनेजर रिमेन इन सर्विस अंटिल द वेस्टिंग पीरियड। 1 जनवरी 2021 पे हमारी कंपनी ने 10,000 शेयर ऑप्शन ग्रांट किया 80 मैनेजर्स को ₹40 की एक्सरसाइज प्राइस, और एक्सरसाइजेबल बनने के लिए यानी कि ऑप्शन की वेस्टिंग के लिए 4 साल की सर्विस कंडीशन रखी गई है, 4 साल तक एम्प्लॉयज को मैनेजर्स को कंपनी के साथ रहना पड़ेगा। कहता है इन 2021 एंड 22 द शेयर प्राइस ऑफ द एएल हैज नॉट इंक्रीज एज एक्सपेक्टेड, द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू अमेंड द टर्म्स ऑफ द मॉडिफिकेशन इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2023। एनी ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एनी ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वुड बी मेड एज फॉलो। तीन तरह के अमेंडमेंट्स है, तीन तरह के अमेंडमेंट्स या तीन तरह की मॉडिफिकेशन है जो कि कंपनी सोच रही है। नंबर वन, एक्सटेंड द वेस्टिंग पीरियड टू 31 दिसंबर 2025, यानी कि अगर 1 जनवरी 2021 था और 4 साल की वेस्टिंग कंडीशन थी 31 दिसंबर 2024 पे ये वेस्ट होना था, पहले हम ये सोच रहे हैं कि हम वेस्टिंग पीरियड को बढ़ा दें 1 साल से एंड रिड्यूस द एक्सरसाइज प्राइस टू 30% एंड रिड्यूस द एक्सरसाइज प्राइस टू 30%। द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन इमीडिएटली आफ्टर द रिडक्शन इन एक्सरसाइज प्राइस वुड बी 22। द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन इमीडिएटली आफ्टर द एक्सरसाइज प्राइस वुड बी 22। तो अब यहां पे हमारे पास गिव एंड टेक दो तरह की मॉडिफिकेशन है, एक तो वेस्टिंग पीरियड को एक्सटेंड किया जा रहा है जो कि नॉन बेनिफिशियल है, और एक एक्सरसाइज प्राइस को रिड्यूस किया जा रहा है जो कि बेनिफिशियल है। इस पे आते हैं मजीद। पॉइंट नंबर 2 में कहता है इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस फॉर ईच मैनेजर टू 30,000। ओरिजिनली 10,000 शेयर ऑप्शंस थे,
अब हम हर मैनेजर के लिए शेयर ऑप्शंस को 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर रहे हैं, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन है। और स्कीम तीसरा अमेंडमेंट कि हम स्कीम को ही कैंसिल कर दें। जब हम स्कीम को ही कैंसिल करते हैं तो फिर यहां पर तो हमारे पास कैंसिलेशन अकाउंटिंग होगी, और अगर इक्विटी स्टेटस शेयर बेस्ड पेमेंट को कैंसिल किया जाए तो फिर हम एक्सेलरेटेड अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। अब हमारे पास टेबुलर फॉर्म में बहुत सारे डाटा है। द मैनेजमेंट हैज गैदर्ड द फॉलोइंग एक्चुअल एंड फोरकास्टेड इन्फॉर्मेशन। हमारे पास मैनेजर्स इन एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट डेट्स पे अवेलेबल है, और ये डेट्स क्या क्या है, 1 जनवरी 21, 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2023 और 31 दिसंबर 2024। कितने लोग हमारी इंप्लॉयमेंट में अभी भी है। मैनेजर्स एक्सपेक्टेड टू लीव ड्यूरिंग द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड। कितने लोग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में चले जाएंगे। फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर, फेयर वैल्यू ऑफ ईच ओरिजिनल शेयर ऑप्शन एंड फेयर वैल्यू ऑफ ईच मॉडिफाइड शेयर ऑप्शन एज पर पॉइंट वन अबव एज पर अमेंडमेंट नंबर वन। ये बहुत सारा डेटा है जो कि हमें इन डिफरेंट डेट्स के ऊपर दिया हुआ है। रिक्वायरमेंट में क्या कहता है, रिक्वायरमेंट में कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट्स रिलेटेड टू द शेयर ऑप्शन स्कीम दैट आर ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 एंड 31 दिसंबर 2022। यानी कि अभी आप भूल जाएं इन अमेंडमेंट्स को, आप बस ये बताएं कि ये जो ओरिजिनली शेयर बेस्ड पेमेंट ग्रांट किया गया था 2021 और 2022 में क्या क्या अमाउंट ऑफ एक्सपेंस या रिजर्व रिकॉर्ड हुआ, 3 मार्क के वेटेज बस। पॉइंट नंबर टू, फॉर ईच अमेंडमेंट अंडर कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। ये 3 अमेंडमेंट्स हैं जो कि मैनेजमेंट कंसिडर कर रही है, ये तीनों अलग अलग हैं। कैलकुलेट द अमाउंट रिलेटेड टू शेयर ऑप्शन स्कीम टू बी रिकॉर्डेड इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 एंड 2024। इन तीनों प्रोपोस्ड अमाउंट अमेंडमेंट्स के नतीजे में हमारे 2023 और 2024 में क्या नंबर्स रिकॉग्नाइज होंगे ये हमें बताने हैं। अब यहां देखिएगा हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आसान वाला पार्ट, समर 23 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। और रिक्वायरमेंट नंबर वन को अकाउंट फॉर करने के लिए मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगा। हमारे पास ईयर एंड फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टाइम फैक्टर शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व और एक्सपेंस या उसका रिवर्सल। सवाल की रिक्वायरमेंट के पहले पार्ट में मुझसे 2021 और 22 के नंबर्स मांगे गए, तो 31 दिसंबर 2021 31 दिसंबर 2022 ओरिजिनली 10,000 शेयर ऑप्शंस ग्रांट किए गए थे, 40 रुपए की एक्सरसाइज प्राइस थी और 1 जनवरी 21 ग्रांट डेट थी। तो 1 जनवरी 21 की ग्रांट डेट पे जो फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर ऑप्शन यानी कि 29 है, ये हमारे लिए रेलेवेंट है। तो 29 की फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट हमारे लिए लॉक हो जाएगी। 10,000 शेयर ऑप्शंस और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सर 80 मैनेजर्स को ये ग्रांट किया गया था। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हम हर साल के आखिर में देख रहे होंगे, पहले साल के आखिर में हमारे पास 76 लोग हैं
यानी पहले साल के आखिर में चार लोग ऑलरेडी जा चुके हैं और हमें लगता है कि रिमेनिंग अरसे के अंदर मजीद सात लोग चले जाएंगे, तो पहले साल के आखिर में ये हो जाएगा 76 - 4 72, सॉरी सॉरी सर, 76 - 7 इज इक्वल्स टू 69। दूसरे साल के आखिर में हमारे पास 74 लोग हैं, यानी कि ऑलरेडी 6 लोग जा चुके हैं और हमें लगता है कि अभी मजीद 4 लोग चले जाएंगे, तो 74 - 4 इज इक्वल्स टू 70। और ओरिजिनली जो शेयर बेस पेमेंट ग्रांट किया गया था इसमें सर्विस कंडीशन 4 साल की थी, जिसमें से 2 साल गुजर गए, तो 1/4 और 2/4। सॉरी 5 मिलियन 2.5 लाख सही लिखा है, तो पहले साल आ गया 500 - 500, यही पहले साल का एक्सपेंस भी होगा। दूसरे साल 5147 500। क्या ये समझ आता है मैं? Yes. तो ये तो सवाल का पहला पार्ट था, ये तो सवाल का पहला पार्ट था, बहुत आसान पार्ट। अब हम सवाल की रिक्वायरमेंट के सेकंड पार्ट पे आते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर टू, और रिक्वायरमेंट नंबर टू में अमेंडमेंट नंबर वन, कौन से देखिएगा इस पार्ट को, सबसे ज्यादा मुश्किल यही है, बाकी ये तो बहुत आसान है। अमेंडमेंट नंबर वन में कह रहे हैं कि हम वेस्टिंग पीरियड को 1 साल से बढ़ा देंगे जो कि नॉन बेनिफिशियल है, लेकिन हम एक्सरसाइज प्राइस को रिड्यूस कर देंगे जो कि बेनिफिशियल है। अब ये नॉन बेनिफिशियल पार्ट नॉन क्वांटिफायबल है और बेनिफिशियल वाला पार्ट क्वांटिफायबल है, क्योंकि इससे फेयर वैल्यू में चेंज आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, कि जो ओरिजिनल ग्रांट किया था वो तो ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए ही हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हमने 2021, 2022, 2021-2022 में 29 की फेयर वैल्यू, 10,000 शेयर ऑप्शंस और 69 और 70 मैनेजर्स, 1/4, 2/4 और 5002-500 और 101500000, 5002-500 और 5147500। ये काम तो हमने ऑलरेडी पिछले 2 सालों में किया हुआ था। हम 2023 और 2024 के लिए जो मॉडिफिकेशन हुई उसे फॉर द टाइम भी छोड़ देते हैं, करेंगे मॉडिफिकेशन को अभी, भूल जाओ। अगर ये मॉडिफिकेशन ना भी हुई होती तो ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से तुम क्या करते? सर ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से मैं ये करता कि मेरी फेयर वैल्यू एट द ग्रांटेड 29 ही रहती, मेरे नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन 10,000 ही रहते, मेरा टाइम फैक्टर 3/4, 4/4 आता और नंबर ऑफ मैनेजर्स तीसरे साल के आखिर में 73 है, जिसमें मुझे लग रहा है कि मजीद दो लोग 14 साल में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 73 - 2 = 71। और 14 साल के आखिर में 70 लोग हैं, जिसमें से मुझे लग रहा है कि मजीद दो लोग छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन नहीं, ओरिजिनल शेयर बेस पेमेंट में तो 4 साल की सर्विस कंडीशन थी, तो जिन लोगों ने 4 साल की सर्विस कंडीशन पूरी कर ली उनका एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। ये जो मजीद दो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये तो मॉडिफाइड होने की वजह से था कि वो जो 1 साल बढ़ा दिया था,
2024 के आखिर में कितने लोग हैं? 70। तो 70 कितना आ रहा है? 15,442,500। 23 लाख। सर 529,525। 2500। और ये नंबर 2024 का 20.3 मिलियन। और एक्सपेंस 487,500। 487,500। क्या ये समझ आता है कि मैंने बिल्कुल वैसे अकाउंट कॉल किया एज इफ ये मॉडिफिकेशन हुई ना होती। अब आते हैं इसकी मॉडिफिकेशन वाले पार्ट पे। अब आते हैं इसकी मॉडिफिकेशन वाले पार्ट पे। मॉडिफिकेशन वाले पार्ट पे हमें 2023 और 2024 में और हो सकता है 2025 में कुछ मजीद नया रिकॉर्ड करना होगा। वो मजीद नया क्या होगा? देखो, नॉन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन में हम एक साल का वेस्टिंग पीरियड बढ़ा रहे हैं, लेकिन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन में हम एक्सरसाइज प्राइस को कम कर रहे हैं। तो हमें यहां पर चाहिए इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू कितनी है? इन्होंने आगे लिखा है, द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन इमीडिएटली आफ्टर द रिडक्शन इन एक्सरसाइज प्राइस वुड बी 22। ये किस दिन हो रहा है? 1 जनवरी 2023 पे। 1 जनवरी 2023 पे मॉडिफिकेशन यानी कि एक्सरसाइज प्राइस कम करने की वजह से जो रिवाइज फेयर वैल्यू, जो इंक्रीज फेयर वैल्यू है, वो कितने है? 22। अब इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू के लिए 22, लेकिन ये 22 इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू नहीं है। इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा ओरिजिनल शेयर बेस्ड पेमेंट की फेयर वैल्यू ऑन द मॉडिफिकेशन डेट। ओरिजिनल शेयर बेस्ड पेमेंट की फेयर वैल्यू ऑन द मॉडिफिकेशन डेट वो कौन सी है? सर हम ये सब कब कर रहे हैं? 1 जनवरी 2023 पे। तो हमारे लिए फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर ऑप्शन 15 कंसिडर करेंगे? नहीं, 15 तो 31 दिसंबर 2023 है। 15 तो 31 दिसंबर 2023 है। हम ये मॉडिफिकेशन कब कर रहे हैं? 1 जनवरी 2023 पे। हमें 1 जनवरी 2023 चाहिए, तो 1 जनवरी 2023 के लिए मैं ये नंबर ले सकता हूं, 31 दिसंबर 2022 वाला। तो डेट्स ध्यान देखकर रेलेवेंट नंबर उठाना है कि मॉडिफिकेशन हो रही है 1 जनवरी 2023 पे। मॉडिफिकेशन होने के बाद इंक्रीज फेयर वैल्यू है 22 रुपए। मॉडिफिकेशन डेट पे हमें ओरिजिनल शेयर पेमेंट की फेयर वैल्यू चाहिए इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो वो ये 15 नहीं होगा, क्योंकि 15 तो फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2023 पर है। हमें 1 जनवरी 2023 यानी कि 31 दिसंबर 2022 ले सकता हूँ। तो वो कितना है? 12। तो इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू कितना आ गया? 10। नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन सर वो तो 10,000 ही रहेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा कि अगर गिव एंड टेक मॉडिफिकेशन में बेनिफिशियल पार्ट क्वांटिफायबल है, नॉन बेनिफिशियल पार्ट नॉन क्वांटिफायबल है, तो आपका जो बेनिफिशियल पार्ट का इंपैक्ट है उससे आप मॉडिफाइड सर्विस कंडीशन, मॉडिफाइड वेस्टिंग कंडीशन पे एक्सपेंस आउट करेंगे। यानी कि अगर 1 जनवरी 2023 में हमने इसको मॉडिफाई किया और एक साल इसकी लाइफ बढ़ा दी, एक साल के वर्किंग कंडीशन बढ़ा दिया, तो 1 जनवरी 2023 से एक साल बढ़ाने का मतलब है कि अब हमारे पास रिमेनिंग 3 ईयर्स, 2023, 2024 और 2025 भी। तो अब जो हमारा टाइम फैक्टर आएगा दैट वुड बी 1/3, 2/3 और 3/3। 31 दिसंबर 2023 पे हमारे पास 73 लोग थे और हमें लग रहा है कि मजीद 2 लोग जाएंगे, तो 73 माइनस 2 71। 31 दिसंबर 2024 में हमारे पास 70 लोग हैं, लेकिन यहां पे ये वाला 2 भी कंसिडर होगा, क्योंकि इस इंक्रीमेंटल बेनिफिट के लिए तो हमने 31 दिसंबर 2025 तक की वेस्टिंग कंडीशन रखी है। तो 70 माइनस 2, यहां पे हमने ऐसा नहीं किया था, लेकिन यहां पे हम 70 माइनस 2 भी करेंगे। और ये फिर हमारे पास अभी फिलहाल सवाल में गिवेन नहीं है। तो हमारे पास एडिशनल शेयर बेस्ड पेमेंट का रिजर्व और एडिशनल इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू जरा कैलकुलेट करें। 0.36 मिलियन। वन थ्री 4.5 फाइव
और एक्सपेंस फॉर द ईयर सेवन होता है 3-3 कैसे कैसे आ सकता है जब यहाँ 0-0 है तो यहाँ भी 0? आ अच्छा क्या ही समझ आ रहा है? मैं सर मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने पहली वाली मॉडिफिकेशन को देखा तो 1 साल से वेस्टिंग पीरियड बढ़ रहा था जो कि नॉन बेनिफिशियल पार्ट था, और एक्सरसाइज प्राइस रिड्यूस हो रही थी जो कि बेनिफिशियल पार्ट था। अब इस मॉडिफिकेशन को क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है वो देख लेंगे। पहले तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई जो ओरिजिनल है ना उसको पहले तुम अकाउंट फॉर कर लो, तो ईयर वन ईयर टू का जो एक्सपेंस पार्ट वन में सॉल्व किया था वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ईयर वन और ईयर टू का एक्सपेंस वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ईयर थ्री ईयर फोर के लिए ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस को ही देखा, यानी कि 29 की फेयर वैल्यू एट द ग्रांटेड लॉक थी, 10,000 शेयर ऑप्शन सवाल में गिवन थे, वेस्टिंग पीरियड 4 साल था, तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए ये देखा कि 4 साल की वेस्टिंग पीरियड के हिसाब से कितने एस्टिमेटेड एम्प्लॉयज हैं, 76 - 7, 74 - 4, 73 - 2 एंड 70, ये 2 माइनस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से पूरा हो गया, ये प्लॉट किया और एक्सपेंस और रिजर्व रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैं आया मॉडिफिकेशन पे, अमेंडमेंट पे, मॉडिफिकेशन में वो कह रहा था कि वेस्टिंग पीरियड इंक्रीज हो रहा है जिसको मैं क्या क्वांटिफाई करूं, टाइम पीरियड बढ़ रहा है ना, एक्सपेंस का नंबर थोड़ी आगे पीछे हो रहा है ओवरऑल, लेकिन एक्सरसाइज प्राइस कम हो रही थी जो कि बेनिफिशियल पार्ट था। तो इस केस में हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा, इस केस में हमने कॉन्सेप्ट भी देखा कि अगर बेनिफिशियल पार्ट क्वांटिफाइबल है, नॉन बेनिफिशियल पार्ट नॉन क्वांटिफाइबल है, तो जो भी बेनिफिशियल पार्ट है उसे आप मॉडिफाइड वेस्टिंग पीरियड पे एक्सपेंस आउट करें। तो मैंने क्या किया इसके लिए, इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू निकाली। इन्होंने कहा कि एक्सरसाइज प्राइस कम करने की वजह से इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड फेयर वैल्यू 22 है। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू के लिए ओरिजिनल शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू मॉडिफिकेशन डेट पे चाहिए, मॉडिफिकेशन हो रही है 1 जनवरी 2023 पे, तो 31 दिसंबर 22 पे हमारे पास ओरिजिनल शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू थी 12, तो 22 - 12 10 की इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू। अब ये एक्सटेंशन भी तो हो रही है वेस्टिंग पीरियड की, तो अब इसका मतलब है 1 जनवरी 23 से रिमेनिंग 3 साल रह गए, 23, 24, 25, तो 1/3, 2/3, 3/3, और इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू के लिए अब रिमेनिंग 3 साल की वेस्टिंग पीरियड है, तो रिमेनिंग 3 साल की वेस्टिंग पीरियड जितने एक्सपेक्टेड इंप्लॉइज पूरा करेंगे उनके लिए एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, यानी कि 2023 में 73 - 2 और 2024 के 70 - 2 कंसिडर किया जाएगा। क्या ये समझ आता है? मैं जी करीम कह सकते हैं आप, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी बात 100% सिनेरियोस में एप्लीकेबल हो, क्योंकि अगर मॉडिफिकेशन के नतीजे में वेस्टिंग पीरियड कम किया जा रहा है, नॉन मार्केट कंडीशन कम की जा रही है, तो फिर ओरिजिनल शेयर बेस पेमेंट को भी हम मॉडिफाइड सर्विस कंडीशन, मॉडिफाइड नॉन मार्केट कंडीशन की बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे, यानी कि रिड्यूस सर्विस पीरियड पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे, रिलैक्स नॉन मार्केट कंडीशन को देखते हुए रिकॉर्ड कर रहे होंगे। नहीं दाऊद, ये कोई थंब रूल नहीं है कि जब भी मॉडिफिकेशन होगी तो नई ग्रांट की फेयर वैल्यू लेंगे, ये तो देखना होता है कि मॉडिफिकेशन में अगर नंबर ऑफ शेयर्स एडिशनल दिए जा रहे हैं, अगर नंबर ऑफ शेयर्स एडिशनल दिए जा रहे हैं तो फिर नई फेयर वैल्यू लेंगे, लेकिन अगर एग्जिस्टिंग शेयर्स की शेयर ऑप्शंस की फेयर वैल्यू में इंक्रीज लाया जा रहा है तो फिर इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू लेंगे। तो ये थंब रूल नहीं है कि हम हमेशा ही न्यू फेयर वैल्यू के ऊपर एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, कहीं पे न्यू फेयर वैल्यू पे एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा जब नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस इंक्रीज किए जाए, कहीं पे इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू निकाली जाएगी जब एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ एक्सरसाइज प्राइस या फेयर वैल्यू में मॉडिफिकेशन की जाए। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में कहता है कि हम अमेंडमेंट करके नए शेयर ऑप्शन शेयर नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस को 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर देंगे।
नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस को अगर हम 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो मामला ओरिजिनली चल रहा था वो तो चलता ही रहेगा, जो मामला ओरिजिनली चल रहा था वो तो हमारा चलता ही रहेगा। तो यानी कि ये वर्किंग तो एज इट इज इस्तेमाल हो जाएगी। अमेंडमेंट नंबर 2 में ये वाला पार्ट तो हमारा एज इट इज इस्तेमाल हो जाएगा। एडिशनली हमने 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिए, तो एडिशनल इंक्रीमेंटल इंस्ट्रूमेंट कितने हो गए? 20,000। अच्छा, सेकेंड अमेंडमेंट में वेस्टिंग पीरियड में कोई चेंज नहीं किया गया, सेकेंड पीरियड में वेस्टिंग पीरियड में कोई चेंज नहीं किया गया, तो यानी कि हमारा वेस्टिंग पीरियड अभी भी 2024 तक है। तो 2023 और 2024 का एक्सपेंस, टाइम फैक्टर क्या होगा इसका? 1/2 और 2/2। अब फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट, फेयर वैल्यू एट द मॉडिफिकेशन डेट, जब ये 20,000 शेयर मजीद ऐड किए, इस वक्त इनकी फेयर वैल्यू चाहिए, इस वक्त इनकी फेयर वैल्यू चाहिए, तो सर 1 जनवरी 2023 पे, 1 जनवरी 2023 पे कौन सा नंबर लेंगे हम? 1 जनवरी 2023 पे जो 20,000 एडिशनल इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए कौन सी वैल्यू लूंगा? 12, 15, 25, 20, 30। 45 शेयर हो गए। 12, 15, 20, 25, 30। देखिए एक चीज ना अपनी आसानी के लिए वैसे ही कर दें कि अगर मॉडिफिकेशन 1 जनवरी 23 पे हो रही है ना, तो 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 24 वाली तो वैल्यू सबके लिए रेलिवेंट थी नहीं, कभी भी, कभी भी रेलिवेंट नहीं थी। यही वाला ही कॉलम रेलिवेंट बचा। देखो तुम 20,000 नए इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो लेकिन उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस में दे रहे हो जो ओरिजिनली चलती आ रही थी, तो इसका मतलब है कि हमें ओरिजिनल शेयर ऑप्शन की ही फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 22 12 लेनी पड़ेगी। 12 और 12। और इस सेकेंड अमेंडमेंट में हमने वेस्टिंग पीरियड को भी नहीं छेड़ा, सेकेंड अमेंडमेंट में हमने वेस्टिंग पीरियड को भी नहीं छेड़ा, वेस्टिंग पीरियड अभी भी 4 साल ही है, तो तीसरे साल के आखिर में 73 लोग हैं, मजीद लगता है कि 2 लोग जाएंगे, तो 73 -2 71, और 34 साल के आखिर में 70 लोग हैं जिनको ये वेस्ट हो गया 70। तो ये हमारे पास एक्सपेंस और रिजर्व का नंबर आ जाएगा। फाइव 8520000 3.8 और 16.8 मिलियन, 8.28 8.28000। क्या ये समझ आता है? मैं और सर सवाल का लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट में कहता है, लास्ट पार्ट में कहता है कि हमने शेयर बेस्ड पेमेंट को कैंसिल ही कर दिया, हमने 1 जनवरी 2023 पे शेयर बेस्ड पेमेंट को कैंसिल ही कर दिया। तो अब लास्ट पार्ट में अगर हमने इसे कैंसिल कर दिया तो अब यहां पे एसिलेटेड अकाउंटिंग होगी, इमीडिएट वेस्टिंग होगी, इमीडिएट वेस्टिंग के लिए 29 की फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट, 10,000 शेयर ऑप्शंस, और जब आप इसे कैंसिल कर रहे हो ना तब उस वक्त देखोगे कि उस वक्त कितने लोग हैं क्योंकि आप इमीडिएट वेस्टिंग वाली तरफ जा रहे हो। तो सर 31 दिसंबर 2022 पे कितने लोग हैं? 74। तो पूरे 74 लोगों का 4/4 कर लें, ये सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा ईयर 3 के एंड में। कितना? 21.46 21.46 मिलियन, लेकिन लेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन 2021 एंड 2022। हमने 2022 और 23 में ऑलरेडी कुछ रिकॉर्ड किया हुआ था जो मैंने पार्ट वन में कैलकुलेट किया था, और वो कितना था? 2022, सॉरी 21 और 22 में। पर्सनली तो इंटरेस्टिंग ये कोरोना केस पर्सनल पर्सनल क्यों भी यस, ये जो मैं एक्सपेंस का नंबर यहाँ कैलकुलेट करूंगा
ये जो हमारा एक्सेलरेटेड अकाउंटिंग होगी यानी कि इमीडिएट वेस्टिंग होगी, ये होगी 1 जनवरी 2023 में, जिसको हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। तो हमें ये देखना कि 1 जनवरी 2023 में कितने एम्प्लॉयज हैं। 31 दिसंबर 2023 है ये, तो 2023 का भी आखिर, लेकिन हम ये कब कर रहे हैं, 1 जनवरी 2023 में। तो 1 जनवरी 2023 में कितने एम्प्लॉयज होंगे जो 31 दिसंबर 2022 में थे, दैट इज 74, नॉट 73। सही है। ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन 2021 और 2022 कितना था सर, पार्ट वन में कैलकुलेट किया था 1015000, तो 1015000। तो अब कितना इमीडिएट एक्सपेंस 1 जनवरी 2023 में रिकॉर्ड कर देंगे, 11.0 11.3।1 मिलियन। तो यहां तक हमारे इस सवाल कंप्लीट हुआ जाता है, कॉपी करें सर इसका सॉल्यूशन, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर कैंसिलेशन की अगर आप अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, देखिए कैंसिलेशन की अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी कि ईयर वन ईयर टू में हम इतना इतना एक्सपेंस और इतना इतना रिजर्व बना चुके हैं। 1 जनवरी 2023 पे, 1 जनवरी 2023 में हमें क्या करना पड़ेगा, 1 जनवरी 2023 पे पहले तो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट 11310000, 11310000। और चूंकि फिर हमने इसे कैंसिल कर दिया, तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट और इक्विटी क्रेडिट 21460000, 21460000, हमने सारा रिजर्व इक्विटी में ट्रांसफर कर दिया। साला इनकम रिकॉर्ड नहीं करते, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनकम रिकॉर्ड नहीं करते लेकिन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। देखिए मॉडिफिकेशन के नतीजे में, तो फिर हमारे लिए मॉडिफिकेशन डेट की ही फिर वैल्यूज रेलिवेंट होंगी, चाहे फिर वो मॉडिफिकेशन मार्केट कंडीशन हो या कोई और हो। ये जो मैंने आपको सवाल सॉल्व करवाया है, इसमें हर अमेंडमेंट के तहत ही तो आपको बताया कि क्या क्या एडजस्टमेंट होगी। लाइक अमेंडमेंट नंबर वन के केस में 2023 में ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, साथ साथ ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। 2024 में ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, साथ साथ ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। सेकेंड अमेंडमेंट में 2023 में ये एक्सपेंस और ये एक्सपेंस, और 2024 में ये एक्सपेंस और ये एक्सपेंस, और थर्ड अमेंडमेंट में ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, और फिर सारा का सारा रिजर्व इक्विटी में चला जाएगा। जी सर मेरा सवाल है सर, जो सेकंड अमेंडमेंट है उसमें जो शेयर इंक्रीज हो रहे हैं सर, अगर इनका टाइम शेयर भी बढ़ जाता 25 सर, ये इसका बढ़ा तो हम उसका 1 साल और एक्सटेंड कर देते। यस, इन 20,000 का मेरा 1/3, 2/3, 3/3 का, क्योंकि वो एक नया ही ग्रांट बन गया, वो नई ग्रांट बन गई, उसको नए टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से देखें। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारे पास एक और सवाल है, विंटर 18 की अटेम्प्ट का, विंटर 18 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट ए 16 मार्क्स। ये भी एक अच्छा सवाल है, इसमें भी हमारे पास एक वक्त में एक से ज्यादा मॉडिफिकेशन हो रही है। रीड करते हैं और आप लोग पहले से सॉल्व करेंगे। ऑन 1 जनवरी 2014 कोरोला लिमिटेड ग्रांटेड शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 50 एग्जीक्यूटिव टू परचेस कंपनी शेयर एट ₹1000 पर शेयर। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, द शेयर ऑप्शन विल बे वेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय रिमेन इन सर्विस टिल द वेस्टिंग डेट एंड द शेयर प्राइस इंक्रीजेस टू 1500 पर शेयर। ईच एग्जीक्यूटिव विल रिसीव 4000 शेयर ऑप्शन इफ द एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड इज एटलीस्ट 900 मिलियन। हाउएवर इफ द एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट एक्सीड्स 1000, ईच एग्जीक्यूटिव वुड बी एंटाइटल्ड टू 6000 शेयर ऑप्शंस। अब यहां देखो,
1 जनवरी 2014 पे कंपनी ने अपने 50 एग्जीक्यूटिव को शेयर ऑप्शन ग्रांट किए, तो 1 जनवरी 2014 हमारे पास ग्रांट डेट बन गई। इस शेयर ऑप्शन में 1,000 रुपए एक्सरसाइज प्राइस है, 1,000 रुपए एक्सरसाइज प्राइस है। 3 साल के बाद ये वेस्ट होगा, यानी कि 3 साल हमारी सर्विस कंडीशन है, और वेस्ट होने के लिए जरूरी है कि कंपनी की शेयर प्राइस 1500 से 1500 तक इंक्रीज हो, यानी कि हमारे पास मार्केट कंडीशन है। फिर पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि हम 4,000 शेयर ऑप्शन देंगे उस वक्त जब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 900 मिलियन हो अगले जो भी 3 साल है उसके अंदर। लेकिन अगर एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट 1,000 मिलियन से एक्सीड कर गया, 1,000 मिलियन से एक्सीड कर गया, तो फिर इस केस में हम 6,000 शेयर ऑप्शन देंगे। यानी कि पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है डिपेंडिंग अपॉन नॉन मार्केट कंडीशन। लेकिन इसे प्रॉपरली रीड करना है, कह रहे 4,000 ऑप्शन देंगे अगर कम से कम 900 मिलियन का प्रॉफिट हो एवरेज, और अगर प्रॉफिट एवरेज 1,000 मिलियन से ज्यादा हुआ तो 6,000 शेयर ऑप्शन देंगे। यानी कि वो तुम्हें क्या कहना चाह रहा है, वो ये तुम्हें ये कहना चाह रहा है कि अगर एवरेज प्रॉफिट 900 से भी कम है तो फिर नो शेयर ऑप्शंस। अगर एवरेज प्रॉफिट 900 मिलियन से 1,000 मिलियन तक है तो फिर 4,000 शेयर ऑप्शंस, और अगर एवरेज प्रॉफिट 1,000 मिलियन से ज्यादा हो जाता है तो फिर 6,000 शेयर ऑप्शंस। देखो यहां पे अगर एवरेज प्रॉफिट 900 मिलियन से कम हुआ तो नो शेयर ऑप्शंस, यानी कि अगर एवरेज प्रॉफिट 900 मिलियन से कम हुआ तो फिर सारा रिजर्व भी रिवर्स हो जाएगा, कोई फर्दर एक्सपेंस भी रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल देखा था, ये वाला, इस सवाल को सॉल्व करवाने के बाद मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि सर जब प्रॉफिट टारगेट अचीव नहीं हुआ था तो आपने रिजर्व को रिवर्स क्यों नहीं किया, आपने एक्सपेंस को पीनल से रिवर्स क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां कुछ और लिखा है। यहां ये लिखा था कि एक्सरसाइज प्राइस 90 होगी हर हाल में, लेकिन अगर प्रॉफिट टारगेट अचीव हुआ तो एक्सरसाइज प्राइस 50 होगी। यानी यहां प्रॉफिट टारगेट अचीव ना भी होता तो भी 90 का शेयर मिलता, प्रॉफिट टारगेट अचीव हो जाता तो 50 का शेयर मिलता, लेकिन शेयर मिलना ही मिलना था। यहां जो अभी सवाल लिख कर रहा हूं उसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये क्या कह रहा है, कह रहा है कम से कम 900 मिलियन का प्रॉफिट होगा तो 4,000 शेयर ऑप्शन दूंगा, यानी कि अगर 900 मिलियन से कम प्रॉफिट हुआ तो फिर तो कोई शेयर ऑप्शन नहीं मिलेंगे, और अगर 1,000 से ज्यादा हो गया प्रॉफिट तो फिर 6,000 शेयर ऑप्शन दूंगा। तो यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन नॉन मार्केट कंडीशन है। फिर आगे कहता है ऑन 1 जनवरी 2016, देखो 3 साल की सर्विस कंडीशन थी तो 1 जनवरी 2014 से लेकर 1 जनवरी 2016 तक 2 साल गुजर चुके हैं, आखिरी साल है। ऑन 1 जनवरी 2016 कंपनी एक्सटेंडेड द वेस्टिंग पीरियड टू 31 दिसंबर 2017 एंड रिड्यूस द एक्सरसाइज प्राइस टू 900 पर शेयर। ऑन 1 जनवरी 2016 फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन वॉज 480 फॉर द ओरिजिनल शेयर ऑप्शन बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ रिप्राइसिंग एंड 710 फॉर द रिप्राइस शेयर ऑप्शन। यहां पे भी पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास दो मॉडिफिकेशन है, एक तो वेस्टिंग पीरियड को 31 दिसंबर 2017 तक 1 साल से बढ़ाया जा रहा है जो कि नॉन बेनिफिशियल है, और एक एक्सरसाइज प्राइस को रिड्यूस किया जा रहा है जो कि बेनिफिशियल है। इस एक्सरसाइज प्राइस की रिडक्शन की वजह से 1 जनवरी 2016 पे जो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन है वो 580 से बढ़कर 710 हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू आ गया। हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है 1 जनवरी 2014 पे, 31 दिसंबर 2014, 15, 16 और 17 पे, कितने इंप्लॉयमेंट अभी भी है, कितने लोग फ्यूचर में चले जाएंगे, कितना प्रॉफिट है रेलिवेंट ईयर का, फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर, फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर, फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑप्शन। फिर आगे एक बात कह रहा है, एट ईच ईयर एंड कंपनी एस्टिमेटेड दैट द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द फ्यूचर ईयर वुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम एज द करंट ईयर। इस जुमले का क्या मतलब है, वेस्टिंग के लिए जरूरी था
कि इन 3 सालों में एनुअल प्रॉफिट कम से कम 900 या 1000 से ज्यादा हो। तो ये कह रहा है कि हर ईयर एंड पे जो उस साल का प्रॉफिट होता है ना, हमें लगता है अगले सालों में भी वही प्रॉफिट होगा। यानी कि जब ईयर 1 का एंड आया ना, तो 14 सॉरी ईयर 1 का जब एंड आया ना, तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 940। यानी कि हम समझ रहे हैं कि रिमेनिंग सालों में भी 940 ही होगा। जब ईयर 2 का एंड आया, तो ईयर 1 का तो एक्चुअल प्रॉफिट ही लिया जाएगा, ईयर 2 का तो एक्चुअल प्रॉफिट ही लिया जाएगा, ईयर 3 में 820 का प्रॉफिट अस्यूम किया जाएगा और फिर एक एवरेज लिया जाएगा। ईयर 3 का एंड आया तो ये भी एक्चुअल लेंगे, ये भी एक्चुअल लेंगे और फिर ये भी एक्चुअल लेंगे और एक एवरेज देख रहे होंगे, और फिर इसी तरह से ईयर 4 में कर रहे हो। रिक्वायरमेंट में कहता है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर ऑप्शन इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014, 15, 16 एंड 17 एंड एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशन। तो जरा सॉल्व करते हैं सवाल को खुद से। चलिए सर, यहां देखिए मैं सॉल्व करवा देता हूं इस सवाल को। विंटर 18 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। देखिए इस सवाल में मॉडिफिकेशन भी है, मार्केट कंडीशन भी है, सर्विस कंडीशन भी है, वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन नॉन मार्केट कंडीशन भी है। तो थोड़ा सा चीजों को अगर समेटे समेटने की कोशिश करें, हमें इतना पता है कि मार्केट कंडीशन की बेसिस पे या तो शेयर ऑप्शंस होंगे या नहीं होंगे, या 4,000 होंगे या 6,000 होंगे। तो पहले तो मैं हर ईयर एंड के आखिर में ये देख लेता हूँ, मुझे 4 सालों के लिए काम करना है, हर ईयर एंड पे ये देख लेता हूँ कि मेरा एवरेज प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन क्या था। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 31 दिसंबर 2014 के आखिर में हूं, अगर मैं 31 दिसंबर 2014 के आखिर में हूं, तो 3 साल की सर्विस कंडीशन और 3 साल की सर्विस कंडीशन को देखते हुए 31 दिसंबर 2014 पे एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया, 940। तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट भी कितना होगा, 940 प्लस 940 प्लस 940 डिवाइडेड बाय 3, ये 940 ही बनेगा। इसी तरीके से 31 दिसंबर 15 पे 2014 का प्रॉफिट है 940 एक्चुअल, 2015 का प्रॉफिट है 820 और 2016 का भी एक्सपेक्टेड 820। कितना, 800। अगर 31 दिसंबर 16 पे एवरेज देखें तो 940 प्लस 820 एक्चुअल और 2016 का एक्चुअल 1270। बस 1010। अगर मैं इस प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस देखूं, तो 940 का प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस की एंटाइटलमेंट कितनी होगी, 4,000। 860 का प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस की एक्सपेक्टेशन कितनी होगी, 0। और 1,000 से ज्यादा का आ रहा है प्रॉफिट, तो नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस की कितने होंगे, 6,000। तो मैंने एक तो नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस वर्कआउट करने के लिए ये एक जगह कर दिया। अब हम एक टेबल बनाते हैं, पहले तो हम मॉडिफिकेशन को भूल जाएंगे और मॉडिफिकेशन को डिसरिगार्ड करते हुए, क्योंकि मॉडिफिकेशन बेनिफिशियल नॉन बेनिफिशियल ये सारी चीजें थी, तो बिल्कुल डिसरिगार्ड करते हुए हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास ईयर एंड, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन, नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन, नंबर ऑफ एम्प्लॉई, टाइम फैक्टर, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व
एक्सपेंस सर ओरिजिनली 1 जनवरी 14 पे ग्रांट किया था विथ 3 ईयर सर्विस कंडीशन, तो ओरिजिनली 3 साल पे 2014, 2015 और 2016। फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन एट द ग्रांट डेट, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन एट द ग्रांट डेट, तो ग्रांट डेट इज 1 जनवरी 14 और फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन एट द ग्रांट डेट इज 600। तो 600, 600, 600, इन तीनों ईयर पे कितने कितने शेयर ऑप्शन वेस्ट होंगे ये भी हमने वर्कआउट कर लिया था। तो 4000, 0, 6000, टाइम फैक्टर आ जाएगा 1/3, 2/3, सॉरी एन 3/3। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पहले साल के आखिर में 47 लोग हैं और एक्सपेक्टेड है कि मजीद 8 चले जाएंगे, तो 47 - 8 39। दूसरे साल के आखिर में 44 लोग हैं और एक्सपेक्टेड है कि 4 मजीद चले जाएंगे, तो 44 - 4 40। तीसरे साल के आखिर में 43 हैं लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 2 लोग चले जाएंगे, तो 43 - 2 नहीं करेंगे क्योंकि ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस कह रहा है 3 साल के सर्विस पीरियड थे, जो 43 लोग थे उनकी ओरिजिनल वेस्टिंग होनी है। तो जल्दी से मुझे रिजर्व और एक्सपेंस का नंबर बता दो तीनों सालों में। 21.2, 31.2, 31.2, 0, 31.2, 154.8, 154.8। तो ये तो ओरिजिनल था, ओरिजिनल शेयर बेस पेमेंट था जो कि आसानी से अकाउंट फोर हो गया। अब मॉडिफिकेशन में क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2016 पे हमने 1 साल का वेस्टिंग पीरियड बढ़ा दिया, एक्सरसाइज प्राइस को कम कर दिया। 1 जनवरी 2016 पे ओरिजिनल शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू 580, नए शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू 710। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू लें, और अब हमें जो रिकॉर्ड करना होगा एक्सपेंस वो 2016 2017 क्योंकि वेस्टिंग पीरियड 1 साल से बढ़ रहा है। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू कितनी होगी, 710 - 580, 130, 130। 2016 के आखिर में 6000 शेयर ऑप्शन, और अगर आप 2017 का प्रॉफिट देखेंगे ना 1200, तो आपका एवरेज 6000 से ज्यादा ही होगा, तो यहाँ भी 6000 शेयर ऑप्शन। अच्छा अब यहां पर हमने 43 इंप्लॉयज लिए थे लेकिन मॉडिफाइड वालों के लिए 1 साल का वेस्टिंग पीरियड बढ़ गया है, तो 43 - 2 41, और 2017 के आखिर में एक्चुअली 42 लोग हैं और इनके लिए भी टाइम पीरियड 1/2 और 2/2, 15.99, 15.99, 15.99, 32.5, 32.76, और एक्सपेंस। 16.97। तो यहां तक हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। कॉपी करें इसे, इस सवाल में आपसे सिर्फ नंबर कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा था बल्कि एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशन भी कही थी, जिसका मैं आईकैप का सोल्यूशन भी ओपन कर लेता हूं, हम उसे भी रीड कर लेते हैं। मीनवाइल आप इसके सोल्यूशन को देखें। चार याद है कि सर मैंने आपके सामने आईक्यूब का सॉल्यूशन ओपन किया है, तो हमारे पास अमाउंट रिकॉर्डेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर ऑप्शन इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज फॉलो।
2014 में 31.2 का रिजर्व, 31.2 का एक्सपेंस, हमने भी 31.2 का रिजर्व, 31.2 का एक्सपेंस। 2015 में नो रिजर्व, 31.2 के एक्सपेंस का रिवर्सल। 2015 में नो रिजर्व, 31.2 का रिवर्सल। 2016 में 154.8 का एक्सपेंस रिजर्व और 154.8 का रिजर्व और 15.99 का फर्दर रिजर्व और 15.99 का एक्सपेंस, हमने भी ये किया था। 154.8, 154.8 और 15.99 हमने यहां पे दिखाया था 2014 में। और 2017 में 32.76 का रिजर्व एक जगह और 16.77 का एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो 32.76 का रिजर्व एक जगह और 16.77 का एक्सपेंस एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब इन्होंने ना पूरी इसकी बेसिस एक्सप्लेन की है और थोड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है इन्होंने, मैं रीड करता हूं। कहता है एक्सप्लेनेशन ऑफ बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, सर्विस कंडीशन नंबर ऑफ एग्जेक्टिव। सर्विस कंडीशन शेल बी टेकन इन टू अकाउंट बाय एडजस्टिंग द नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एग्जेक्टिव दैट वुड रिमेन इन सर्विस टिल वेस्टिंग डेट एट ईच ईयर एंड। कि हर ईयर एंड पे आप ये देखोगे कि कितने एग्जेक्टिव सर्विस कंडीशन वेस्टिंग कंडीशन को पूरा करेंगे। परफॉर्मेंस कंडीशन नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस की बेसिस पे, जो कि नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन से लिंक थी। परफॉर्मेंस कंडीशन अदर देन मार्केट कंडीशन, यानी कि नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन शैल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय एडजस्टिंग द नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट एट ईच ईयर एंड। इन दिस रिस्पेक्ट नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड एनुअल एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड एज वर्कआउट बिलो। तो 2014 का एवरेज, 2014 में 3 सालों का एवरेज बन रहा था 940, तो नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस 4,000। 2015 में 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट बन रहा था 860, तो नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस 0। 2016 में 3 सालों का एवरेज बन रहा था 1,010, तो नंबर ऑफ शेयर ऑप्शन 6,000। और 2017 में भी 4 सालों का एवरेज 1,058 ही आना था, 6,000। फिर मार्केट कंडीशन फेयर वैल्यू पर ऑप्शन, हमें पता है मार्केट कंडीशन फेयर वैल्यू में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, आगे जाके मार्केट कंडीशन को देखना ही नहीं है। मार्केट कंडीशंस आर ओनली टेकन इनटू अकाउंट व्हेन एस्टिमेटिंग द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन एट द मेजरमेंट डेट एंड द कंपनी शुड रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द मार्केट कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एट ईयर एंड प्रोवाइडेड ऑल अदर वेस्टिंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मार्केट कंडीशन पूरी हो ना हो, हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे अगर बाकी वेस्टिंग कंडीशंस यानी कि सर्विस कंडीशन और नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन पूरी हो रही है। वेस्टिंग पीरियड द एक्सपेंसेस इज स्प्रेड ओवर द वेस्टिंग पीरियड। At the grant date, the vesting period was 3 years, which was subsequently revised to 4 years on 1 January 2016. और फिर मॉडिफिकेशन में इन्होंने बताया, मॉडिफिकेशन में इन्होंने बताया कि एक्सटेंशन ऑफ वेस्टिंग पीरियड एंड रीप्राइसिंग ऑफ द ऑप्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी मॉडिफिकेशन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज एज अ मिनिमम 3 ईयर सर्विस रिसीव मेजर्ड एट द ग्रांट डेट ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। So for 2016 expense will be recorded for 43 executive who have served the original vesting period of 3 years at fair value of the option measured at the grant date. क्या modification में क्या होगा क्या नहीं? Original arrangement के तहत तो जो expense record होना था 3 सालों में वो record होगा ही। तो 43 लोग ऐसे थे जिन्होंने 3 साल पूरे किए थे, तो grant date की fair value पे 43 लोगों का as per the number of share options हमने expense record कर। फिर आगे कहता है मॉडिफिकेशन ऑफ द वेस्टिंग कंडीशन इज अ मैनर दैट इज नॉन बेनिफिशियल इंक्रीज इन वेस्टिंग पीरियड वुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। जब हमने इन ओरिजिनल के अगेंस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, तो ये जो नॉन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन थी जिसमें वेस्टिंग पीरियड इंक्रीज हो रहा था, इसे हमने अकाउंट फॉर नहीं किया। हाउएवर रीप्राइसिंग ऑफ द ऑप्शन इज बेनिफिशियल, देयरफॉर इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन दैट इज इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू वुड बी एक्सपेंस आउट ओवर द पीरियड बिटवीन द मॉडिफिकेशन डेट एंड द न्यू वेस्टिंग डेट एंड द न्यू एक्सपेक्टेड वेस्टिंग डेट। यानी कि हमने इसे फिर यहां से रिमेनिंग 2 ईयर्स में अमोटाइज या एक्सपेंस आउट। तो यहां तक हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ इक्विटी से शेयर बेस्ड पेमेंट का कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ कैश से शेयर बेस्ड पेमेंट के हवाले से बिल्कुल भी आपको कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट की मॉडिफिकेशन के नतीजे में, चाहे बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन हो चाहे नॉन बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन हो, हम ईयर एंड पे लायबिलिटी रिकॉर्ड करते वक्त
रिवाइज टर्म्स को देखते हुए देखेंगे कि लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी, कितनी रिकॉर्ड होगी कितनी रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि तो वहां पे आप लायबिलिटी से डील कर रहे हो, इक्विटी होल्डर से डील नहीं कर रहे। फिर इसके बाद हमारे पास IFRS 2 के अंदर एक सिंपल सा एरिया है, कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी सेट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट का। हमने एक सवाल देखा था जिसके अंदर कैंसिलेशन का इंपैक्ट आया था, बाकी जो कैंसिलेशन के एरियाज हैं उनको मैं रीड डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, कैंसिलेशन ऑफ इक्विटी सेट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट में हम क्या करते हैं कि हमने काउंटर पार्टीज को इक्विटी सेट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट ग्रांट कर रखी थी, उसे कैंसिल कर दिया, उसे कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर मल्टीपल बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि कैंसिलेशन विदाउट कंपनसेशन हो, यानी कि कैंसिल कर दिया, कोई कंपनसेशन नहीं थी, जैसा कि हमने लास्ट से लास्ट सवाल में देखा था, जैसा कि हमने लास्ट से लास्ट सवाल में देखा था कि सिर्फ स्कीम कैंसिल हो गई, दैट्स इट। या फिर कैंसिलेशन के अगेंस्ट कुछ कंपनसेशन दी जा रही हो। अब कैंसिलेशन के अगेंस्ट जो कंपनसेशन है, हो सकता है कि वो कैश की फॉर्म में हो सकता है कि वो न्यू इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में हो सकता है कि वो कैश की फॉर्म में हो सकता है कि वो न्यू इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में हो। अगर कैंसिलेशन विदाउट कंपनसेशन है, सर हम एसिलरेटेड अकाउंटिंग करेंगे, यानी कि इमीडिएट वेस्टिंग कंसिडर करते हुए सारा का सारा फ्यूचर एक्सपेंस फॉरन रिकॉर्ड कर देंगे। अगर कैंसिलेशन विद कैश कंपनसेशन है तो भी एसिलरेटेड अकाउंटिंग होगी, सारा का सारा फ्यूचर एक्सपेंस फॉरन ही रिकॉर्ड हो जाएगा, और जो आप कैश पेमेंट कर रहे हो इसे एज अ रिपर्चेज ऑफ इक्विटी कंसिडर करोगे, इसे एज अ रिपर्चेज ऑफ इक्विटी कंसिडर करोगे, यानी कि आप कितना कंपनसेशन दे रहे हो बदले में, जो एक तरीके से इक्विटी रिपर्चेस कर रहे हो वो ये इक्विटी का रिपर्चेस है। अगर आपकी कंपनसेशन इक्विटी की फेयर वैल्यू, अगर आपकी कंपनसेशन इक्विटी की फेयर वैल्यू एट द कैंसिलेशन डेट से ज्यादा है, जो भी आप एक्सेस प्राइस पे कर रहे हो फेयर वैल्यू से ज्यादा पे कर रहे हो, वो आपका एक्सपेंस है, बाकी सब कुछ इक्विटी में एडजस्ट होता है। अगर कैंसिलेशन के नतीजे में न्यू शेयर बेस्ड पेमेंट ग्रांट किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि ये जो न्यू शेयर बेस्ड पेमेंट ग्रांट किया गया, क्या ये आइडेंटिफाइड एस रिप्लेसमेंट अवार्ड है, क्या ये आइडेंटिफाइड एस रिप्लेसमेंट अवार्ड है, या ये नॉट आइडेंटिफाइड एस रिप्लेसमेंट अवार्ड है। अगर न्यू शेयर बेस्ड पेमेंट ग्रांट किया गया वो आइडेंटिफाइड एस रिप्लेसमेंट अवार्ड है, इस केस में हम क्या करेंगे? सर, हम जो कैंसल शेयर बेस्ड पेमेंट है रिज्यूम करेंगे कि वो कैंसल हुआ नहीं, उसका एक्सपेंस रूटीन मैनर में रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू का इंपैक्ट आएगा, जो भी इंक्रीमेंटल का फेयर वैल्यू का इंपैक्ट आएगा, क्योंकि आपने एक कैंसिल करके एक नया ग्रांट कर दिया, उस इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू पे हम मॉडिफिकेशन वाला काम कर रहे होंगे कि इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू के ऊपर रिमेनिंग या रिवाइज टर्म पे एक्सपेंस आउट करें। अगर कैंसिलेशन के नतीजे में न्यू इक्विटी सेट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट है और ये आइडेंटिफाइड एज रिप्लेसमेंट अवार्ड है, तो यहाँ पे एसिलरेटेड अकाउंटिंग नहीं होगी, यहाँ पे एसिलेटेड अकाउंटिंग नहीं होगी, यहाँ पे जो कैंसिल हो गया वो नॉर्मल मैनर में, यानी कि नॉर्मल वेस्टिंग पीरियड पे एक्सपेंस आउट होगा, और जो इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू है इसे जो भी रिमेनिंग मॉडिफाइड वेस्टिंग पीरियड है उसमें इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू का एक्सपेंस आउट करेगा। और अगर कैंसिलेशन के नतीजे में न्यू इक्विटी सेट ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट है लेकिन नॉट आइडेंटिफाइड इस रिप्लेसमेंट अवार्ड है, तो यहाँ पे जो कैंसिल हो गया इसके ऊपर एसिलेटेड अकाउंटिंग होगी, और नई शेयर बेस्ड पेमेंट को नए सिरे से नए मैनर से स्टार्ट कर रहे होंगे। क्या ये मैनेज हो जाएगा हमसे? सर, व्हाट इफ के लायबिलिटी सेटल व्हाट इफ के कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट की कैंसिलेशन हो जाए? ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं पड़ा, ऐसा भी कोई सवाल नहीं देगा, लेकिन कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट भी तो कैंसिल हो सकती है। यस, बिल्कुल हो सकती है। क्या जहन कहता है, क्या करना चाहिए? लायबिलिटी रिवर्स कर देंगे थ्रू इक्विटी या पीएन, नहीं कैंसिल हो रही है पे कैश भी नहीं दे रहे, मना कर रहे हैं। सर, लायबिलिटी की कैंसिलेशन के केस में भी सारी सारी लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट, ओ पीएनएल क्रेडिट कर देंगे, अपना एक्सपेंस थ्रू पीएनएल रिवर्स कर देंगे। क्या आप ऐसी काउंटर पार्टी से डील कर रहे हो जो आपकी कंपनी का ओनर नहीं है, तो आप अगर आप लायबिलिटी से जान चुरा रहे हो तो आपकी लायबिलिटी रिवर्स हो जाएगी, एक्सपेंस पीएनएल के थ्रू रिवर्स हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट है IFRS 2 में, मॉडिफिकेशन दैट चेंजेस द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट, दैट चेंजेस द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट। ये एरिया ऐसा है जो कि जिसकी बड़ी अच्छी और तगड़ी एग्जाम्पल्स आपके IFRS 2 की रेड बुक्स में दी हुई है, जो हमारी इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स होती है IFRS की रेड बुक्स में, उसमें इसकी अच्छी एग्जाम्पल्स दी हुई है, ये कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर एज सच कोई बहुत अच्छा सवाल अभी तक एग्जामिनर ने पूछा नहीं है।
ये वो एरिया जो कि सॉर्ट ऑफ अभी तक एग्जामिनर की पर्सपेक्टिव से मैं कहूंगा कि अनटच्ड एरिया है। इसके हवाले से IFRS 2 में अभी तक बहुत ज्यादा चीजें एग्जाम में पूछी नहीं गई है। अब मॉडिफिकेशन दैट चेंजेस द क्लासिफिकेशन, मॉडिफिकेशन दैट चेंजेस द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट, आपकी शेयर बेस्ड पेमेंट मॉडिफाई हो रही है, लेकिन मॉडिफिकेशन के नतीजे में इसकी क्लासिफिकेशन चेंज हो रही है। या तो कैश सेटल से इक्विटी सेटल बन रहा होगा, या इक्विटी सेटल से कैश सेटल बन रहा होगा। कैश सेटल से इक्विटी सेटल बहुत आसान है और यही एग्जाम में एक दफा टेस्ट भी हुआ है। कैश सेटल से अगर इक्विटी सेटल में क्लासिफिकेशन हो रही है तो ये बहुत आसान है और ये एक दफा टेस्ट हुआ एग्जाम। इसमें हम सिंपली क्या करेंगे कि जब भी मॉडिफिकेशन होगी तब सारी की सारी कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट की लाइबिलिटी को डीरिकॉग्नाइज कर देंगे, यानी कि लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगा। मॉडिफिकेशन डेट पे चूंकि ये कैश से इक्विटी बनने जा रहा है तो मॉडिफिकेशन डेट पे जो फेयर वैल्यू होगी उस फेयर वैल्यू के बेसिस पे आप अपने पास शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व मेंटेन करना शुरू करोगे। उस फेयर वैल्यू एट द मॉडिफिकेशन डेट की बेसिस पे आप फेयर वैल्यू की बेसिस पे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व मेंटेन करोगे, और जो भी लायबिलिटी को डीरिकॉग्नाइज किया, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रिएट किया, इन दोनों के दरमियान डिफरेंशियल आएगा, ये सिंपली पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगा आदर एज एक्सपेंस आदर एज इनकम। तो डीरिकॉग्नाइज द लायबिलिटी फॉर कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट, रिकॉग्नाइज इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट एट इट्स फेयर वैल्यू एट द मॉडिफिकेशन डेट टू द एक्सटेंट दैट सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड अप टू दैट डेट, टू द एक्सटेंट दैट सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड अप टू दैट डेट। इसका क्या मतलब है? टू द एक्सटेंट दैट सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड अप टू दैट डेट। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ग्रांट किया 5 साल की वेस्टिंग कंडीशन, 2 साल बाद 2 साल की सर्विसेज के अगेंस्ट लायबिलिटी बना ली होगी, अपने हमने इसको मॉडिफाई करके कैश सेटल से इक्विटी सेटल बना दिया, तो 2 साल के बाद सारी की सारी लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी। मॉडिफिकेशन डेट पे जो इक्विटी की फेयर वैल्यू होगी उस फेयर वैल्यू पे 2/5 का रिजर्व मेंटेन करेंगे, बिल्कुल जीरो से रिजर्व स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 साल का तो वेस्टिंग पीरियड गुजर चुका है ना, तो 2 साल के बाद जब तुम इसे मॉडिफाई कर रहे हो तो लायबिलिटी डेबिट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट, कितने से? जो भी फेयर वैल्यू एट द मॉडिफिकेशन डेट थी मल्टीप्लाई बाय 2/5 के फैक्टर से, फिर तीसरे साल बाद 3/5, चौथे साल बाद 4/5 और पांचवें साल बाद 5/5। तो ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान से। और एक और बात कि जो भी डिफरेंस आएगा वो पीनल में चला जाएगा। एक आसान सा सवाल है जो कि आपके पास पेपर में पूछा गया है इस चीज के हवाले से, समर 21 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4 की एक एडजस्टमेंट आई है, समर 21 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4 की एक एडजस्टमेंट आई है। कहता है आइसक्रीम लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड द ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2020। ऑन 31 दिसंबर 2020 कंपनी कैंसल्ड शेयर एप्रिसिएशन राइट ओरिजिनली ग्रांटेड टू 10 एग्जीक्यूटिव ऑन 1 जनवरी 2019 एंड इन देयर प्लेस ग्रांटेड 32,000 शेयर ऑप्शन टू दोस एग्जीक्यूटिव ऑन द कंडीशन दैट दे विल रिमेन इन द कंपनीज एम्प्लॉयमेंट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। कह रहा है एक लिस्टेड कंपनी जिसका ईयर एंड 31 दिसंबर 2020 है, 1 जनवरी 2019 पे उसने अपने 10 एग्जीक्यूटिव को शेयर एप्रिसिएशन राइट का वादा किया था, 31 दिसंबर 2020 पे 2 साल के बाद हमने शेयर एप्रिसिएशन राइट को कैंसिल कर दिया और इसकी जगह 32,000 शेयर ऑप्शन ग्रांट कर दिए, और इस 32,000 शेयर ऑप्शन के अगेंस्ट अभी 2 साल की रिमेनिंग सर्विसेज बाकी हैं। कंपनी ओरिजिनली ग्रांटेड 30,000 शेयर एप्रिसिएशन राइट टू ईच 10 एग्जीक्यूटिव दैट विल बी सेटल्ड इन कैश ऑन द कंडीशन दैट दे विल रिमेन इन द एम्प्लॉयमेंट फॉर नेक्स्ट 4 ईयर। ओरिजिनली 4 साल की सर्विस कंडीशन थी और 2 साल के बाद कैंसिल करने के बाद जो 2 साल की सर्विस कंडीशन रह गई, यानी कि सर्विस कंडीशन में हमने कोई चेंज नहीं किया। फेयर वैल्यू ऑफ द ईच शेयर एप्रिसिएशन राइट एट 31 दिसंबर 19 एंड 20 वाज एस्टिमेटेड एट 150 एंड 190 रिस्पेक्टिवली। ऑन 31 दिसंबर 20 द फेयर वैल्यू ऑफ द ईच शेयर ऑप्शन वाज एस्टिमेटेड एट 200। ऑल एग्जीक्यूटिव आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन एम्प्लॉयमेंट फॉर द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम जनरलाइज द अबव। क्या करूंगा सर, पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 2019 पे ₹150 के शेयर प्राइस के बेसिस पे, ₹150 की शेयर एप्रिसिएशन राइट की फेयर वैल्यू के बेसिस पे 1/4 लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा, फिर 31 दिसंबर 2020 पे 190 के हिसाब से 2/4 की लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा, फिर 31 दिसंबर 2020 पे चूंकि हमने इसे मॉडिफाई करके कैश सेटल से इक्विटी सेटल बना दिया तो सारी लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन 200 की बेसिस पे 2/4
शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व मेंटेन हो जाएगा और जो भी यहाँ पे बैलेंसिंग आएगा वो पीएनएल में। और फिर आगे कुछ ज्यादा डेटा दिया नहीं है तो ईयर थ्री ईयर फोर का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे, फोर बाय फोर करवा देता हूँ मैं सब। यहाँ देखो समर 21 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर फोर, ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर फोर नहीं है, बस एक एडजस्टमेंट है। देखें मैं टेबल नहीं बना रहा, पूरी वर्किंग आपको शो कर देता हूं। हमने 1 जनवरी 2019 में ये ग्रांट किया था और 1 जनवरी 2019 में हमने शेयर एप्रिसिएशन राइट ग्रांट किए थे, तो 31 दिसंबर 2019 पे 10 एग्जेक्टिव 32,000 शेयर ऑप्शन, 150 की फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एप्रिसिएशन राइट 31 दिसंबर 2019 पे, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 32,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/4 12 मिलियन की एक्सपेंस और लाइबिलिटी। फिर 31 दिसंबर 2019 पे कितनी फेयर वैल्यू है शेयर अप्रिसिएशन राइट की, 190, सॉरी मैंने गलत देख लिया शायद, हाँ सही कह रहे 30,000, मैंने गलती से 32,000 देख लिया था, 30,000 अमाउंट अमाउंट चेंज हो जाएगा 11.25 मिलियन। फिर 31 दिसंबर 2020 पे शेयर अप्रिसिएशन राइट की फेयर वैल्यू 150 से बढ़कर 190 हो गई, तो 190 मल्टीप्लाई बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2/4 सॉरी 28.5 की लायबिलिटी होगी और एक्सपेंस जो है वो 17.25 का होगा, 17.25 28.5 और 11.25 का डिफरेंशियल है। ये हम बात कर रहे थे शेयर एप्रिसिएशन राइट की। फिर हमने इसे कैंसिल करके इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट बना दिया। अब हम 31 दिसंबर 2020 पे ही, 31 दिसंबर 2020 पे ही शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू, शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू कितनी 31 दिसंबर 2020 पे 200, कितने नंबर ऑफ शेयर ऑप्शंस सर, शेयर ऑप्शंस को हमने 32,000 कर दिया है और इन्होंने कहा था कि 10 के 10 लोग हमारे साथ ही रहेंगे, तो 2/4 इतना हमें शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व बनाना है, 32 मिलियन। देखो अगर मैं इन तीनों को पहले अकाउंट फोर कर लूं तो हमारे पास 31 दिसंबर 2019 पे एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, 2019 का एक्सपेंस है 11.25 और 11.25। फिर 31 दिसंबर 2020 पे मजीद एक्सपेंस डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट कितना सर, 17.25 17.25 और फिर 31 दिसंबर 2020 पे ही सारी लाइबिलिटी डीरेकग्नाइज हो जाएगी, तो लाइबिलिटी डेबिट 28.5, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट 32 और यहां पे जो डिफरेंशियल आएगा ये एक्सपेंस पीएनएल में 3.5। फिर इसके बाद 31 दिसंबर 2021 पे, वैसे तो इन्होंने आगे का डेटा नहीं दिया
लेकिन अगर 31 दिसंबर, क्योंकि हमारा ईयर एंड यहाँ तक था, लेकिन 31 दिसंबर 2021 और 31 दिसंबर 2022 पे क्या होगा सर? 200 की फेयर वैल्यू अब अनचेंज रहेगी, 32,000 शेयर ऑप्शंस, डेटा नहीं है तो 10 ले रहा हूं, अदरवाइज डेटा होता तो फिर उस हिसाब से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को एडजस्ट करता, और 3/4 और 4/4 ने रिजर्व के नंबर को अकॉर्डिंगली बढ़ाते जाएंगे और इनके अगेंस्ट एडिशनल एक्सपेंस रिकॉर्ड करते जाएंगे। 48 48 मिलियन 64 64, सिंपल है, कॉपी करने सर इसे। हाँ कॉन्फिगरेशन कैसे चले सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो कि मेरे हिसाब से अगर IFRS 2 में कुछ पूछना चाहिए एग्जामिनर को तो वो ये पूछना चाहिए, क्योंकि इस पे अभी तक मुझे कोई पास पेपर में पिछली 20 अटेम्प्ट में सवाल नहीं देखा जहां पे मॉडिफिकेशन के नतीजे में शेयर बेस पेमेंट की क्लासिफिकेशन फ्रॉम इक्विटी सेटल टू कैश सेटल में ट्रांसफर हो, चेंज हो रही हो, कन्वर्ट हो रही हो। अब अगर शेयर बेस पेमेंट की क्लासिफिकेशन में चेंज आ रहा है फ्रॉम इक्विटी सेटल टू कैश सेटल शेयर बेस पेमेंट, तो यहां पे सर अगर इक्विटी सेटल नहीं है तो रिजर्व डेबिट, और चूंकि अभी कैश सेटल बन गया तो लायबिलिटी क्रेडिट हो जानी चाहिए। लेकिन जब आप ये काम करोगे, जब आप ये काम करोगे तो दो तरह की पॉसिबिलिटी या दो तरह के सिनेरियोस क्रिएट होंगे। नंबर वन कि आप जब ये मॉडिफिकेशन अकाउंट फॉर कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी का नंबर आपके रिजर्व के नंबर से ज्यादा बन रहा है, यानी आपके पास लायबिलिटी का नंबर ज्यादा आ रहा है और आपके पास रिजर्व कम मेंटेन था। सर ये डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि रिजर्व तो ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू के बेसिस पर रिकॉर्ड हो रहा है और लायबिलिटी तो आप मॉडिफिकेशन डेट की नंबर की बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपने जो लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है वो डेबिट, जो रिजर्व अनरिकॉर्ड करना है, सॉरी, जो लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है वो क्रेडिट, जो रिजर्व अनरिकॉर्ड करना है उसे डेबिट कर देंगे। इस केस में जो डिफरेंस आएगा, इस केस में जो डिफरेंट आएगा, इसके हवाले से IFRS 2 ने असर्स कोई बात नहीं की कि इस डिफरेंस का क्या करना। तो एज अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी हम दो में से कोई एक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं कि आइदर हम उस डिफरेंस को पीएनएल में रिकॉर्ड कर दें, आइदर हम उस डिफरेंस को इक्विटी में अकाउंट फॉर कर दें, आइदर हम उस एक्सपेंस को पीएनएल में अकाउंट फॉर कर दें या फिर इक्विटी में अकाउंट फॉर कर दें। तो एट द मॉडिफिकेशन डेट रिक्लासिफाई एन अमाउंट इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी फ्रॉम इक्विटी रिजर्व टू लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी मैंने क्रेडिट करनी है, रिजर्व मैंने डेबिट करनी है। तो अगर लायबिलिटी का नंबर ज्यादा है, रिजर्व का नंबर कम है, तो रिजर्व डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट जो डिफरेंशियल है या तो वो पीएनएल में चला जाएगा या फिर वो इक्विटी में चला जाएगा। लेकिन अगर आप इक्विटी सेटल से कैश सेटल में जा रहे हो तो आप रिजर्व को डेबिट लायबिलिटी को क्रेडिट करोगे, लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी का नंबर आपके रिजर्व के नंबर से कम बन रहा हो, आपकी लायबिलिटी का नंबर रिजर्व के नंबर से कम बन रहा हो, तो यहां पर हमें एक डिफरेंशियल एक काम करना पड़ता है। इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि पहले तो ये देखते हैं कि मॉडिफिकेशन डेट पे हमें कितनी लायबिलिटी चाहिए थी, मॉडिफिकेशन डेट पे हमें कितनी लायबिलिटी चाहिए थी, उतनी लायबिलिटी की अमाउंट से आपकी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज और रिजर्व डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, लायबिलिटी क्रेडिट, शेयर बेस पेमेंट रिजर्व डेबिट हो जाएगा। अब चूंकि लायबिलिटी का नंबर रिजर्व के नंबर से कम आ रहा है, चूंकि लायबिलिटी का नंबर रिजर्व के नंबर से कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि रिजर्व में अभी भी कोई अमाउंट रखा हुआ है, इसका मतलब है अभी भी कोई अमाउंट रिजर्व पे रखा हुआ है। अब फ्यूचर ईयर्स में जो आपने इक्विटी की फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट डिटरमाइन की थी, जो आपने इक्विटी की फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट डिटरमाइन की थी, मॉडिफिकेशन डेट पे नहीं, उस ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू की बेसिस पे आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे और उस एक्सपेंस को रिजर्व और लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू में तोड़ दोगे, जो आपने मॉडिफिकेशन डेट पे इक्विटी का रिजर्व का नंबर रहने दिया था और लायबिलिटी का नंबर रिकॉर्ड किया था, और फिर जो लायबिलिटी कंपोनेंट है उसे रीमेजर भी किया जा रहा होगा हर ईयर एंड पे, और वो रीमेजरमेंट का इंपैक्ट पीनल में जा रहा होगा। सर बहुत सारी बातें आपने बता दी, इतनी सारी बातें मैं याद भी नहीं रहेगी एग्जाम में, तो सॉल्व करवाते वक्त किस तरीके से करेंगे एक सोल्यूशन के साथ देखते हैं, थोड़ा बहुत क्लैरिटी आएगी और एक जुगाड़ भी बताऊंगा फिर। सबसे पहले हमारे पास मॉडिफिकेशन
दैट चेंजेस द क्लासिफिकेशन फ्रॉम इक्विटी सेटल्ड टू कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ऑन 1 जनवरी ईयर 1 कंपनी के ग्रांट 1000 शेयर ऑप्शन टू चीफ एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट टू द 4 ईयर सर्विस कंडीशन. द ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन इज 8, सो द टोटल ग्रांट डेट फेयर वैल्यू इज 8000. एट द एंड ऑफ ईयर 2 कंपनी एड कैश ऑल्टरनेटिव टू द अरेंजमेंट अंडर विच एम्प्लॉय कैन चूज अ कैश पेमेंट दैट इक्वल्स द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन. द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन एट द मॉडिफिकेशन इज 9 एंड अकॉर्डिंगली द फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी इज 9000. हाउ शुड द मॉडिफिकेशन बी रिकॉग्नाइज्ड अज्यूमिंग दैट द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑप्शन रिमेन्स एट 9 अंटिल द एंड ऑफ ईयर 4. अब देखें ओरिजिनली 1 जनवरी ईयर पे हमने 1000 शेयर ऑप्शन यानी कि इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट ग्रांट किया, 8 रुपए की ऑप्शन की फेयर वैल्यू इन टोटेलिटी 8000. तो हमने इस केस में 31 दिसंबर ईयर 1 पे एक्सपेंस डेबिट किया होगा, शेयर बेस पेमेंट रिजर्व क्रेडिट किया होगा. इतने से सर 8000 की टोटल फेयर वैल्यू थी, लेकिन 4 साल की सर्विस कंडीशन थी तो 1/4 2000 से. फिर इसी तरीके से 31 दिसंबर ईयर 2 सेम ये एंट्री बनाई होगी, एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट 2000 और 2000. बेसिकली हम जो रिजर्व बना रहे हैं वो 8000 इंटू 2/4 और 2000 का रिजर्व ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, तो डिफरेंशियल हमने 2000 का फर्दर एक्सपेंस फर्दर रिजर्व बना दिया. अब ये काम करने के बाद हमारा जो शेयर बेस पेमेंट रिजर्व है वो कितना है? 4000. अब इस दिन मॉडिफिकेशन हो रही है, तो इस दिन आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है. सर लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू की उन्होंने हमें सवाल में बताया कि लाइबिलिटी की जो फेयर वैल्यू है वो कितनी है? 9000. और 4 साल में से 2 साल गुजर चुके हैं, एट द एंड ऑफ ईयर 2 है हम, तो हमें लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड करनी है वो रिकॉर्ड करनी है 9000 इंटू 2/4 साढ़े चार हजार. तो अब ये कौन सा सिनेरियो है? सर ये वो सिनेरियो के जब हम क्लासिफिकेशन चेंज करने के नतीजे में लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट को डीरिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन लाइबिलिटी का नंबर शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व के नंबर से ज्यादा है. तो इन दो में से कोई एक अप्रोच को फॉलो करते हुए क्या काम करेंगे? सर हम एक काम ये कर सकते हैं कि 31 दिसंबर ईयर 2 पे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट 4000 से, लाइबिलिटी क्रेडिट 4500 से, और डिफरेंशियल एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट. और दूसरी अप्रोच के तहत हम ये कर सकते हैं कि 31 दिसंबर ईयर 2 पे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट 4000 से, लाइबिलिटी क्रेडिट 4500 से, और इक्विटी डेबिट करते हैं 500 से. दोनों अप्रोचेस सही होंगी, रीजन बीइंग के IFRS 2 इस पे साइलेंट है, तो ये फर्म की जो गाइडेंस मटेरियल वगैरह होता है उसमें लिखा है कि दोनों अप्रोच एक्सेप्टेबल है. फिर हमारे पास ईयर 3 और ईयर 4 में लाइबिलिटी के अगेंस्ट एंट्री बन जाएगी, तो एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट. कितने से? सर अगर 9000 की लाइबिलिटी है, इन्होंने सवाल में एक सिंप्लीफिकेशन ये कर दी थी कि लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आप सिंपली 9000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 1 साल का एक्सपेंस वर्कआउट कर सकते हो. कितना? 2250. ये सेम एंट्री हमारी ईयर 3 के एंड में, ये सेम एंट्री हमारी ईयर 4 के एंड में बन जाएगी. चाहे फिर मैं अप्रोच 1 करूं या अप्रोच 2 करूं, इन एंट्रीज में कोई फर्क नहीं आए. क्या कह रहे? टोटल पीरियड
असाइनमेंट करता रहूँ। ये हाँ हाँ आप इसको 3/4 ले और -4.5 करें तो भी यही बनेगा, क्योंकि वो सेम ही था तो मैंने 1/4 कर दिया एक्सपेंस को ही। तो हाँ एक्सेप्ट यस, लेकिन इन दोनों के हवाले से, बेसिकली जो IFRS में तो कोई बात नहीं है, फर्म की गाइडेंस मटेरियल में ये बात है कि इस अप्रोच के लिए ये जस्टिफिकेशन है कि आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर के मामला सेटल करके उस मामला को लाइबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे हो, अब उसे लेंडर बना रहे हो तो इम्पैक्ट पी में लेके जाओ। और यहाँ पे वो ये कह रहा है कि भाई चूंकि हम इक्विटी होल्डर को कन्वेंस कर रहे हैं तो इक्विटी में ही एडजस्टमेंट कर, तो उस वजह से तो ये हमारे पास मॉडिफिकेशन थी जिसमें हमने इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट को कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट में ट्रांसफर कर दिया। मुजना और तौकीर मैंने 1/4 इसलिए किया है, Year 3 और Year 4 की एंट्री में रिपीट कर रहा हूं। देखो हमारे पास लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू कितनी है, हमारे पास लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू कितनी है 9000, और इन्होंने सवाल में कहा है कि आपकी लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो जो मेरा पैटर्न चलता हुआ रहा है मैं क्या करता, Year 3 के एंड पे 9000 का 3/4 करता, और फिर 9000 का जो भी 3/4 आता उसमें से 4.5 हजार माइनस कर देता, Year 3 का एक्सपेंस आ जाता। Year 4 के एंड पे 9000 का 4/4 करता, और फिर जो भी लाइबिलिटी आती उससे ओपनिंग लाइबिलिटी माइनस करता तो भी यही बनता। चूंकि लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो मैं हर साल के आखिर में लाइबिलिटी 3/4, 2/4 कैलकुलेट करके डिफरेंशियल लूं, या लाइबिलिटी के नंबर को 1/4 कर दूं, बात एक ही है। मतलब मैथ्स का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, कोई अकाउंटिंग में यूनिक बात अप्लाई नहीं की। सर आखिरी सवाल देखते हैं आज का, IFRS 2 चेंजेस फ्रॉम इक्विटी सर्टिफिकेट शेयर बेस्ड पेमेंट टू कैश सर्टिफिकेट बेस्ड पेमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफिकेशन। इन दोनों सवालों को मेरे पर्सपेक्टिव से आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। हमारे पास इक्विटी सर्टिफिकेट शेयर बेस्ड पेमेंट की मॉडिफिकेशन हो जिसके नतीजे में इसकी क्लासिफिकेशन इक्विटी से कैश सर्टिफिकेट शेयर बेस्ड पेमेंट बन जाए। कहता है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर वन द एंटिटी ग्रांट्स 10,000 शेयर विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 33 पर शेयर टू अ सीनियर एग्जीक्यूटिव कंडीशनल अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर सर्विस। By the end of year two, the share price has dropped to 25 currency unit per share. At that date, the entity adds a cash alternative to the grant, whereby the executive can choose whether to receive 10,000 shares or cash equivalent to 10,000 shares on the vesting date. And the share price is 22 on the vesting date. How should the modification be recognized? देखो क्या कह रहा है, साल के पहले दिन हमने 10,000 शेयर्स का वादा किया जिसकी फेयर वैल्यू 3,500 थी, 3 साल की सर्विस कंडीशन थी। एक साल गुजर गया, दूसरा साल गुजर गया, दूसरे साल के आखिर में शेयर प्राइस 2,500 पे आ गई, तो हमने क्या करा कि अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए इसके अंदर एक कैश ऑल्टरनेटिव ऐड कर दिया। यानी कि इफेक्टिवली ये इक्विटी सेटल से कैश सेटल नहीं, इक्विटी सेटल से सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव बन रहा है, लेकिन इक्विटी सेटल से सेटलमेंट ऑल्टरनेटिव बन रहा हो या कैश सेटल बन रहा हो, इन एनी केस अकाउंटिंग वही होगी जो हम अप्लाई करेंगे। कह रहे एट दैट डेट द एंटिटी एड्स अ कैश ऑल्टरनेटिव टू द ग्रांट वेयर बाय द एंटिटी कैन वेयर बाय द एग्जीक्यूटिव कैन चूज वेदर टू रिसीव 10,000 शेयर्स और कैश इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ 10,000 शेयर्स एंड द शेयर प्राइस इज 22 ऑन द वेस्टिंग डेट। द शेयर प्राइस इज 22 ऑन द वेस्टिंग डेट, ये आपको Year 3 के एंड की प्राइस दे रहा है, ये आपको Year 3 के एंड की प्राइस दे रहा है। अब यहां देखिएगा, पहले तो अगर हम रीड करें कि यहां पे क्या कहता है, नो गेन नो लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड इन PNL फॉर द डिफरेंस बिटवीन द लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड एंड द अमाउंट रिक्लासिफाइड फ्रॉम द लाइबिलिटी डिफरेंस रिमेन द इक्विटी। अगर तो लाइबिलिटी का नंबर इक्विटी के नंबर से कम है तो जितना अमाउंट आप लाइबिलिटी से इक्विटी से लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर रहे हो वो कर दोगे,
डिफरेंशियल आपका रिजर्व में ही रहेगा, इक्विटी में ही रहेगा, आप पीएनएल में कोई गेन रिकॉर्ड नहीं करोगे। सब्सिक्वेंटली रिकॉग्नाइज शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट द ग्रांट डेट, यानी कि जो एक्सपेंस डेबिट होगा वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू एट द ग्रांट डेट की बेसिस पे होगा। द शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस और फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट द ग्रांट डेट शेल बी रिकॉग्नाइज एज इफ नो मॉडिफिकेशन हैड अकर्ड एंड द अमाउंट इज क्रेडिटेड पार्शियली टू द लायबिलिटी एंड पार्शियली टू द इक्विटी कंपोनेंट इन प्रोपोर्शन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी एंड रिमेनिंग शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व ऑन द मॉडिफिकेशन डेट। यानी कि मैं सब्सिक्वेंटली क्या करूंगा कि एक्सपेंस फेयर वैल्यू ऑन द ग्रांट डेट की बेसिस पे वर्कआउट करके एक्सपेंस डेबिट करूंगा, पर ये जो एक्सपेंस का क्रेडिट लग है ये लायबिलिटी की फेयर वैल्यू और शेयर बेस्ड पेमेंट का रिजर्व का बैलेंस जो मॉडिफिकेशन डेट पे था उन दोनों में पार कर दूंगा। फिर रीमेजर द लायबिलिटी बाय अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश सर्टेन शेयर बेस्ड पेमेंट विद एनी गेन और लॉस टू बी रिकॉग्नाइज इन पीएनएल। और ये वाली बात इससे बेसिकली यहाँ जो पॉइंट मैंने मिस किया था इससे कनेक्टेड है कि पहले आपने ये करना है कि आप शेयर बेस्ड पेमेंट का एक्सपेंस फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी एट द ग्रांट डेट की बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे, डेबिट एक्सपेंस होगा, क्रेडिट लाइबिलिटी और रिजर्व होगा मॉडिफिकेशन डेट पे रिजर्व और लाइबिलिटी की कैरिंग वैल्यूज के रेशियो में। फिर लाइबिलिटी को रीमेजर करेंगे और लाइबिलिटी की रीमेजरमेंट का जो भी इंपैक्ट होगा वो आपका पीएनएल में चला जाएगा। पहले तो जो यहाँ लिखा है इस तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर कुछ आसान तरीका भी ढूंढेंगे इसको सॉल्व करने का। याद है क्या सर? सबसे पहले अगर मैं इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट की बात करूं तो हमारे पास ईयर वन के एंड पे 10,000 शेयर्स, 33 की फेयर वैल्यू और 3 साल की सर्विस कंडीशन, यानी कि 33 की फेयर वैल्यू, 10,000 शेयर्स, 1/3। ईयर टू के एंड पे 33 की फेयर वैल्यू, 10,000 शेयर्स इंटू 2/3, तो ये हमारे पास शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व का नंबर आ जाएगा। 1,10,000 पहले साल के आखिर में, 2,20,000 दूसरे साल के आखिर में, और इसी के पैरेलल हम एंट्रीज बनाते हैं। तो ईयर वन के एंड पे एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट 1,10,000, 1,10,000। ईयर टू में भी एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट 1,10,000 और 1,10,000। अब हमारे पास 2,20,000 का रिजर्व बन चुका है। ईयर टू के एंड पे हमने इसे इक्विटी सेटल से कैश सेटल कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दी। तो अब हमें क्या करना है, एक लाइब्रेरी रिकॉर्ड करनी है, हमें एक लाइब्रेरी रिकॉर्ड करनी है। जब मैं लाइब्रेरी का नंबर देखता हूं कहता है कि जिस वक्त हमने ये काम किया बाय द एंड ऑफ ईयर टू तो शेयर प्राइस कितनी थी, 25। शेयर प्राइस कितनी थी, 25। यानी कि आपके पास 25 की फेयर वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी मल्टीप्लाई बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, इतनी आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। कितना? 1,66,000, 166,000, 146,000। सर मॉडिफिकेशन डेट पे शेयर प्राइस 25 है, 22 नहीं है। देखो सवाल के डेटा को देखो, बाय द एंड ऑफ ईयर टू द शेयर प्राइस हैज ड्रॉप टू 25 पर शेयर एंड द कंपनी एड्स अ कैश ऑल्टरनेटिव। तो ईयर टू पे शेयर प्राइस 25 है,
शेयर प्राइस इज 22 ऑन द वेस्टिंग डेट। ये तो तुम्हें ईयर थ्री के एंड की डेट बता रहा, तो 22 नहीं लेंगे अभी फिलहाल, 25 लेंगे, अभी ईयर थ्री का एंड आया नहीं है। तो हमने 25 रुपए की फेयर वैल्यू 10,000 शेयर्स 2/3, ये कितना बन रहा है? 7,6,6। ये बन रहा है हमारे पास 166,667, और मेरे पास इक्विटी में 2,20,000 रुपए पड़े हुए। तो मैं ईयर टू के एंड पे क्या करूंगा, ईयर टू के एंड पे मैं शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट कर दूंगा 166,667, 166,667, ठीक है। तो ये काम करने के बाद, हमारे पास ईयर टू के एंड पे लाइबिलिटी कितनी हो गई है, 166,667, और इक्विटी कितना हो गया है, इक्विटी कितना हो गया है सर, 2,20,000 रुपए के बैलेंस में से अगर आपने 1,66,000 हटा दिया तो इक्विटी का बैलेंस कितना है, 53,335। थोड़ी देर बाद सुकून से सुने, आसान तरीका बताऊंगा इसको सॉल्व करने का। लाइबिलिटी का अमाउंट, लाइबिलिटी इक्विटी में जो बैलेंस रह गया था 53,335। हमने एज अ रूल ये बात पढ़ी कि आपने जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है वो फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट द ग्रांट डेट की बेसिस पे ही रिकॉर्ड करना है। यानी कि जो हमारा तीसरे साल का एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस कितना होगा सर, 1,10,000 ही होगा, क्योंकि इक्विटी डेट पे अगर ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू 33 थी और 1/3, 2/3 करके हम हर साल रिजर्व बना रहे थे, तो एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड कर रहे थे, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 से एक्सपेंस डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व क्रेडिट। किस रेशियो में सर, मॉडिफिकेशन डेट पे, मॉडिफिकेशन डेट पे जो लाइबिलिटी और इक्विटी की कैरिंग वैल्यूज थी, तो जरा इस 1,10,000 के एक्सपेंस को 166,667 और 53,333 के रेशियो में तोड़े, ये हमारी कैरिंग वैल्यूज हैं 83,333 और 26,667। तो 83,333, 26,667, तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा 83,333 और इक्विटी 26,667। अब यहां तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, हमें ईयर थ्री के एंड पे लाइबिलिटी को रीमेजर भी करना है, और ईयर थ्री के एंड पे लाइबिलिटी की रीमेजरमेंट क्या है सर, वेस्टिंग डेट, यानी कि ईयर थ्री के एंड पे वैल्यू कितनी हो गई शेयर की, 22, वैल्यू कितनी हो गई शेयर की, 22। तो 22 इंटू 10,000 इंटू 3/3, यानी कि इतनी लाइबिलिटी हमें बनानी है, 220। और हमारे पास कितनी रिकॉर्डेड है सर, हमारे पास रिकॉर्डेड है 166,667 और 83,333, 50,000। 250,000, यानी कि हमें लाइबिलिटी में, तीस हजार का रिवर्सल करना है भी, हमें लाइबिलिटी में 30,000 का रिवर्सल करना है। हमें कमेंट्री क्या बनाएंगे, लाइबिलिटी डेबिट 30,000 और एक्सपेंस पीएनएल में क्रेडिट 30,000। अब ये करने के बाद आपकी लाइबिलिटी 2,20,000 पे आ गई, अब अगर काउंटर पार्टी कैश डिमांड करती है, लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट कर देंगे, अगर काउंटर पार्टी शेयर डिमांड करती है, लाइबिलिटी डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन ये ना थोड़ा मुश्किल काम हो गया है, ये जो हमने यहाँ पे किया ना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। एक्सपेंस को ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर एक्सपेंस को कैरिंग वैल्यू के रेशियो में तोड़ रहे हैं, फिर लाइबिलिटी को रीमेजर कर रहे हैं। इनको थोड़ा आसान वे में किया जा सकता है, देखो कैसे है, ईयर टू के एंड पे हमारे पास शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व बिफोर
मॉडिफिकेशन कितना था? 2,20,000 का। अब आप मॉडिफिकेशन डेट पे क्या करेंगे कि फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट एट ग्रांट डेट। ग्रांट डेट पे इक्विटी सेटल शेयर बेस पेमेंट की फेयर वैल्यू कितनी थी? सर ग्रांट डेट पे 33 की फेयर वैल्यू थी 10,000 शेयर ऑप्शंस की। 33 × 10,000 3,30,000 लेस फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी कंपोनेंट एट मॉडिफिकेशन डेट। जिस वक्त आपने मॉडिफिकेशन की उस वक्त लाइबिलिटी कंपोनेंट की फेयर वैल्यू कितनी है? सर ये हमने सवाल में कैलकुलेट किया था, 25 रुपए के हिसाब से थी। और ये सवाल मतलब कैलकुलेट किया गया था, सवाल में गिवेन था। तो 25 × 10 ये आ गया 2.5 लाख। 3,30,000 माइनस 2.5 लाख 80,000। ये अब आपका इक्विटी कंपोनेंट है, ये अब आपका इक्विटी कंपोनेंट है और ये आपका मॉडिफिकेशन डेट पे लाइबिलिटी कंपोनेंट है। अब हमने क्या किया कि सर अगर इक्विटी कंपोनेंट 80,000 है तो पर ईयर के हिसाब से हमारा एक्सपेंस कितना होना चाहिए था? 80,000 डिवाइडेड बाय 3, 26,667। अब मैं क्या करूंगा कि ईयर टू के एंड पे एक तो ये एंट्री बन जाएगी, शेयर बेस पेमेंट रिजर्व डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। ये जो हमने देखा था कि हमारे पास कितनी लाइबिलिटी होनी चाहिए थी, 2.5 लाख तो टोटल था ना। अगर हम इसका टेबल बनाएं लाइबिलिटी का, तो टेबल के हिसाब से ईयर एंड फेयर वैल्यू एट ईयर एंड, नंबर ऑफ शेयर्स, टाइम फैक्टर और लाइबिलिटी सर ईयर टू के एंड पे हैं और इसके बाद ईयर थ्री आएगा। फेयर वैल्यू 25, 10,000 शेयर्स, टाइम फैक्टर 2/3, 3/3 और दूसरे साल के आगे में लाइबिलिटी होनी चाहिए 1,66,667। तो 1,66,667 से हमने लाइबिलिटी का अमाउंट रिकॉग्नाइज करना है ईयर टू के एंड पे, तो शेयर बेस पेमेंट रिजर्व डेबिट कर देंगे और लाइबिलिटी क्रेडिट कर दिया। ये वही काम किया जो हमने यहां पे भी किया था यहां तक। अब इस काम को अवॉइड करने के लिए, इस काम को अवॉइड करने के लिए मैंने ये एक वर्किंग की, ये वही वर्किंग की जो मैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के केस में स्प्लिट अकाउंटिंग के केस में करता था। लेकिन फेयर वैल्यू ग्रांट डेट से लिए क्योंकि ये ग्रांट डेट पे दे दिया था, लाइबिलिटी फीचर मॉडिफिकेशन डेट पे ऐड किया। तो ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू से मॉडिफिकेशन डेट पे जो लाइबिलिटी फीचर ऐड किया उसको माइनस करने के बाद इक्विटी कंपोनेंट वर्कआउट किया, और इक्विटी कंपोनेंट वर्कआउट करने के बाद पर ईयर पे 26,000 का एक्सपेंस यहाँ रिकॉर्ड होना है। लाइबिलिटी के अगेंस्ट हमने एक टेबल बना दिया। अगर लाइबिलिटी के अगेंस्ट टेबल बनाया तो पहले साल के आगे में 1,66,667 की लाइबिलिटी मेंटेन करनी थी जो हमने मेंटेन कर दी। ईयर थ्री के एंड पे क्या होगा? सर ईयर थ्री के एंड पे लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू हो गई है 22 रुपए के हिसाब से। तो इस टेबल में तुम 22 प्लॉट कर दोगे, 22 × 10,000 शेयर्स × 3/3 2,20,000। अब तुम्हारी ईयर थ्री के एंड में एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस डेबिट इक्विटी के अगेंस्ट 26,667, शेयर बेस पेमेंट रिजर्व क्रेडिट 26,667। एक्सपेंस डेबिट 2,20 और 1,66 का डिफरेंस, क्योंकि लाइबिलिटी को 1,66 से बढ़ाकर 2,20 पर लाना है। 53,333 तो एक्सपेंस 53,333 डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट 53,333। सर हमने पहले तो ये एंट्री नहीं बनाई थी, हमने पहले तो
कुछ और ही काम किया था, नेट ये काम किया था। देखो पहले आपने रिजर्व में 26,666 पार्क किए और एक्सपेंस डेबिट किया, फिर हमने रिजर्व में 26,666 और एक्सपेंस डेबिट किया। पहले आपने लाइबिलिटी 83,000 से क्रेडिट की और 30,000 से डेबिट की, 83,000 से क्रेडिट और 30,000 से डेबिट, यानी कि नेट 53,333 से ही क्रेडिट किया। अब की बार में मैं लाइबिलिटी को नेट 53,333 से ही क्रेडिट कर रहा हूं। क्या ये समझ आता है? मैं सर तो यहां तक हमारे पास IFRS 2 में जो मेजर एरिया सर रिविजन का वो कंप्लीट होता है। आई होप कि मैं सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। कुछ सवाल ले लेते हैं ऑनलाइन वालों के। हाँ नहीं, तरीका।